हेलो प्यारे बच्चों सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण राधे राधे गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर सिद्धांत यश मोहित जल्दी ये सब लोग आ जाएं yes. यस क्षित जैन अमित सरकार गुनगुन गोल्डन पैरट्स वंश रामदेव तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक आपने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था जहां पर आपने जो भी पैराबोला सर्कल इलिप्स हाइपरबोला पढ़ा वो एक प्लेन पर पढ़ा एक प्लेन का मतलब एक ऐसा एक्स वाई प्लेन एक ऐसा एक प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस थी और वाई एक्सिस थी और आज हम आपकी उस सोच को आपके उस प्लेन को एक नया आयाम देंगे जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री डी यानी के एक्स y और जेड तीनों एक्सिस को लेकर किसी पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे उसकी लोकेशन को स्पेस में 2D में हम जिस भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते हैं वो एक प्लेन में करते हैं और यहां 3D में करेंगे पूरा स्पेस में करेंगे तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करें गुड मॉर्निंग एवरी नमस्ते चलिए हाँ राधे राधे तो सबसे पहले ये रहा हमारा x एक्सिस ये y एक्सिस और ये z एक्सिस 3D पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे का कोना अगर आप देखें वो उस कोने पर आपको तीन लाइंस मिलती हुई दिखाई देंगी आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का कोई भी कोना पकड़ लें वहां आपको तीन लाइंस दिखाई देंगी एक एक्स एक्सिस हो गई एक वाई एक्सिस हो गई और एक जेड एक्सिस हो गई एक्स वाई और जेड जिस जमीन पर आप कुर्सी पर बैठे हैं या जिस चीज पर भी बैठे हैं वह जो प्लेन है वह है एक्स वाई प्लेन वह है एक्स वाई प्लेन और ऐसा प्लेन जिसमें वाई और जेड एक्सिस है वो वाई जेड प्लेन

P और हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स मान लो XYZ हैं तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है आपने P से परपेंडिकुलर डाला N पर एक्स वाई प्लेन पर वो कहा मिला N पर और फिर वहां से परपेंडिकुलर डाला किस पर परेड एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर तो आप मुझे बता सकते हैं एन के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे जल्दी से बताओ एन के कॉर्डिनेट्स जल्दी से बताओ एन के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे जल्दी से बताओ एन के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे एन के कॉर्डिनेट्स एन के कॉर्डिनेट्स बोलो भाई

फिर y के पैरेलल चले कितना y और फिर ऊपर की डायरेक्शन में चले फिर z के पैरेलल चले कितना z तब आप इस पॉइंट तक पहुंच गए तो x कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब क्या है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना हमें x पर चलना पड़े फिर जितना y के पैरेलल चलना पड़े और फिर z के पैरेलल चलना पड़े वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं सिंपल है ये बात तो हमें मालूम है ये बात तो हमें मालूम है अच्छा अब एक चीज बताओ एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन ऑन एक्स वाई प्लेन कैसा दिखाई देगा जल्दी से बताओ दूसरा एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन कैसा दिखाई देगा ऑन वाई जेड प्लेन वो कैसा दिखाई देगा और एनी पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन या एक्सैड प्लेन वो कैसा दिखाई देगा ऑन एक्स जेड प्लेन इसी तरीके से एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो कैसा दिखाई देगा ऑन एक्स एक्सिस और इसी तरह से वाई एक्सिस और इसी तरीके से जेड एक्सिस जेड एक्सिस चलो जल्दी से बताओ एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट कैसा दिखाई देगा सर एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट दिखाई देगा एक्स वाई प्लेन पर वाई जेड प्लेन पर दिखाई देगा सर जीरो वाई जेड और एक्स जेड प्लेन पर जो भी कोई पॉइंट होगा को वो कैसा दिखाई देगा इट विल लुक लाइक एक्स जीरो यानी कि एक्स जेड प्लेन पर कौन जीरो होता है वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है कौन कोऑर्डिनेट जीरो होता है वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है इसी तरह से लास्ट वाले में एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसा दिखाई देगा एक्स जीरो जीरो क्योंकि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट उस तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक्स पर चलना है ना तो वाई के पैरल चलना है ना जेड पर चलना है इसलिए एक्स जीरो जीरो हो जाएगा एक्स जीरो जीरो हो जाएगा ठीक है ना अगले वाला बता दो भाई अगले वाला बता दो अगले वाला बताओ वाई एक्सिस पर वाई जीरो वाई जीरो और z एक्सिस पर जीरो 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 प्लेन एंड वाई जेड प्लेन यानी कुल मिलाकर बेटा आपने क्या समझा कि xy वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट ले लो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो y कोऑर्डिनेट जीरो एक्स जेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट ले लो उस पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो और इसी तरह से वाई जेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट ले लो उस पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो यानी जो अक्षर गायब है बस वो कोऑर्डिनेट जीरो तो XY पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा होगा सर सर में Z गायब है सर, Z जीरो गा। अच्छा y, Z पर क्या होगा सर सर में X गायब है जीरो होगा वाई और जेड कुछ होगा हाँ और एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है उसमें सिर्फ एक्स का नाम है तो इसलिए सिर्फ एक्स आएगा बाकी दोनों जीरो वाई एक्सिस पर बात करूं तो उसमें सिर्फ वाई का नाम है एक्स और जेड दोनों जीरो? एक्सिस पर बात करूं तो उस पर जेड का नाम है और वाई जीरो आई होप यह बात समझ में आ गई आई होप यह क्लियर हो गया यह क्लियर हो गया यस yes, हा जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजो भे सिंपल सी बात है बेसिक सी बात है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी बात है चलिए

और उनके बीच की दूरी मुझे निकालनी है उनके बीच की दूरी की बात मैं कर रहा हूं यह पॉइंट है ए और यह पॉइंट है बी तो बस इसमें और इसमें फर्क कितना होगा टू में बस इसमें एक Z कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा आप पाएंगे एक्स टू uh, के काफी सारे रिजल्ट थ्री में कैरी ओवर हो जाते हैं कैरी ओवर हो जाते हैं आई होप ये बात समझ में आई आई होप यह बात समझ में आई हां सर तो इसलिए क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर यानी इसमें जेड कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा जेड कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा बस इतनी सी फर्क है ठीक है आई होप ये बात समझ में आई आई होप यह बात समझ में आई सर आप प्रयास बैच में खतरनाक पढ़ा रहे हो धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हाँ ठीक अच्छा एक चीज और पूछूं अगर मैं तुमसे P का डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन से एक्स वाई प्लेन से कितना होगा जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ P का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से कितना होगा P का डिस्टेंस प्लेन से से जल्दी सोच के बताना एकदम फटाफट फटाफट नहीं सोच कर थोड़ा दिमाग से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कितना होगा जल्दी से बताओ बेटा दीपन घोष कितना होगा हा बच्चे क्या बोल रहे हैं जेड नहीं बेटा जेड नहीं कह सकते डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कितना होगा कोई समझदार बच्चा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कितना होगा जल्दी बोलो फ्रॉम एक्स वाई प्लेन कितना होगा बोलो भाई सर डिस्टेंस होगा जेड नहीं क्या कहेंगे मॉड जेड क्या कहेंगे मॉड जेड क्योंकि ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है तो क्या बोलना पड़ेगा Mod z ये चीज ध्यान रखें इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन अब बताओ सही से डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन xz प्लेन यानी कि अगर मैं p से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता अगर मैं p से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता तो उसका जो फुट आता मान लो यहां कहीं आता उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते मॉड हाँ, बिल्कुल इसका डिस्टेंस कितना होगा जल्दी से बताओ वेरी गुड मॉड y कितना होगा डिस्टेंस सर मॉड y ये डिस्टेंस मॉड y होगा यानी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड एक्स जेड प्लेन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन फ्रॉम एक्स जेड प्लेन तो वो कितना होगा सर वो होगा मॉड वाई आई होप ये समझ में आ गया इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स जेड प्लेन कितना होगा सर बोलो सर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन विल बी मॉड मॉड वाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्सड प्लेन तो लिख दिया हमने अब ले लेते हैं एक्स वाई हो गया वाई जेड प्लेन वाई जेड प्लेन होगा मॉड एक्स तो ये छोटे छोटे जो याद रखने हैं क्लियर हो गया बेटा क्लियर हुआ क्लियर हो गया जी सर ये क्लियर हो गया चलो ये डिस्टेंस फॉर्मुला की बात हो गई कॉर्डिनेट से एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू तू, वाई टू जेड टू एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू और ये डिस्टेंस फॉर्मुला हमने आपको बता दिया क्या था बस इसमें जेड कोऑर्डिनेट और जुड़ गया टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसी तरह से सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं मान लो मेरे पास दो पॉइंट है पी और क्यू यह वाला पॉइंट पॉइंट है दिस so कॉर्डिनेट्स क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन और एक पॉइंट है क्यू इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स टू वाई टू जेड टू तो आपको याद होगा अगर कोई पॉइंट अगर कोई पॉइंट अगर कोई पॉइंट ए चाहिए जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता हो इंटरनली एम एस टू एन के रेशियो में तो कैसे कॉर्डिनेट्स मिलते हैं सर एम टाइम्स ये किया था सर और एन टाइम्स ये किया था सर और दोनों को एड किया था तो क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन तो यहां एम वन एम टू कह दू अगर मैं एम वन और दूसरे कह दू एम टू तो जरा मुझे बताओ एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और वही वाई में और वही जेड में वही जेड में आई होप ये बात समझ में आ गई यस yes, सर बिल्कुल सर और फिर से समझ जाओ अगर यह रेशियो यह क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया आई होप यह क्लियर हो गया आई होप यह क्लियर हो गया बिल्कुल yes. 2D जैसा ही है सब कुछ 2D जैसा ही है चलो एक क्वेश्चन करते हैं ए बी ये हमें एंगल वाई सेक्टर ऑफ बी ए सी एंड डी लाइज ऑन बी सी डी पर कौन लाई करता, करता है बेटा बी सी लाई करता है डी पर बीसी लाई करता है तो आपको मुझे ए एंगल बी का एंगल वाई सेक्टर का लेंथ फाइंड करना है आई हैव फाइंड द लेंथ ऑफ कहीं, कहीं पढ़ी होगी वो थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो ये एंगल वाई सेक्टर है और ये ए ये बी और ये सी और ये डी तो हमने पढ़ा है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी तो खटाक से मुझे बताओ ए बी का लेंथ कितना? जल्दी से बताओ ए बी का लेंथ ए बी का लेंथ कितना है? ऑफ ए, 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 हाँ uh, ए बी सर लेंथ ऑफ ए बी विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर एट नाइन यानी के थ्री हो गया ये हो गया ए बी का लेंथ इसी तरीके से अगर मैं आपसे ए सी का लेंथ पूछू तो ए सी का लेंथ क्या होगा सर वन प्लस वन टू का स्क्वायर टू प्लस वन यानी थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस थ्री सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और नाइन फोर्टी फाइव सेवन आ गया ये किसका लेंथ आ गया सर ये लेंथ आ गया ए सी का इसका मतलब हमारे पास ए बी इस टू ए सी सर वो गया थ्री अपॉन सेवन तो इसलिए बी डी अपॉन डीसी भी थ्री इज टू सेवन होगा यानी ये रेशियो कितना हो गया थ्री इज टू सेवन तो डी के कॉर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बिल्कुल सर अरे आराम से निकाल सकते हैं बताओ जल्दी से डी के कॉर्डिनेट्स क्या आएंगे कॉर्डिनेट्स ऑफ डी थ्री इंटू माइनस वन थ्री इंटू माइनस वन सेवन इंटू जीरो और नीचे थ्री प्लस सेवन फिर थ्री इंटू माइनस वन सेवन इंटू फोर थ्री इंटू माइनस वन सेवन इंटू फोर अपॉन टेन और लास्टली थ्री इंटू माइनस थ्री सेवन इंटू वन थ्री इंटू माइनस थ्री सेवन इंटू वन बाय टेन एम प्लस एन यानी डी के कॉर्डिनेट्स क्या हो गए भाई सर डी के कॉर्डिनेट्स हो गए डी के कॉर्डिनेट्स हो गए माइनस थ्री बाय टेन ट्वेंटी फाइव फाइव बाई टू और माइनस वन बाय फाइव अब ad का लेंथ तो निकाल ही लोगे एडी का लेंथ तो निकाल ही लोगे एडी का लेंथ तो निकाल ही लोगे ना भाई डी का लेंथ बताओ जल्दी से वेल बी लेंथ ऑफ एडी एडी का लेंथ हाँ जल्दी से बताएं एडी का लेंथ क्या हो जाएगा सर एडी का लेंथ हो जाएगा दोनों का डिफरेंस ले लो बस एडी का लेंथ हो जाएगा एडी का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला वन प्लस थ्री बाई टेन यानी थर्टीन बाई टेन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव बाई टू टू माइनस फाइव बाई टू यानी कि वन बाई टू का होल स्क्वायर थ्री प्लस वन बाय फाइव यानी सिक्सटीन बाई थ्री का होल स्क्वायर सिक्सटीन बाई थ्री का होल स्क्वायर आई होप यही आ रहा होगा हाँ ये बार चेक कर लेना भाई ठीक है ना सिक्सटीन बाई थ्री का होल सिक्सटीन बाई फाइव का होल स्क्वायर सिक्सटीन बाई फाइव का होल स्क्वायर यही आएगा चलो बस ये आ जाएगा यार लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग कुछ खास मुश्किल है नहीं मजदूरी है बस अब तो हाँ क्या ये वीडियो ई ए एम सी टी के लिए सही है हाँ बिल्कुल यार मैथ्स तो हर जगह सम सेम आएगा मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो बिट्स हो चाहे वो आपका जेई मेंस हो चाहे ई ए एम सी ई टी हो है ना सब जगह ये मस्त चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर है भाई हाँ क्लियर है क्लियर है जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालकर मिड पॉइंट ले सकते हैं नहीं बेटा मिड पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंगल बाई हमेशा इसको बाई करे ये जरूरी नहीं है ठीक है ना एंगल बाई बेस क्लियर हो गया हाँ आपको आई आय प्रिंस आई आई होप हैव गिवन योर आंसर अब दे रखा है द प्लेन एक्स ओ जेड एक प्लेन है हमारे पास एक्स ओ जेड एक्स ओ जेड का मतलब एक्स जेड प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन है भाई ये हमारा एक्स जेड प्लेन ये एक्स जेड प्लेन है हमसे पूछा गया कि अगर मैं इसका ज्वाइन ले लू किसका पॉइंट ये और एक पॉइंट ले लिया हमने एक पॉइंट इधर अब हो सकता है दोनों पॉइंट अल... दूसरी दूसरी तरफ हो या अलग अलग तरफ माइनस वन फाइव एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है टू थ्री फोर आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए कि अगर ये इसको लैमडा इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है लैमडा इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है तो लैमडा की वैल्यू क्या होगी तो चलो देखते हैं अगर मान लो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको ये पॉइंट जिससे ये प्लेन जा रहा है ये ये कुछ ऐसा जैसे प्लेन है है एक पॉइंट इधर है, इसके थ्रू एक लाइन चली गई तो जहां कट किया वो पॉइंट क्या है मान लो वो पी है बेटा, P. वो point क्या है? P है तो हमें इस पी के ये पी किस पर लाई कर रहा है एक्सेड प्लेन पर लाई कर रहा है तो हमें लैमडा की वैल्यू बतानी क्या होगी तो क्या करेंगे सर यहां से दिस इंटू दिस वन इंटू दिस तो क्या आ जाएगा कोर्डिनेट सर हम एक्स कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि इस पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा सर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो हम क्या करते हैं थ्री इंटू लैमडा थ्री इंटू लैमडा वन इंटू माइनस वन अपॉन लैमडा प्लस वन लैमडा प्लस वन कॉमा दिस दिया ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए सर ये कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ये जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए जहां ये इंटरसेक्ट करता है इसको ये एक्सैक्ट प्लेन है ठीक है ना प्लेन एक्सेट जी सर तो अब इस कोऑर्डिनेट को कितना रख दें जीरो तो लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई थ्री यानी कि लैमडा कितना हो गया वन 3 थ्री दैट इज आंसर सिंपल बिल्कुल सिंपल डी ऑप्शन चलिए आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं अब आता है डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस पहले डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ वेक्टर जरा समझना डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है बेटा डायरेक्शन को साइंस का मतलब क्या है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया सेक्शन फार्मूला में हमने देखा कि सेक्शन फार्मूला बिल्कुल कैसा है सर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि टू में था बस उसमें जेड कोऑर्डिनेट और जुड़ गया ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और यहाँ हमारे पास कोई वैक्टर है ये वैक्टर है ए वैक्टर ये वैक्टर क्या है ए वैक्टर तो ए वैक्टर क्या है ए आई वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के अब यह जो वेक्टर है ये ओरिजिन पर ये कुछ मान लो जैसे जिस कमरे में तुम बैठे हो ना जिस कमरे में तुम बैठे हो ना जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे के कोने से एक रॉड बाहर निकल रही है वो रॉड क्या है ए वेक्टर है मान लो ये एक्स के साथ बना रही है अल्फा एंगल वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा तो आप ये मानकर चलो आपके कमरे के कोने में आपके कमरे के कोने में एक रॉड गड़ी हुई है वो रॉड बाहर आ रही है एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा अल्फा पॉजिटिव एक्स हैं डायरेक्शन क्या बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात आगे चलकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी है ना ये बात आगे चलकर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ध्यान रखना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ठीक अभी लिखने में ऐसा लग रहा होगा चिंदी सी बात है यह क्या है सर यह तो मालूम ही है अल्फा क्या है अल्फा क्या है अल्फा वो एंगल है जो ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है पॉजिटिव एक्स के साथ पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है सर आई होता है और वाई के लॉन्ग सर जे और जेड के लोंग के तो अगर मैं a वेक्टर और i के बीच का एंगल निकाल लूं तो वही एंगल होगा a वेक्टर और x एक्सिस के बीच में हाँ सर क्योंकि i भी तो x के अलोंग ही है तो a और x के बीच में जो एंगल है cos अल्फा हम जानते हैं cos थीटा होता है दोनों वेक्टर का डॉट अपॉन पहले का मोड इनटू दूसरे का मोड हाँ सर तो ये कितना आ जाएगा सही आ जाएगा a1 अपॉन मोड a इसी तरीके से cos बीटा जो होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस वेक्टर ए और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कैसे मिलेगा सर उसका डॉट कर दो जे के साथ डिवाइड बाय मॉड ए मॉड जे तो कितना आ गया सर ए टू अपॉन मॉड ए टू इसी तरीके से गामा कितना आ गया ए डॉट के अपॉन मॉड ए इंटू मॉड ऑफ के और वो कितना हो गया सर वो हो गया ए थ्री अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए ये आ गया हाँ सर अब आप देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इन एंगल्स के अगर हम कोसाइन ले लें तो ये कोसाइन क्या कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से इसको एम से और इसको एन से दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर अब अगर आप इन तीनों को स्क्वायर करके देखो और एड करके देखो एक चमत्कार होगा कितना आएगा ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर यस सर और हम जानते हैं किसी वेक्टर ए का मॉड किसी वेक्टर ए का जो मॉड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर तो इसी तरीके से इस वेक्टर का ऊपर क्या लिखा है सर मॉड का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर और नीचे भी क्या लिखा है मॉड ए का स्क्वायर यानी कि मैं कह सकता हूं सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस Of a vector, कितना हो जाता है सर वन हो जाता है इट इज इक्वल टू वन समीसी को शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते थे वेक्टर इज हाउ मच वन यानी के अगर कोई कहे कि अगर मैं तुम्हें दूसरे शब्दों में कहूँ तो कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा कितना होगा सर ये वन होगा यह वन हुआ क्यों नए पैकेट में बेचे हम तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी क्योंकि यह एल है वो एम है और यह एन है लिखने वाले इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिखने वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं alpha, beta, और वन माइनस साइंस स्क्वायर गामा बराबर वन तो यह आ गया साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस साइंस स्क्वायर बीटा प्लस साइंस स्क्वा टू टू एक रिलेशन यह आ गया एक रिलेशन ये भी है ये तो नया ये, ही वही वाला रिलेशन है तो अगर हम कोई भी बात कर लें किसी भी वेक्टर के संबंध में अगर उसके डायरेक्शन आएंगे जल्फा बीटा गामा है, तो उनके साइंस के का सम समू होता है उनके कोसाइंस के का सम होता है आई होप यह क्लियर हुआ अगर मेरी बात समझ में आई तो क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें अगर मेरी बात समझ में आई तो क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें अब एक चीज और बता दो तो बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना और देखो सोच के बताना एल आई प्लस एम जे प्लस एन के क्या होगा याद करो याद करो ए मेरे देश के लोगों, याद करो क्या याद करो सर एल की वैल्यू आई थी एल की वैल्यू क्या आई थी एल की वैल्यू आई थी बेटा एल की वैल्यू आई थी ए वन अपॉन मॉड ए एम आया था ए टू अपॉन मॉड ए और एन आया था सर ए थ्री अपॉन मॉड ए तो एल आई प्लस प्लस एन के क्या होगा ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के अपॉन मॉड ए इसका मतलब क्या हुआ जरा बताना ये ऊपर क्या लिखा है सर ये ऊपर लिखा है ए वेक्टर नीचे क्या लिखा है मॉड ए जरा सोच के बताना ये क्या बन गया जरा सोच के बताना ये क्या बन गया जरा सोच के बताना ये क्या बन गया वेरी गुड यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर मोहित सिंह राघव यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेरी गुड सो दिस बिकम्स ए कैप दिस बिकम्स ए कैप यानी के अगर किसी वेक्टर्स के डीसीज एलेमेन है इफ अ वेक्टर हैज डीसीज हैज डीसीज वेक्टर हैज डीसीमेन इंप्लाइज यूनिट वेक्टर इंप्लाइज यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग इट यूनिट वेक्टर अलोंग इट अलोंग इट वो हो जाएगा एल आई प्लस एमजे प्लस एनके वर्षा यानी अगर किसी के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर एल आई एमजे तो एलेमेन से उसका क्या रिश्ता होगा सर उसके डीसीज होंगे element उसके क्या होंगे DC's होंगे विल बी इट्स तो यह एक इंपॉर्टेंट रिश्ता हुआ दोनों के बीच में यह एक इंपॉर्टेंट रिश्ता हुआ इन दोनों के बीच में याद रखेंगे छोटा सा रिश्ता हाँ सर क्या अगर किसी वेक्टर के डीसीज डीसीन है तो उसके यूनिट वेक्टर क्या होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के एल आई प्लस एम जे प्लस एन के आई होप यह बात समझ में आई आई होप यह बात समझ में आई आई होप यह बात समझ में आई कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्लियर है सर ये बात समझ में आ गई अब आता है डायरेक्शन रेशियोज अब देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है मान लो हमारे पास मान लो अब हमारे पास में एक वेक्टर है जिसके डीसीज हैं एल एम एन जिसके डीसीज हैं एल एम एन अगर हम ऐसे तीन नंबर ढूंढ लें जो इसके प्रोपोर्शनल हो जो इनके प्रोपोर्शनल हो यानी कि एलोपॉन ए करके जो आंसर आए एमपॉन बी करके जो आंसर आए और एनपोन सी करके जो आंसर आए यह यह जो तीन नंबर ये तीनों बराबर आए तो यह जो तीन नंबर हैं जो इसके प्रोपोर्शनल हैं यह उस वेक्टर के क्या कहलाएंगे उसके डीआरसर के डीआर या फिर डायरेक्शन रेशियोस डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं बेटा डायरेक्शन so, रेशियो जैसे तीन नंबर जो डीसी के प्रोपोर्शनल होते हैं जो डी के प्रोपोर्शनल होते हैं डीसीज के प्रोपोर्शनल होते हैं यानी एलअपोन एम अपॉन बी एन अपॉन सी करके ऐसे तीन नंबर जो इनके डीसी के प्रोपोर्शनल होते हैं वो डी कहलाएंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए टू आई प्लस टू जे प्लस के ठीक है इसके डी क्या आएंगे सर इसके डी आएंगे सर यूनिट वेक्टर निकाल दू हाँ सर ए के आप निकाल देते हैं सर ए के आप निकालेंगे सर टू आई प्लस टू जे प्लस के इसके मॉड से डिवाइड करेंगे मॉड आएगा थ्री फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन का रूट थ्री यानी के ये हो गए टू बाई थ्री आई टू बाई थ्री जे और वन बाई थ्री के इसका मतलब डी हो गए टू बाई थ्री हो गया फिर से टू बाई और एन हो गया वन बाय थ्री अब जरा देखो टू बाई थ्री के नीचे ऐसे कितने नंबर हम रख सकते हैं सर टू बाई थ्री अपॉन दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री ऐसे कितने नंबर रख सकते हैं देखो टू रख दूं हाँ सर टू रख दो यहाँ भी टू रख दूं यहाँ वन रख दो हाँ सर चल जाएगा अच्छा इसके बराबर मैं अगर माइनस टू रख दूं माइनस टू रख दूं माइनस वन रख दूं तब भी चलेगा हाँ सर तब भी चल जाएगा सर यहाँ पर अगर मैं फोर रख दूं फोर रख दूं देखो ज़रा वन बाई सिक्स आएगा यहां पर भी फोर रख दू हां सर वन बाई सिक्स आएगा और यहां पर अगर मैं टू रख दू चल जाएगा हाँ सर चल जाएगा यानी ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हो सर बहुत सारे सर बहुत सारे जितने चाहे लिख लो जितने चाहे लिख लो जितने चाहे लिख लो जितने चाहे लिख लो आई होप ये बात समझ में आई इसका मतलब क्या है क्या डी यूनिक होते हैं नहीं डी यूनिक नहीं होते किसी वैक्टर के जितने चाहे उतना लिख सकते हैं जितने चाहे उतने लिख सकते हैं जितने चाहे उतने लिख सकते हैं लेकिन डीसी क्या होते हैं डीसी फॉर अ वेक्टर आर अ यूनिक सेट डीसी फॉर अ वेक्टर आर अ यूनिक सेट जबकि डी आर मे बी इनफाइनाइट इन नंबर तो क्या शिक्षा मिली डीसी वेक्टर आर यूनिक आर यूनिक फिर डी आर ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर मे बी मे बी इनफाइनाइट मे बी इनफाइनाइट इन नंबर डी आर्स ऑफ ए वेक्टर मे बी इनफाइनाइट इन नंबर बहुत सारे सेट मिल सकते हैं बहुत सारे सेट मिल सकते हैं जी सर ये बात दोनों हमें समझ में आ गई अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो क्लियर करो जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजें जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजें अच्छा एक चीज और बताता हूं एक चीज और काम की एक और काम की बात एक और काम की बात क्या काम की बात बताने जा रहे हो सर आप देखो बेटा आंखें फाड़ फाड़ के देखो क्या काम की बात कर रहे हैं अब हम जरा देखो बेटा आपने लिखा था एल की वैल्यू थी ए वन अपॉन मोडे हाँ सर एम की वैल्यू थी ए टू अपॉन मोडे हां सर एन की वैल्यू थी ए थ्री अपॉन मोडे हा सर तो हम यहां से एल अपॉन ए वन लिख लें हाँ सर एम अपॉन ए टू लिख लें हां सर एन अपॉन ए थ्री लिख लें हाँ सर, ले? हाँ, सर. सबकी वैल्यू सेम आएगी हाँ सर वन बाय मॉडे आएगी देखने वाली बात है इसका मतलब इसका मतलब अगर आपको याद हो वेक्टर ए क्या लिया था हमने वेक्टर ए लिया था ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के इसका मतलब कोई बता सकता है ए वन ए टू ए थ्री वेक्टर के कौन लगे ए वन ए टू ए थ्री वेक्टर के कौन लगे जल्दी से बताओ ए वन ए टू ए थ्री के कौन लगे सर ए वन ए टू ए थ्री वेक्टर के कौन लगे जल्दी बताओ भाई हम्म बताओ क्या लगे आयुष कुमार कह रहे हैं डी आर्स बिल्कुल सही क्या लगे भाई ये दीज आर डी आरस ऑफ दीज आर नथिंग बट डी आरस ऑफ वेक्टर ए इसका मतलब हम कह सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री आर डी आरस ऑफ ए वेक्टर हाँ सर समझ में आ गया यानी कि आज के बाद एक चीज याद रखेंगे आज के बाद एक चीज़ याद रखेंगे बहुत काम आएगी प्लेन में खासकर क्या याद रखना है सर किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर में उसके आई जे और के उसके आई जे एंड के के कोफिशेंट्स के कोफिशेंट्स उसके उस वेक्टर के उस वेक्टर के उस वेक्टर के क्या होते हैं उस वेक्टर्स के डी हैं उस वेक्टर्स के क्या हैं डी हैं किसी भी वेक्टर में उसके आई जे एंड के के कॉफिशेंट्स उस वेक्टर के डी हैं उस वेक्टर के क्या हैं डी हैं यानी कल को वेक्टर जो दिया था मैंने जो वेक्टर मैंने तुम्हें दिया था क्या इसके डीआर क्या होंगे सर इसके डी होंगे टू टू वन डी होंगे टू, टू टू वन लेकिन डी क्या होंगे टू बाई थ्री टू बाई थ्री वन बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री वन बाई थ्री आई होप यह क्लियर हो गया हाँ बेटा मैं अपनी तबियत का ख्याल रखूंगा थैंक यू थैंक यू हाँ अब एक चीज और डी से डी से डी कैसे मिलते हैं डी से डी कैसे मिलते हैं जरा वो देखो मान लेते हैं लेट ए बी सी बी डी आर्स ऑफ अ वेक्टर डी आरज ऑफ अ वेक्टर किसी भी वेक्टर के डी आर ए बी सी और मुझे डी सीज चाहिए तो सर मान लेते हैं डी सीज हैं एल तो एल अपॉन ए एम अपॉन बी एन अपॉन सी बराबर होगा जी सर इसको बराबर रख देते हैं लामडा के तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा सर ए लामडा वाई की वैल्यू एम की वैल्यू सर बी लामडा और सी की वैल्यू सर सॉरी uh, एन की वैल्यू सर सी लैमडा अब एल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर वन होता है हाँ सर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन टू लैमडा स्क्वायर बराबर वन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको मेरी एक एक बात समझ में आएगी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यह आ गया हाँ सर लैमडा की वैल्यू ये आ गई इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी क्या हो गए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी क्या हो गए अगर हमें डी पता हैं, तो डी हम सीधा लिख सकते हैं डीसीज़ कैसे लिखेंगे सर दो पॉसिबल सेट ऑफ डी मिलेंगे ए लैमडा लैमडा बोले तो प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर दूसरा प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये हो जाएंगे सेट ऑफ ये ये हो हो जाएंगे दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द आई होप क्लियर गया हाँ, बिल्कुल सही तो अगर आपको डी दे रखे हैं तो डी आप आराम से लिख सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं इसको लेकर वेक्टर लिख लिया इसको लेकर वेक्टर लिख लिया उसको उसके मॉड से डिवाइड किया खत्म हमें डीसीज मिल जाएंगे लेकिन ध्यान रखना दो सेट ऑफ डीसी आएंगे एक प्लस में और एक माइनस में आई होप ये क्लियर हो गया यह बात समझ में आ गई यह बात क्लियर हो गई चलिए हम आगे बढ़ते हैं सोहन करके प्रयास ओ पी ओ पी बिल्कुल बेटा मस्त चलो अब आगे इसका जवाब दो भाई डीसी बताओ भाई इसके वेक्टर के जल्दी से बताओ डीसी बताओ इस वेक्टर के पहले का आंसर दो भाई जल्दी से जल्दी से सब बच्चे पहले का आंसर देंगे सब बच्चे पहले का आंसर देंगे फटाफट फटाफट फ़ड़। प्लस माइनस क्यों बेटा लैमडा की दो वैल्यूज आई है ना लैमडा की दो वैल्यूज आई अब कहीं बच्चे कह कहने से प्लस माइनस क्यों क्योंकि बेटा अगर ये डी आर है अगर ये डी आरस हैं तो वेक्टर क्या हो सकता है हम जानते हैं डी आर जो होते हैं वेक्टर में आई जे और के के कॉफिशेंट्स होते हैं तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ए आई बी जे सी के वो वेक्टर बन गया लेकिन डी हैं तो वेक्टर क्या भी हो सकता था माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी हो सकता था ठीक है ना इसलिए दो सेट ऑफ डी सीज आते हैं प्लस माइनस में दो सेट ऑफ डी सीज बिल्कुल सही बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं टू बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री वन बाय थ्री अच्छा अगला बताओ नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स विद कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हाफ कॉस बीटा हाफ ऐसे कितने यूनिट वेक्टर्स हैं ऐसे कितने यूनिट वेक्टर्स हैं ऐसे कितने यूनिट वेक्टर्स हैं जल्दी से बताओ सर ऐसे अगर मैं देखूं कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा सर ये होगा वन वन बाय फोर ये भी वन बाय फोर वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस अल्फाइक् अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस वन बाई रूट टू आ गई सर यानी कि ऐसे कितने वेक्टर होंगे एक तो कॉस अल्फा वन बाई रूट टू और एक दूसरा माइनस वन बाय रूट टू यानी कितने वेक्टर्स होंगे बोलो सर दो वेक्टर्स होंगे दो वेक्टर्स होंगे दिस विल बी टू ऐसे दो वेक्टर्स होंगे चार नहीं टू हो जाएंगे ऐसे दो वेक्टर्स हो जाएंगे आई होप ये क्लियर हुआ हां सर अगले वाला बताओ बेटा अगले वाला का आंसर दो देर एग्जिस्ट अ वेक्टर विद डायरेक्शन एंगल अल्फा थर्टी बीटा थर्टी क्या ऐसा कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एंगल यानी कि वो एक्स के साथ थर्टी डिग्री बनाता हो और वाई के साथ भी थर्टी डिग्री बनाता हो क्या दुनिया में कोई ऐसा वेक्टर है वो कह रहा है देर एग्जिस्ट क्या दुनिया में ऐसा कोई वेक्टर है हाँ या ना अगर है तो कितने हैं जल्दी से बताओ अगर हैं तो कितने हैं जल्दी बताएं कितने हैं ऐसे वेक्टर ऐसे कितने वेक्टर हैं जल्दी से बताएं। ऐसा एक भी वेक्टर नहीं होगा बिल्कुल सही कहीं बच्चे कह रहे हैं नो सर ऐसा एक भी वेक्टर नहीं होगा एक भी वेक्टर नहीं होगा यस yes. एक भी वेक्टर नहीं होगा क्लियर है ना बात यस yes. क्यों क्योंकि अगर अगर मैं इसकी बात करूं इस क्वेश्चन की तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कॉस अल्फा हो गया रूट थ्री बाई टू कॉस थर्टी डिग्री और कॉस बीटा हो गया वो भी रूट थ्री बाई टू अब हम जानते हैं रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होना चाहिए सर वन होना चाहिए तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ये थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर सर ये हो गया सिक्स बाय फोर सिक्स बाय फोर बोले तो थ्री बाई टू तो माइनस हाफ नॉट पॉसिबल यानी ऐसा एक भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता दे क्या हुआ फॉल्स हो गया ऐसा एक भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता आई होप ये बात समझ में आ गई आई होप ये क्लियर हो गया हाँ सर अब समझ में आ गया सर तो डायरेक्शन को समझ में आ गई किसी वेक्टर के हाँ सर क्लियर हो गया क्लियर हो गए हाँ क्लियर है भाई हाँ, कितने वेक्टर हैं एक भी वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा चलो तो अब आगे अब आगे आई होप ये क्लियर है सबको ये क्लियर है सबको ये क्लियर है यस सर ऐसा एक भी वेक्टर नहीं होगा चलिए डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन अब देखो लाइन के डायरेक्शन को साइंस का क्या मतलब है लाइंस के लाइन्स के डायरेक्शन को साइंस का क्या मतलब है वी टॉक ऑफ ऑफ डायरेक्शन अ लाइन इसका मतलब क्या है एक लाइन हमारे पास थ्री डी स्पेस में है यानी एक लाइन हमारे पास जैसे तुम जिस कमरे में बैठे हो मान लो तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से एक लाइन जा रही है करके हाँ सर जा रही है उस लाइन के डीसी का मतलब क्या है कि वो लाइन एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ कितना एंगल बनाती है ये बताओ तो लोग क्या करते हैं मान लो मेरे पास मेरी एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है सो ये ये हमारी जेड एक्सिस ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी ये हमारी एक्स एक्सिस ये वाय और ये जेड और ये जेड मान लो मेरे पास यहां कहीं पर एक लाइन है ऊपर आसमान में हाँ सर ये कहीं लाइन है मुझे देखना है ये लाइन कितना एंगल बना की इसके डायरेक्शन एंगल्स क्या डायरेक्शन कोसाइंस क्या है तो क्या करते हैं लोग क्या करते हैं लोग लोग क्या करते हैं लोग क्या करते हैं इसके ऊपर एक वेक्टर चिपका देते हैं इसके ऊपर क्या चिपका देते हैं बेटा एक वेक्टर चिपका देते हैं इसके ऊपर एक वेक्टर चिपका हाँ चिपका सकते। चिपका देते हैं हैं सर सकते डीसीज नाप लो जो इस वेक्टर के डीसीज होंगे वही लाइन के डीसीज होंगे वही इस लाइन के भी डीसीज होंगे क्या बताया किसी भी लाइन के डीसीज नापने का तरीका क्या है उस लाइन के ऊपर एक वेक्टर चिपकाया उसको मूव किया मूवेबल हैं उसको मूव किया कहा रख दिया ओरिजिन पर और फिर उस वैक्टर के डीसीज फाइंड आउट कर लिए कैसे फाइंड आउट किए अभी बताया उसके डीसीज फाइंड आउट कर लिए उसके डीसीज जैसे ही फाइंड आउट कर लिए उसके डीसीज हमने जैसे ही फाइंड आउट कर लिए तो वही किसके डीसीज बन जाएंगे लाइन के वैक्ट लाइन के डीसीज बन जाएंगे ठीक है ना यानी कुल मिलाकर लाइन के डीसीज होते हैं उस पर चिपके हुए वेक्टर के डीसीज सर एक चीज और बताओ सर अगर वेक्टर ऐसे भी तो लगा सकते थे सर हम वेक्टर ऐसे की बजाय वेक्टर ऐसे की बजाय सर हम ऐसे भी तो लगा सकते थे वेक्टर एक ऐसे भी तो लगा सकते थे हां यार वेक्टर ऐसे भी तो लगा सकते थे तो इसमें अगर इसके डीसी एलेव एन है तो इसके डी सीज आएंगे माइनस एल माइनस एम माइनस एन विवेक डोगरा जी डी आर और डी में डी सीज में कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए डी सीज यूनिक होते हैं डीसीज यूनिक होते हैं बेसिकली

ऐसे तीन नंबर्स होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं और ऐसे कितने तीन नंबर प्रोपोर्शनल हो सकते हैं देखो मैंने दिखाया एक एग्जांपल ये ये वेक्टर लिखा था हमने लिख लिए और नीचे लिख रहे हैं टू रख सकते हैं टू टू वन एक सेट हो गया फोर फोर टू एक सेट हो गया तो ऐसे करके हम बहुत सारे सेट ऑफ डी सीज डी ईजाद कर सकते हैं यानी डी कितने होते हैं बेटा इंफानिटली मेनी और डीसीज कितने होते हैं डीसीज़ कितने होते हैं सर डीसीज़ होते हैं यूनिक किसी भी वेक्टर के और किसी लाइन के डीसीज कैसे नापते हैं उसके ऊपर वेक्टर चिपकाया उसको उठा के ओरिजिन पे ले आओ उसके डीसीज नाप लो बस जी सर समझ में आ गया है सर तो इफ मान लेते हैं इफ अ लाइन इफ अ लाइन हैज डीसीज हैज सीज एल एम एन इफ अ लाइन हैज डीसी देन माइनस एल माइनस एम माइनस एन आर ऑल्सो इट्स डीसीज आर ऑल्सो इट्स डीसीज आर ऑल्सो इट्स डीसीज ये ध्यान रखेंगे क्यों ये बात समझ में आई ये भी उसके डीसीज होंगे क्यों वेक्टर हम ऐसे भी चिपका सकते थे बेटा और वेक्टर ऐसे भी चिपका सकते हैं ऐसे चिपकाएंगे तो मान लो उसके डीसीज आए एल एम एन तो अगर ऐसे चिपकाएंगे तो उसके डीसीज आएंगे माइनस एल माइनस एम माइनस एन क्योंकि उसकेस में अगर वो अल्फा बीटा गावा अल्फा बीटा गावा एंगल बनाता है एक्स वाई और जेड के साथ तो यह वाला जो वेक्टर होगा वो कितना एंगल बनाएगा सर पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई और जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो इट विल मेक पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा जरा समझ के देखो मान लो ये वेक्टर है एक वेक्टर यह है ये कितना एंगल बना रहा है सर अल्फा बना रहा है इसको रिवर्स कर दो सर रिवर्स कर दें हाँ सर रिवर्स कर दो अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया ऐसा हो जाएगा हाँ सर रिवर्स कर दिया बिल्कुल सर अब यह एंगल कितना बनेगा बनेगा सर ये पाई माइनस अल्फा यह कितना बनेगा पाई माइनस अल्फा इसका मतलब क्या हुआ अगर पहले यह अल्फा एंगल बना रहा था तो रिवर्स करने के बाद पाई माइनस अल्फा इसी तरह से वाई के साथ पाई माइनस बीटा और जेड के साथ पाई माइनस गामा तो यानी अगर पहले डीसी थे एल एम एन तो अब जो डी हो जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस एल माइनस एम माइनस एन क्योंकि अगर इसके डी सीज हैं एल जो कि है कॉस अल्फा एम कॉस बीटा और तीसरा एन कॉस गामा तो दूसरे सेट ऑफ डी क्या हो जाएंगे एल इज इक्वल टू कॉस पाए माइनस अल्फा और एम इज इक्वल टू कॉस पाए माइनस बीटा पाए माइनस बीटा हाँ सर कॉस पाए माइनस बीटा कॉस पाई माइनस बीटा और जेड हो जाएगा एन हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस गामा तो ये हो जाएगा माइनस एल मतलब आप समझ ही गए होंगे ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा माइनस ये समझ गए ये 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 और ये कितना आ गया माइनस एल माइनस एम और माइनस एन यानी दो सेट ऑफ डीसीज होते हैं किसी लाइन के वेक्टर के एक ही सेट ऑफ डीसीज होता है वेक्टर के एक ही सेट ऑफ डीसीज होता है क्या मेरी बात तो ये समझ में आई क्या बोला मैंने

तो यह बात समझ में आ गई तो आज से यह बात समझ जाए आज से यह बात समझ जाए क्या कि अगर कोई लाइन के डीसीज एलिमेंट है इसका मतलब क्या उसके ऊपर चिपके हुए वेक्टर के डीसीज एलिमेंट हैं अगर किसी लाइन के डी आर एबीसी है तो उसके ऊपर चिपके हुए वेक्टर के डी एबीसी ए बी सी हैं आई होप यह बात समझ आई आई होप यह क्लियर हो गया आई होप यह क्लियर हो गया आई होप यह क्लियर हो हुआ क्लियर है भाई यस क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर तो अब एक चीज ध्यान रखें इफ अ लाइन हैज डीसीज एलेमन देन यूनिट वेक्टर अलॉन्ग लाइन कैन बी रिटन एज एल आई प्लस एमजे प्लस एन के बहुत प्यारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी लाइन के डी सीज एलेमेन है तो उसके अला वेक्टर कैसे लिख सकते हो उसके अलोंग या उसके पैरल वेक्टर कैसे लिख सकते हो सर एल आई प्लस एमजे प्लस एन के और किसी लाइन के डी आर अगर ए बी सी है तो उसके पैरल या उसके अलोंग वेक्टर कैसे लिख सकते हो सर ए आई प्लस बीजे प्लस सी के सर डायरेक्शन को साइंस बहुत कंफ्यूज कर रहा है बेटा डायरेक्शन को साइंस क्या कंफ्यूज कर रहा है रवि जी डायरेक्शन को साइंस सिर्फ एक वेक्टर जितना एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ एंगल बनाएगा उनको डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं उनका कॉस ले लो तो जो निकल कर आएगा उसे क्या बोलते हैं डायरेक्शन को साइंस बोल देते हैं उनको क्या बोल देते हैं डायरेक्शन को साइंस तो रवि जी इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच के बैठे हो अगर तुम सोच लो कि बहुत मुश्किल है तो फिर तो नहीं हो पाएगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा वेक्टर ए जितना एक्स वाई और जेड के साथ एंगल बनाता है वो डायरेक्शन को साइंस है ठीक है और उनका हा क्लियर है भाई और उनके प्रोपोर्शनल तीन नंबर डायरेक्शन रेशियोज है और ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं क्या कहूं अगर मैं कहूं यह लाइन है इस लाइन के डी हैं टू बाय थ्री टू बाय थ्री टू बाय थ्री और से वन बाय टू बाय थ्री टू बाय थ्री और वन बाय थ्री तो आप मुझे बताओ ये डीसीज़ हैं? क्या मुझे इस लाइन के लॉन्ग वेक्टर बता सकते हो इस लाइन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर लॉन्ग लाइन बोलो यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन बताओ भाई क्या होंगे सर होगा इस टू बाई थ्री जे और प्लस वन बाई थ्री के ये हो जाएगा वेक्टर अलोंग लाइन आई होप ये क्लियर हो गया आई होप यह क्लियर हो गया हाँ ठीक है ये क्लियर हुआ अब इसी तरह से अगर मैं कहूं इसके डी आर इसके डी आर टू या फोर फोर टू फोर फोर टू इसके डी आर तो आप मुझे बता सकते हो वेक्टर अलोंग दिस लाइन क्या होगा वेक्टर अलोंग लाइन वेक्टर अलोंग लाइन क्या होगा तो वेक्टर अलोंग लाइन होगा वेक्टर अलोंग लाइन होगा क्योंकि ये डी आर लाइन के यानी ये उस वेक्टर के डी आर जो लाइन के अलोंग लगा है और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के जो डी आरस होते हैं उसमें आई जे और के के कॉफिशियंट हम जानते हैं वो भी डी आरस होते हैं तो वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ फोर आई प्लस फोर जे प्लस टू के ये हो जाएगा सिंपल हर्षित जी आप छोड़ दो तो, आप रहने दो तो बेटा हर्षित आप रहने दो तो तेरे बस की बात नहीं है भाई तू छोड़ दे चलिए आगे बढ़ते हैं इसको यहां पर लीडर सही है जो इस बेचारे का तो मनोरंजन करें टीचर हैं हम लीडर्स नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस मान लीजिए यह एंगल है थीटा और इस लाइन के डीसीज हैं एल एम एन एल वन एम वन एन वन ये इसके डीसीज हैं ये क्या है इसके डीसीज दीज आर इट्स डीसीज ये इसके डीसीज हैं एल वन एम वन एन वन और मान लो इसके डी हैं इसके डी हैं ए वन बी वन सी वन ये डी आर दे रखे मान लो मान लो इस लाइन के डीसीज हैं एल टू एम टू एन टू और इस लाइन के डी क्या हैं? इस लाइन के डी हैं ए टू बी टू सी टू ए टू बी टू सी टू ए टू बी टू और सी टू ए टू बी टू सी टू क्लियर है भाई ए टू बी टू सी टू दफा हो जाओ यहां से एहसान कर रहे हैं लोग पढ़ के कई लोग तो ऐसे एहसान करते हैं इनको लग रहा है बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ये हमारे ऊपर पढ़ाई करके अबे तुम एहसान नहीं कर रहे हो हम तुम्हारे लिए लगे हुए हैं तुम तुम अपने लिए लगे हो और हम तुम्हारे लिए लगे हैं सोच के देखो एक बार चलो तो ये लाइन है बेटा एल वन और ये लाइन है एल टू कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर अलोंग एल वन वेक्टर अलोंग एल वन सर एल वन के अलोंग वेक्टर होगा एल वन आई प्लस एम वन जे प्लस एन टू के या फिर हम दूसरा लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे ए वन आई बी वन जे सी वन के बस फर्क ये होगा ये भी एल वन के लॉन्ग होगा ये भी एल वन के अलॉन्ग होगा लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा सर एक यूनिट वेक्टर होगा दूसरा यूनिट वेक्टर नहीं होगा ठीक है ना आई होप ये क्लियर हुआ हां सर इसी तरीके से इसी तरीके से अगर मैं पूछू वेक्टर अलोंग वेक्टर अलोंग एल टू सर वो हो जाएगा l2i plus m2j plus n2k okay. या फिर हम लिख सकते हैं सर a2i plus a2j plus a3k okay. a1i plus b1j b2j plus c2k okay. ये लिख सकते हैं हाँ अब मुझे बताओ कॉस थीटा कैसे मिलता है सर दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें मिलता है दोनों वेक्टर का डॉट तो क्या आ जाएगा सर l1l2 plus m1m2 plus n1n2 इसका डॉट इससे हाँ सर ये आ गया नीचे कितना सर स्क्वायर रूट ऑफ दिस सर वो कितना आएगा सर वन क्योंकि नीचे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर वो कितना हो जाएगा वन और इसी तरह से एल टू स्क्वायेयर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर का रूट आएगा क्योंकि दो वैक्टर का डॉट क्या होता है कॉस् थीटा याद है ना कॉस्ट थीटा क्या था बेटा सर कॉस्ट थीटा था ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी यही था सर हाँ सर तो यहां पर नीचे एल वन का स्क्वायर प्लस एम वन का स्क्वायर प्लस एन वन का स्क्वायर वो तो हो गया वन इस तरह एल टू का स्क्वायर प्लस एम टू का स्क्वायर एन टू का वो हो जाएगा सर फिर से वन यस सर अब अगला आप चाहो तो ये दोनों वेक्टर उठा लो हां ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए टू स्क्र प्लस बी टू स्क्सू स्वेर यह हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन के बीच का एंगल हो, हो गया हमने क्या बोला एल वन के डी सी क्या है एल वन एम वन एम वन डी आर ए वन बी वन सी वन तो हमने वेक्टर लिख लिया के लॉन्ग ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं दो तरीके से लिख सकते हैं ये यूनिट वेक्टर होगा ये यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है ठीक है ना और इसी तरह से अगला एल टू एम टू एन टू ए टू बी टू सी टू दोनों के बीच का एंगल लिख दिया अच्छा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये कितना होगा सर ये जीरो होगा कॉस नाइन्टी जीरो होता है ये भी कितना होगा सर जीरो होगा तो यानी अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू जीरो होगा इसी तरह से ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इनका समीरो हो जाएगा हाँ और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर भी पैरेलल होंगे क्यों अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर बेटा दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ऊपर लगे हुए तो वेक्टर, वेक्टर लगा होगा और इसके ऊपर जो वेक्टर लगा होगा दोनों पैरेलल होंगे जी सर दोनों पैरेलल होंगे तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो L1 वन अपॉन एल टू एम अपॉन एम अपॉन बराबर होगा और इसी तरह से ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू भी बराबर होगा आई होप ये क्लियर हुआ आई होप यह क्लियर हो गया यह बात समझ में आ गई कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कि दो लाइन पैरेलल कब होंगी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी आओ अब एक प्रॉब्लम करते हैं आओ अब एक प्रॉब्लम करते हैं यह रहा प्रॉब्लम जेई में स्वेंटी ट्वेंटी वन में आया है कह रहा है अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन को साइन सैटिसफाई यानी दो लाइंस दे रखी हैं उनके डी सी इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं और उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है अल्फा तो आपको कॉस्ट टू द अल्फा प्लस साइन टू द दार फोर अल्फा बताना है कॉस्ट टू द दार फोर अल्फा और साइन टू द अल्फा बताना है तो क्या करेंगे बेटा सर पहली जो हमारे पास दो लाइंस हैं उनके डी के बीच में ये रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर यहाँ से एन लिख सकते हैं एल प्लस एम उसको उठा के इधर डाल देते हैं तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो तो एल स्क्वायर यह आ जाएगा टू एल एम माइनस का टू एल एम बराबर ज़ीरो इसका मतलब या तो एल ज़ीरो होगा या फिर एम ज़ीरो होगा अगर एल ज़ीरो हुआ तो एम बराबर एन आ गया एम बराबर एन आ गया और अगर m जीरो हुआ तो l बराबर n आ गया यानी और फिर हम कर सकते हैं l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर वन तो आपके पास आ गया टू एम स्क्वायर इक्वल टू वन एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन बाय रूट टू और n की वैल्यू भी यही आ गई n की वैल्यू भी यही आ गई इसी तरीके से यहां पर एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर वन यहां पर एल और एन तो ये लिख सकता हूं 2l2 2l2 1 तो l की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2 और यही वैल्यू n की भी आ गई यही वैल्यू n की भी आ गई यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहली लाइन के बिल्कुल सही कहीं बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ गया पहली लाइन के डीसीज हो सकते हैं डीसीज ऑफ फर्स्ट लाइन डीसीज ऑफ l1 डीसीज ऑफ l1 क्या होंगे सर वहां था कौन जीरो था जरा देखो सर एम और एन एल जीरो है एल जीरो है तो ये हो गए जीरो प्लस माइनस वन बाय रूट टू कॉमा प्लस माइनस वन बाय रूट टू और डी सीज ऑफ एल टू क्या हो गए सर डी सीज ऑफ एल टू हो गए प्लस माइनस वन बाय रूट टू जीरो और प्लस माइनस वन बाय रूट टू ठीक है ये क्लियर हुआ हाँ सर ये क्लियर है हाँ क्लियर है ना बिल्कुल अब इस केस में अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल देखूं कॉस अल्फा कॉस अल्फा होगा एल वन एल टू जीरो इंटू प्लस माइनस वन बाय रूट टू समझ गए जीरो और इसी तरह से ये भी जीरो लास्ट में आ जाएगा वन बाय टू तो वन बाय फोर हो गया वन बाय फोर कॉस अल्फा हो गया वन बाय फोर क्योंकि कॉस अल्फा होगा कॉस अल्फा होगा एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू कितना आ गया सर जीरो जीरो वन बाय टू प्लस में या माइनस में स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्र अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय फोर तो कॉस की पावर फोर कितना हो गया बेटा सर कॉस की पावर फोर हो गया तो साइन so, की पावर फोर अल्फा कितना हो गया नाइन बाय सिक्सटीन दोनों को जोड़ दो कॉस की पावर फोर अल्फा प्लस साइन की पावर फोर अल्फा कितना आया टेन बाई सिक्सटीन यानी कि फाइव बाई एट बाई एट दैट इज दाइव बाई एट आई ये क्लियर हो गया ये बात समझ में आई ये क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताएं. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आंसर आगे कैलकटा आंसर आगे कैलकटा हाफत चक दे इंडिया बिल्कुल सही आई होप ये क्लियर हो गया यस आई होप ये क्लियर हुआ क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजें क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें जल्दी से चलो क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें यस सर तो अब अगला प्रॉब्लम जे मेंस में 27 जून को आया 2022 में यानी अभी जून में आया इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम अब जरा देखो इसमें क्या क्या रखा है इफ टू लाइंस लाइन्स डायरेक्शन को साइंस बाई दीज एंड दिस रिलेशन आर पैरल यानी कि इन रिलेशन से जो दो लाइंस दे रखी हैं अभी हमने जो पिछले वाला किया था हमारे पास वहां पर दो सेट ऑफ डीसीज आ गए थे क्यों एम जीरो केस या तो एल जीरो इसको लेकर एक नया सेट ऑफ डीसीज आया इसको लेकर एक अलग सेट ऑफ डीसीज आया तो एक आ गया था यहां पर आपने देखा ये ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आ गए थे जीरो दिस दिस और इसके डीसीज आ गए थे इसी तरीके से वो क्या कह रहा है इसी तरीके से वो क्या कह रहा है इसमें वो कह रहा है कि इससे जो दो लाइन के डीसीज आएंगे वो दोनों लाइन कैसी हैं पैरल हैं तो आपको बताना है तो आपको बताना है आपको उस केस में बताना है कि सी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी तो पहले तो फिर एल प्लस एम बराबर एन हाँ सर एल प्लस एम बराबर एन और दूसरा क्या है थ्री एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वाबर जीरो तो एन की वैल्यू इसमें रखते हैं हां सर एल की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो यह हो गया थ्री एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी एल इंटू एल प्लस एम बराबर जीरो थ्री एल स्क्वायर और यहां से भी एक एल स्क्वायर आएगा हां सर तो थ्री प्लस सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस सी एल एम प्लस एम स्क्वायर बराबर जीरो आ गया बिल्कुल सर ये आ गया आई होप ये क्लियर हुआ आई होप यह क्लियर हुआ यह बात समझ में आ गई यह बात समझ में आ गई जी सर अब अगर मैं इसको एम स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो गौर से देखो बेटा ये बन जाएगा एल बाय में quadratic. ये बन जाएगा एल बाय में क्वाड्रेटिक मैंने किससे डिवाइड कर दिया एम से डिवाइड कर दिया क्या किया मैंने डिवाइड बाय डिवाइड बाय एम और जैसे ही मैंने एम स्क्र से डिवाइड किया ये आ गया जी सर अब जरा मुझे सोच के बताओ इससे मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी मान लो मैंने इसको मान लिया मान लो थ्री प्लस सी इसको मान लिया मैंने पी स्क्वायर प्लस सी पी प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहां से मुझे दो वैल्यू मिलेंगे एक पी वन और एक पी टू हमने पी किसको माना हमने पी मान लिया एल बाय को लेट हां सर दो वैल्यूज मिलेंगी तो इसका मतलब जो पहली वैल्यू होगी जो पहली वैल्यू होगी दो वैल्यू मिलेंगी जी सर जो पहली वैल्यू होगी वो हो गई पी वन और वो पी टू तो पहली लाइन के लिए एल वन अपॉन एम वन वो आ गया पी वन और दूसरी लाइन के लिए एल टू अपॉन एम टू क्या आ गया सर वो आ गया P2 भाई से L upon M की दो वैल्यू मिली L upon M की तो पहली वैल्यू मान लेते हैं L1 upon M1 है वो कितनी है सर वो P1 है इसका जो रूट आएगा और L2 upon M2 वो इसकी दूसरी रूट है P2 क्योंकि L upon M को तो P रखा था और P की दो वैल्यूज आई हैं तो L1 upon M1 L1 upon M1 L2 upon M2 ये कितना हो गया P1 upon P2 P1 upon P2 आई होप ये क्लियर हुआ होप यह क्लियर हो गया यहां पे स्क्वायर नहीं होगा यार ठीक है यार ठीक है हाँ सर यह क्लियर हुआ बिल्कुल सर तो यह हो गया अब जरा देखो इससे जो दो लाइंस मिल रही हैं, यह पहली लाइन के डी हैं एल वन और ये दूसरी लाइन के डी हैं एल टू क्योंकि लाइन पैरल है बट लाइन्स आर पैरल लाइन्स आर पैरल तो कोई बता सकता है बेटा कि L1 वन अपॉन एल बराबर होगा M1 वन अपॉन एम बराबर होगा एन वन n2 एन टू के यस yes, सर इसका मतलब अगर मैं शुरू के दो को देखूं इन दो को देखूं तो हम कह सकते हैं एल वन m1 एम वन बराबर एल टू अपॉन एम टू लेकिन ये क्या है पी वन और ये क्या है पी टू हाँ सर गजब सर ये बात तो समझ में आ गई सर हाँ सर यस 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 तो हम कह सकते हैं कि इसकी दोनों रूट्स कैसी हैं इसकी दोनों रूट्स इक्वल हैं इंप्लाइज वन हैज इक्वल रूट्स इक्वेशन वन हैज इक्वल रूट्स इंप्लाइज इक्वेशन वन रूट्स हैज इक्वल रूट्स उसकी इक्वल होंगी, यानी उसका डी कितना होगा सर जीरो होगा डी जीरो होने का मतलब बी स्क्र माइनस फोर ए सी सी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू थ्री प्लस सी इंटू वन बराबर जीरो सी स्क्तर माइनस ट्वेल्व C square minus 4c minus 12 is equal to zero तो so c minus 6 c plus 2 इसके फैक्टर हो गए तो so c की दो वैल्यू मिली एक तो 6 और एक minus टू भाई मजा आया सवाल में हां यानी आंसर क्या आ गया 6 आ गया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी कैसी वैल्यू पूछी थी पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी तो d zero हो गया तो आंसर आ गया आगरा फॉर दिस प्रॉब्लम आई होप ये क्लियर हो गया आई होप यह क्लियर हो गया जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें टाइप करो थोड़ा सा उंगली चलाओ क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें मजा आया यस yes, सर तो बेटा दोबारा से इसमें क्या हुआ यहां से हमने एन की वैल्यू इसमें रख दी क्वाड्रेटिक बन गई एल अपॉन एम में मान लो हमने से पी मान लिया उसके दो रूट्स आए पी वन और पी टू तो एल वन अपॉन एम वन की वैल्यू क्योंकि किसकी वैल्यू एल अपॉन एम की तो एल वन अपॉन एम वन मान लो एक वैल्यू आ गई पी वन दूसरी आ गई एल टू अपॉन एम टू वो आ गई पी टू और क्योंकि एल वन अपॉन एम वन और एल टू अपॉन एम टू बराबर होगा एल टू अपॉन एम टू बराबर होगा यानी पी वन बराबर P2 बरा, होगा इक्वल होगा तो डी जीरो कर दिया यस बढ़िया क्वेश्चन था हां जे मेज मतलब तो क्या मस्त मस्त क्वेश्चन ही आ रहे हैं भाई अब आते हैं लाइन की इक्वेशन पर अब आते हैं लाइन की इक्वेशन पर आओ लाइन की इक्वेशन पर आते हैं लाइन की इक्वेशन पर

मूव कर सकते हैं मूव कर सकते हैं क्लियर है भाई हाँ सर आई होप ए क्लियर हो गया आई होप ए क्लियर हो गया हाँ सर तो अब इस केस में अब इस केस में इफ यू वॉन्ट वन पॉइंट फॉर्म तो क्या करते हैं देखो ध्यान रखना कभी भी कभी भी आपको किसी भी कर्व की क्वेश्चन निकालनी है लाइन की कर्व की किसी की भी उसके ऊपर एक पॉइंट लिया पी उसका पोजिशन वेक्टर मान लिया आर तो आप देख सकते हैं आर माइनस ए ये वेक्टर किसके लाउ होगा सर आर माइनस ए होगा ये ए पी वैक्टर होगा ए पी वैक्टर दिस विल बी ए पी वैक्टर आर माइनस ए क्या हो जाएगा ए पी वैक्टर पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए आर माइनस ए और ये वैक्टर किसके पैरल होगा सर बी वैक्टर के पैरल होगा पैरल टू बी वैक्टर तो ये हो जाएगा आर माइनस ए इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स बी तो हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी ये हो गई लाइन की इक्वेशन इसमें ध्यान क्या रखना है ए क्या होता है बिना लैमडा वाला पार्ट ये वो पॉइंट होता हैच लाइन पासिस थ्रू विच लाइन पासिस लाइन पासिस जहां से लाइन पास करती है ये वो पॉइंट होता है बी क्या होता है वेक्टर टू विच लाइन इज पैरल वेक्टर टू विच Line is line जिस के होती है, वो क्या कहलाता है वो बी वेक्टर कहलाता है इसी तरह से कभी भी बोलू आर इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी तो समझ जाना ए वो पॉइंट है जहां से लाइन पास करती है और बी वो वैक्टर है जिसके लाइन पैरल है जिसके लाइन पैरेलल है ये पैरेलल वेक्टर है अब अगर इसे कार्टेसियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है देखो कार्टेसियन फॉर्म में मान लो ये पॉइंट है P और ये क्या था ये पॉइंट है ये इसका पोजीशन वेक्टर है A इसका पोजीशन वेक्टर क्या था A मान लो A वेक्टर है x1 i plus x2 j plus x3 k जी सर x1 i plus x2 j plus x3 k जी सर और b वेक्टर जो है जिसके लाइन पैरल थी वो था मान लो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वो ये था ए आई प्लस बीजे प्लस सी के तो आप क्या करो जब भी किसी वेक्टर फॉर्म को कार्टीजियन फॉर्म में चेंज करना है जब भी किसी वेक्टर फॉर्म को कार्डिजियन फॉर्म में चेंज करना है बस आर क्या होगा आर इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा उसके पोजिशन वैक्टर मान लो आर है और आर किसके बराबर है आर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर एक्स वाई जेड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ऐसे ले लेते हैं जेड वन ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और आर क्या हो गया एक्स वाई वाई जे जेड के यानी जो हमने पॉइंट लिया है पी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया हमने एक्स वाई और जेड तो ये स्केलर फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है स्केलर में बदलने का तरीका है आर की जगह बस हमेशा ये रख दो ये रख दिया हां सर ये रख दिया आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के एक ही जगह क्या रख दिया सर एक ही जगह रख दिया एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के और प्लस लैमडा टाइम्स लैमडा टाइम्स क्या रखू सर लैमडा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के तो अगर आप देखो आई का कॉफिशेंट दोनों साइड क्या है सर एक्स बराबर एक्स वन प्लस ए लैमडा वाई बराबर वाई वन प्लस बी लामडा और z बराबर जेड वन प्लस सी लामडा ये हो गया एक्स के वैल्यू हाँ सर ये आ गई एक्स की वैल्यू यहां से अगर हम कहें तो लाइन की इक्वेशन आ गई एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए ये लामडा के बराबर है हाँ वाई माइनस वाई अपॉन बी ये भी लामडा के बराबर है तो देख लो यस सर यह भी लामडा के बराबर देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वो भी इसी के बराबर है z माइनस जेड वन अपॉन ये हो गई लाइन की इक्वेशन कार्टेजियन फॉर्म में ये हो गई लाइन की इक्वेशन कार्टेजियन फॉर्म में हाँ भाई जरा बताओ क्या कन्फ्यूजन है बोलो भाई बोलो क्या कन्फ्यूजन हो गई पीयूष बदसर जी हाँ जी बताओ क्या कन्फ्यूजन है बताओ जल्दी से बोलो ये लाइन थी ये a है पोजिशन वेक्टर क्या है इसका ए वेक्टर मान लो ए क्या है एक्स वन आई आपको पता होगा कि अगर एक्स वन वाई वन जेड वन किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका पोजिशन वेक्टर होता है एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के तो ए वेक्टर हो गया एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के आर वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के और बी वेक्टर है मान लो ये हमने ये सारी वैल्यूज इसमें रख दी आर की जगह रख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी अब एक्स वन के आई का कोफिशिएंट दोनों साइड बराबर रखा J का और के का कॉपिशन दोनों साइड बराबर रख दिया ठीक है ना यस yes, दोनों साइड बराबर रख दिया अब जैसी दोनों साइड बराबर रखा बेटा तो यहां से हाँ सर तो ये हमने इधर रख दिया यह आ गया लाइन का वैल्यू ये आ गया लाइन का तो बेटा अब इस चीज को जरा समझो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी और कार्टिजिन फॉर्म में ऐसी दिखाई देगी और मुझे तुम में से अगर मैं पूछूं ये x1, y1 और z1 क्या है? सर x1, y1, z1 x1, y1 और z1 वो तीन पॉइंट्स वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से लाइन पास होती है x1, y1, z1 R कोऑर्डिनेट्स आर कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट थ्रू विच लाइन पास आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिस हाँ सर और यहां पर क्या है यहां पॉइंट का पोजिशन फैक्टर जहां से लाइन पास करती है यहां से उस पॉइंट का पोजिशन फैक्टर है जहां से लाइन पास करती है क्लियर है अच्छा आप मुझे सोच के बताओ बेटा ये ए बी सी क्या होंगे एबीसी सर ये ए बी सी तो ए बी सी तो बी वेक्टर में आई जे और K के के कॉफिशेंट्स हैं और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर में आई जे और K के जो कॉफिशेंट्स होते हैं आई और जे के जो कॉफिशेंट्स होते हैं आई जे और K के वो क्या होते हैं उसके डी आरस यानी देखा जाए तो ये क्या है डी आर ऑफ बी वेक्टर यानी डी आर ऑफ लाइन ये क्या है डी आर ऑफ लाइन है क्योंकि लाइन के डी आर उसके वेक्टर के डी आर होते हैं लाइन के डी आर उसके वेक्टर के डी आर होते हैं क्लियर है हाँ सर ये क्लियर हो गया वेक्टर फॉर्म और दूसरा क्या हुआ केलर फॉर्म या कार्टेजियन फॉर्म क्लियर है दोनों के दोनों बिल्कुल अच्छा इस लाइन पर एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एनी पॉइंट ऑन लाइन अगर आपको इस लाइन पर कोई भी पॉइंट मानना हो कोई भी पॉइंट मानना हो तो कैसे मानेंगे आप क्या करो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इसको लामडा रख लो इसको लामडा के बराबर रख दो तो कोई भी पॉइंट लाइन पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन प्लस ए लैमडा और इसी तरह से वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई वन प्लस बी लैमडा और जेड वन की वैल्यू आ जाएगी जेड वन प्लस सी लामडा तो वाई वन प्लस बी लामडा जेड वन प्लस सी लामडा ये हो गया एनी पॉइंट ऑन लाइन कभी भी इस लाइन पर कोई पॉइंट मानना हो तो आप वो पॉइंट ऐसे एज्यूम कर सकते हैं बिल्कुल सर ये क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुई ए बी सी डी आरस कैसे हुआ बेटा ए बी सी डी आर जैसे हुआ आपको बताया था किसी भी वेक्टर में आई जे और के के जो कॉफिशेंट्स होते हैं उसके डीआर होते हैं हां सर बताया था आपने तो बेटा ये ए बी सी किसके डी आर सर बी वेक्टर के डी आर लेकिन बी वेक्टर तो लाइन के पैरेलल है तो यानी उस वेक्टर के जो डी आर होंगे वही लाइन के डी आरस कहलाएंगे वही लाइन के डी आरस कहलाएंगे आई होप ये क्लियर हुआ ग्रैंगर जी क्लियर हो गया हाँ वही लाइन के डिगाज कहलाएंगे क्लियर अच्छा इसी तरह से अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट लेना है इस लाइन पर कोई पॉइंट लेना है तो सीधा एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑन अबव लाइन क्या ले सकते हैं सीधा सीधा पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन अगर आपको इसके ऊपर कोई पॉइंट लेना है तो वो ले सकते हैं ए प्लस लैमडा टाइम्स बी बस ये सीधा लिख दो ए प्लस लैमडा टाइम्स बी कोई भी पॉइंट हो जाएगा पहली लाइन पर कोई भी पॉइंट हो जाएगा पहली लाइन पर आई होप ये क्लियर हो गया आई होप ये क्लियर हो गया यस सर रिविजन के लिए मस्त सर लक्ष्य वैच के लिए बिल्कुल सबके लिए मस्त है भाई सबके लिए मस्त है अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो क्लियर है हाँ सर ये क्लियर हो गया बिल्कुल सर अच्छे से गया समझ में अच्छे से आया समझ में जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजो जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजो हाँ जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजो फटाफट क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजो अब जरा देखो एक चीज टू पॉइंट फॉर्म अगर लाइन पर दो पॉइंट दे रखे हैं एक पॉइंट है पी उसका पोजिशन वैक्टर है मान लो ए एक पॉइंट है क्यू उसका पोजिशन वैक्टर है मान लो बी और मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है इस लाइन का इक्वेशन तो इस लाइन का इक्वेशन मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं r is equal to a plus lambda times b minus a होता है क्या होता है r is equal to a plus lambda times b minus a ये होता है इसका इक्वेशन क्यों क्योंकि ये लाइन कहां से पास करी है a से और ये वेक्टर क्या होगा सर ये वाला वेक्टर होगा b minus a ये वाला वेक्टर क्या होगा b minus a तो कह सकता हूं ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है सर बी माइनस ए के पैरल है ये लाइन किसके पैरल है बी माइनस ए के पैरल है अब इसमें वन पॉइंट फॉर्म लगा दो कहां से पास कर रही है ए से किसके पैरल है बी माइनस है क्योंकि बी माइनस इसी के ऊपर चिपका होगा क्योंकि आपको पता है अगर किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बी है दूसरा ए है तो उनको जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है वो तो दोनों का डिफरेंस तो ये बी माइनस इसी लाइन पर चिपका है तो यानी ये लाइन किसके पैरल है बी माइनस ए के तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा टाइम बी माइनस है बी माइनस ए

Ymile Y1, Z y- माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन हाँ सर क्योंकि ऊपर वो पॉइंट आता है जहां से लाइन पास होती है ऊपर वो पॉइंट आता है जहां से लाइन पास होती है अच्छा एक चीज और बता दू नीचे क्या आएगा कोई बताएगा नीचे क्या आ जाएगा कोई बताएगा नीचे क्या आ जाएगा सर नीचे आ जाएगा अगर देखो ये दो पॉइंट हैं एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ यहां पर पहले वाले यहाँ यहां याद दिलाता हूँ एक छोटी सी बात याद करना याद रखना ये बात एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी एक पॉइंट है ए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और एक पॉइंट है बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू इनसे एक लाइन पास हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं ए बी वेक्टर क्या होगा ए बी वेक्टर होगा सर एक्स टू माइनस एक्स वन आई y2 टू माइनस वाई वन जे हाँ सर और z2 टू माइनस जेड वन के यही होगा भाई ए बी वैक्टर जी सर डाल भी ए बी वैक्टर हाँ बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही तो यहां पर जो ये x2 टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन है ये आई जे के कॉफिशेंट हैं बिल्कुल सर तो ये डी हो गए किस वेक्टर के सर ये डी आर हो गए ए बी वैक्टर के ये डी आर किसके हो गए सर ये डी आर हो गए हैं ए बी वैक्टर के ये ए बी वैक्टर के डी आरस हो गए सारे के सारे ये ये और ये ये क्या हो गए डी आरज हो गए किसके ए बी वैक्टर के डी आर्स ऑफ ए बी वैक्टर या फिर यूं कहूं डी आर ऑफ लाइन थ्रू ए बी डी आर ऑफ लाइन थ्रू ए बी थ्रू ए एंड बी यानी ए और बी से पास होने वाली लाइन के डी आरज होते हैं डी आरज ऑफ लाइन थ्रू ए बी थ्रू ए एंड बी क्या हो जाते हैं x2- टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और z2- टू माइनस जेड वन क्या यह बात क्लियर हुई क्या ये बात क्लियर हुई हाँ तो इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब यह हो गया कि ये ये हमारे पास डी हो गए किसके जो उस लाइन के जो ए और बी से पास करती है तो यहां पर यहां पर यह लाइन पी और क्यू से पास करती है तो इस लाइन के डी आर क्या होंगे सर वो हो जाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन y2 टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन यह हो गए डी आरस यह हो गए डी आरस यह हो गए डी आर्स आई होप ये क्लियर हो हुआ आई होप यह क्लियर हो गया सबको यह बात समझ में आ गई अब यहां है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब यहां जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं देखो ये बहुत ध्यान से देखना यहां पर जो पहली लाइन है ये लाइन लिख रखी है हां सर ये लाइन लिख रखी है हां सर ये लाइन कहाँ से पास करती है पहले तो ये बताओ ये लाइन कहाँ से पास करती है सर ये है वाली लाइन या एक काम करता हूं पहले एक छोटा सवाल पूछता हूं फिर इस पर आता हूं मान लो मैं कहूं एक लाइन ले लू x माइनस टू वाई माइनस वाई प्लस थ्री अपॉन वन अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन थ्री बताओ भाई ये लाइन कहाँ से पास करती है पासिस किस पॉइंट से पास करती है जल्दी बताओ पास वॉट पॉइंट और इस लाइन के डी आर बता दो डी आर बता दो डी आर बता दो इस लाइन के पहली लाइन बताओ कहा लाइन कहां से पास करती है इसके सर डी आर वन टू थ्री अच्छा बता सकते वेक्टर पैरल टू लाइन वेक्टर पैरल टू लाइन लाइन के पैरल वैक्टर क्या होगा सर लाइन के पैरल वैक्टर बताओ लाइन के पैरल वैक्टर लाइन के पैरल वैक्टर बता दो हाँ लाइन के पैरल वैक्टर बताओ क्या होंगे तो लाइन के पैरल वैक्टर होंगे i प्लस टू जे प्लस थ्री के ये हो जाएगा लाइन के पैरल वैक्टर जी सर यही हो गया लाइन के पैरल वैक्टर आई होप ये क्लियर हो गया ये लाइन के पैरल वैक्टर आ गया हाँ i प्लस टू जे प्लस थ्री के क्लियर है हाँ कोई पूछे इस लाइन के डीसी बताना इस लाइन के डी सीज बताना इस लाइन के डीसीज सर डीसी हो जाएंगे वन अपॉन नाइन फोर थर्टीन रूट फोरटीन वन अपॉन रूट फोरटीन टू अपॉन रूट फोर्टीन और थ्री अपॉन रूट फोर्टीन ये इसके डी हो जाएंगे या फिर माइनस 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 हाँ बिल्कुल सही वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल बच्चों को मस्त समझ में आई बात एक चीज समझ में आ गई हाँ सर अच्छा अगर कभी ऐसा लगा हो मान लो अब एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं अब एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मान लो ऐसा लगा हो टू एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस सिक्स अपॉन से फाइव इज इक्वल टू वन माइनस जेड अपॉन टू तो ये लाइन में बता सकते हो कहां से पास होगी देखो ये जो लाइन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रखी सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं लिख रखी तो क्या करना पड़ेगा सर यहां से टू हटाना पड़ेगा इसे लिखना पड़ेगा ऊपर नीचे टू से डिवाइड कर दो हां सर ये कर दिया इसको थ्री से डिवाइड कर दो वाई माइनस टू अपॉन फाइव बाई थ्री इसको लिखो जेड माइनस वन अपॉन माइनस टू अब कह सकते हैं कहां से पास करेगी ये सर पास इज कहां से पास करेगी जल्दी बता दो कहाँ से पास करेगी ये कहाँ से पास करेगी जल्दी से बताओ सर ये पास करेगी माइनस हाफ टू और माइनस और वन से माइनस हाफ टू और वन से और इसके डी क्या होंगे तो डी होंगे टू फाइव बाई थ्री और माइनस टू ये इसके डी हो जाएंगे ये इसके डी हो जाएंगे <coughs> बिल्कुल सही gallery, को क्या करेंगे वन करेंगे वन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे क्लियर है ना जी सर ये क्लियर हो गया अब आओ इस क्वेश्चन पर पहले तो इसका जवाब दो सेकंड वाले का पहले सेकंड वाले का जवाब दो ये लाइन कहाँ से पास करेगी बोलो सर इस लाइन को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैसे कर देंगे x माइनस वन अपॉन वन वाई प्लस थ्री बाई टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस फाइव अपॉन थ्री ऐसे लिख सकते हैं हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं तो लाइन कहाँ से पास करेगी सर वन माइनस थ्री बाई टू और माइनस फाइव वन माइनस थ्री बाई टू और माइनस फाइव यहाँ से पास करेगी यस yes, सर और नीचे भी थ्री बाई टू आएगा यहाँ पर ठीक है हाँ अब बताओ इसके डी आरस क्या हैं इसके डी आरस इसके डी आरस क्या हैं वट आर द डी आर ऑफ दिस लाइन सर डी आरस हैं वन कॉमा थ्री बाई टू एंड थ्री वन कामा थ्री बाई टू एंड थ्री हाँ बिल्कुल सही माइनस फाइव वन माइनस थ्री बाई टू माइनस फाइव बिल्कुल सही है इसके डी आर्ज हो गए अब जरा पहले पर आते हैं अब पहले पर आते हैं देखो इस लाइन पर इस लाइन पर अगर मैं इसको लैमडा के बराबर रखता हूं तो आप ये चीज देखो यहां से जेड की वैल्यू हमेशा टू आएगी यहां से जेड की वैल्यू हमेशा टू आएगी जी सर जब जेड की वैल्यू हमेशा टू आएगी यानी इस लाइन पर जेड कोऑर्डिनेट हमेशा टू रहता है तो जिस लाइन पर जेड कोऑर्डिनेट हमेशा टू रहेगा जिस लाइन पर जेड कोऑर्डिनेट हमेशा टू रहेगा एक्स वाई प्लेन से एक निश्चित हाइट पर होगी हाँ सर टू की हाइट पर होगी बिल्कुल सो so, यानी हम कह सकते हैं दिस लाइन इज पैरल टू एक्स वाई प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स अब इट टू यूनिट्स अबव इट टू यूनिट्स अब इट कहां होगी दो यूनिट ऊपर होगी क्योंकि z की वैल्यू हमेशा टू रहती है हा दो यूनिट ऊपर होगी बिल्कुल सही यस टू यूनिट्स अबव इट आई होप ये क्लियर हो गया आई होप यह है क्लियर हो गया यहाँ टू है भाई यहाँ टू है ठीक है ये टू है थैंक यू यहाँ टू रख देते हैं क्लियर है भाई हाँ सर ये टू क्लियर हो गया ये बात समझ में आ गई लाइक like. टू यूनिट अबाउ इट क्लियर है भाई अच्छा यहां से ये पता चलता है जिस भी एक्सिस जिस भी वेरिएबल के नीचे जीरो लगा है ना वो लाइन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो लाइन उस एक्सिस के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी जिसके भी नीचे जीरो लगा हो वो लाइन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी यहां पर जेड के नीचे जीरो लगा जीरो। तो ये लाइन एक्स वाई प्लेन के पैरल है एक्स वाई प्लेन के पैरल है तो जेड के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी जेड के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी जेड के क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि एक चीज याद रखेंगे जिस भी वेरिएबल के नीचे जीरो आएगा वो लाइन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी वो लाइन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी क्लियर हो गया हाँ आई होप ये क्लियर हुआ आई होप यह क्लियर हो गया है सबको यस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी सर एक्स एक्सिस पास होती है जीरो 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 से और उसके डी क्या होते हैं डीसी क्या होते हैं या डी क्या होते हैं सर उसके डी होते हैं एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाती है हाँ सर अगर जेड बाई प्लेन में लाई करता बिल्कुल यार ये 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 रहा ये देखो, ये रहा रहा ना देखो एक्सिस एक्सिस की इक्वेशन कैसे पता चलेगी एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस बताओ यार डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस तो डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस होंगे वन जीरो क्योंकि एक्स एक्स के साथ जीरो एंगल बनाती है तो कॉस जीरो वन हो गया और y के साथ 90 डिग्री कॉस 90 जीरो हो गया z के साथ 90 डिग्री तो कॉस 90 फिर जीरो हो गया DCs ऑफ y एक्सिस बता दो तो DCs ऑफ y एक्सिस होता है टू जीरो वो जाएगा जीरो टू जीरो जीरो वन जीरो सॉरी जीरो वन जीरो और z एक्सिस का डीसीज क्या होंगे z एक्सिस के डीसीज DC's, सर DC's तो तो वो हो जाएंगे जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जेड इक्वल टू टू कैसे बेटा जेड इक्वल टू टू ऐसे इसको लैमडा के बराबर रखेगा जीरो इंटू लैंडा जीरो और प्लस टू तो z की वैल्यू हमेशा टू आएगी ना चाहे लैंडा कुछ भी हो यानी इसके ऊपर हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो टू उसका z कोऑर्डिनेट हमेशा टू होगा आई होप बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया क्लियर हो गया बजरंग जी बजरंग दल यस yes. बजरंग दल जी क्लियर हो गया होगा जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिख कर भेजें, बजरंग जी अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो ये डी हो गए अब ये लाइन कहां से पास करती है एक्स एक्सिस ओरिजिन से जीरो जीरो से तो बेटा इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस की, X की X -0, y -0, Z -0. और नीचे आएंगे सर, DRs, 1, 0, 0. सर आपने तो ये बोला डीसीज ये है और आपने यहां डी आर लिखे तो एक चीज याद रखो डी भी डी आर डी सी डी आर ही है डीसीज भी बेटा क्या है डी आरज ही है डी भी डी आरज ही हैं क्यों एल अपॉन एल एम अपॉन एम एन अपॉन एन बराबर होगा हाँ सर तो इसलिए जो डी हैं ये डी आर भी हैं तो डी सीज डी आरस डी आर ऑल्सो डी आरस डी भी डी आरस होते हैं ध्यान रखेंगे ये बात समझ में आ रही है क्यों डी अपने आप के प्रोपोर्शनल होते हैं तो डी भी डी होते हैं तो ये लिख दिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन नीचे डी लिखते हैं तो डी लिखो या डी लिखो एक ही बात है एक ही बात है ये हो गई एक्स एक्सिस इसी तरह से वाई एक्सिस लिख लो वाई एक्सिस क्या होगी सर वाई एक्सिस हो जाएगी एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो यहाँ वन यहाँ जीरो और यहाँ जीरो इसी तरह से जेड एक्सिस क्या हो जाएगी सर जेड एक्सिस हो जाएगी एक्स माइनस जीरो अपॉन जीरो वाई माइनस जीरो अपॉन जीरो जेड माइनस जीरो अपॉन वन आई होप ये क्लियर हो गया हाँ आई होप ये क्लियर हो गया बिल्कुल चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं चार पॉसिबिलिटीज हैं भाई जरा देखो चार पॉसिबिलिटीज क्या पॉसिबिलिटीज हैं दो लाइंस क्या कर सकती हैं थ्री में दो लाइंस को लेकर चार पॉसिबिलिटी बन सकती हैं पहली पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें लाइंस कैसी हो इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी हो इंटरसेक्टिंग दूसरा हो सकता है लाइंस कैसी हो पैरेलल। लाइंस कैसी हो पैरेलल। तीसरा क्या हो सकता है को ये तीनों केसेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड अगर मैं फर्स्ट केस सेकंड केस और थर्ड केस करूं तो आप अपने पेपर पर कॉपी के पेपर पर कोई भी दो लाइन्स बना लो तीन बातें हो सकती हैं या तो वो इंटरसेक्ट होंगी या वो पैरल होंगी या फिर कोई होंगी आप किसी प्लेन पेपर पर ऐसी दो लाइंस नहीं बना सकते जो इंटरसेक्टिंग ना हो या फिर पैरेलल ना हो या फिर कोइंसिडेंट ना हो तीनों में से एक केस तो होगा ही होगा तीनों में से एक केस तो होगा ही होगा तो यानी इन तीनों लाइंस ये तीनों के तीनों केसेस किसमें आते हैं ये तीनों के तीनों केसेस को प्लानर में आते हैं ये तीनों के तीनों केसेस में आते हैं को प्लानर दीज लाइन आर को प्लानर यह को प्लानर है एक ही प्लेन में है ये सारी की सारी लाइंस एक ही प्लेन में है को का मतलब क्या होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चढ़ गई ओवरलैपिंग लाइन को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई वो ओवरलैपिंग लाइन्स जेड माइनस वन अपॉइंट जीरो नहीं होगा मिश्रा जी Z माइनस जीरो वन ही होगा क्योंकि ओरिजिन से ही पास करती है Z एक्सिस भी ठीक है ना हाँ Z एक्सिस में मिश्रा जी Z माइनस जीरो वन ही होगा क्योंकि z z के साथ जीरो डिग्री एंगल बनाती है तो उसके डी क्या है जीरो जीरो वन तो ध्यान रखो तो अब स्क्यू लाइंस लाइन्स्यू लाइंस ये लाइन क्या है ये ऐसी लाइंस हैं जो ना तो पैरेलल हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग हैं जो ना ही ना तो पैरेलल हैं ना ही इंटरसेक्टिंग हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझो एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझो जैसे एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही और एक लाइन ये है ये ऐसे गुजर गए देखो ये यूं गुजर गई और ये ऊपर से चली गई हां सर ये पैरल नहीं है ना सर पैरल तो नहीं है एक ऐसे जा रही है क्या ये पैरल है नहीं क्या ये इंटरसेक्टिंग है नहीं सर क्या ये ओवरलैपिंग है नहीं तो ये लाइंस क्या कहलाती हैं स्क्यू लाइंस लाइंस हमेशा कैसी होंगी नॉन ये कभी भी एक प्लेन में नहीं होंगी नॉन को प्लानर यह लाइन्स हमेशा नॉन को प्लानर होंगी ये लाइंस हमेशा नॉन को प्लानर होंगी दीज लाइन्स विल ऑलवेज बी नॉन को प्लानर तो यानी को कितनी तरह की लाइन होती है इंटरसेक्टिंग पैरल या को इंसिडेंट आर को प्लैनर लाइन अब जरा देखो जैसे मान लो मैंने आर इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस टेन के और टू आई माइनस थ्री जे प्लस एट के जो पहली लाइन दे रखी है ये लाइन मैं यहां लिख रहा हूं ये है आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एलेवन लाइन क्या है आर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के आई माइनस जे माइनस टेन के और प्लस लैमडा टाइम्स टू आई माइनस थ्री जे प्लस एट के ये पहली लाइन है और दूसरी लाइन क्या है बेटा दूसरी लाइन है सर फोर आई माइनस थ्री जे माइनस के और प्लस म्यू टाइम्स म्यू टाइम्स क्या म्यू टाइम्स आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के देखो ये इंटरसेक्टिंग कैसे हैं इस लाइन के जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी आर का डिनोट करता है आर डिनोट करता है इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट और इस पर आर क्या डिनोट करता है इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों से जो आर की वैल्यू आनी चाहिए सेम आनी चाहिए सॉल्व कर लेते हैं दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं हाँ सर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ इफ़ आई सॉल्व बोथ ऑफ देम तो मैं क्या करूँगा आई माइनस जे माइनस टेन के आई माइनस जे माइनस टेन के बराबर रखूँगा आई माइनस जे माइनस टेन के प्लस लैमडा टाइम्स प्लस लैमडा टाइम्स टाइम्स क्या टू आई माइनस थ्री जे टू आई माइनस थ्री जे प्लस एट के इसको बराबर रख दूंगा इसको बराबर रखूंगा किसके फोर आई माइनस थ्री जे माइनस के फोर आई माइनस थ्री जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स क्या करूंगा म्यू टाइम्स वॉट म्यू टाइम्स द्यू टाइम्स आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो दोनों से आर की वैल्यू को बराबर रखा अब आई का कॉफिशियंट आई का कॉफिशेंट है सर वन प्लस टू लैमडा और वहां कितना है फोर प्लस म्यू इसी तरह से यहाँ कितना है माइनस वन माइनस थ्री लैमडा जे का कॉफिशियंट जे का कॉफिशेंट और माइनस थ्री लैमडा और म्यू का कॉफिशियंट है सर वहां पर मतलब जे का कॉफिशियंट माइनस थ्री माइनस फोर म्यू और लास्टली माइनस टेन प्लस एट लैमडा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सेवन म्यू क्या किया हमने दोनों इकोफिशंट्स को बराबर रख दिया दोनों एक ऑफिशंट्स को बराबर रख दिया हमने ठीक है बेटा तो यहां से लैमडा और म्यू में एक रिलेशन आया क्या आया टू लैमडा माइनस म्यू बराबर थ्री टू लैमडा माइनस म्यू बराबर थ्री फिर एक आया थ्री लैमडा माइनस फोर म्यू इज इक्वल टू टू एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार थ्री लैमडा माइनस फोर म्यू इक्वल टू टू और एक आ गया सेवन एट लैमडा माइनस सेवन म्यू इज इक्वल टू एट लैमडा माइनस सेवन म्यू इज इक्वल टू नाइन ये आ रहा है रिलेशन हाँ सर इन दोनों से म्यू को सॉल्व करो म्यू को या लैमडा को कैसे सोल्व करें इसको इंटू फोर करके माइनस कर देते हैं फोर टू जट माइनस थ्री फाइव लैमडा इज इक्वल टू टेन लैमडा की वैल्यू टू आ गई लैमडा की वैल्यू टू आ गई म्यू की वैल्यू वन आ गई म्यू की वैल्यू वन आ गई ये आ गई हां सर लैमडा टू म्यू वन अब ये वैल्यूज इन दोनों की मदद से निकाली हमने हाँ अब ये इसमें पुट करके देखो इसमें पुट करके देखोगे तो कितना आएगा पुट हियर सर ये आगे सिक्सटीन माइनस सेवन नाइन क्या हो गई सेटिस्फाई सेटिस्फाई हो गई हाँ इसका मतलब लैमडा जब टू होगा और म्यू जब वन होगा दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन तो मिलेगा सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा बस लैमडा को टू रख दो या तो लैमडा को टू रख दो इसमें या फिर म्यू को वन रख दो इसमें तो लैमडा को टू रखोगे लैमडा को टू रखोगे तो ये आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस टेन के प्लस टू इंटू टू आई माइनस थ्री जे प्लस एट के या फिर दूसरे में म्यू को वन रख देते तब भी सेम आंसर आता यानी आ गया फाइव आई सिक्स सेवन जे और एट टू जो सिक्सटीन प्लस एट टू जो सिक्सटीन सिक्स के ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया सर फाइव माइनस सेवन सिक्स दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरल लाइन्स अब जरा देख लो ये दोनों लाइन्स कैसी हैं पैरल हैं क्यों ये किसके पैरल है थ्री आई माइनस जे प्लस के के ये लाइन पहले वाली क्या है थ्री आई टी टाइम्स टी टाइम्स थ्री आई माइनस जे प्लस के यानी ये कहा से पास हो रही है सर जीरो से क्योंकि यहां कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब क्या है जरा देखो ये क्या लिखा है जीरो प्लस टी टाइम्स थ्री आई माइनस जे प्लस के और इसी तरह से आर इज इक्वल टू लिखा टू आई प्लस एस माइनस सिक्स आई प्लस टू जे माइनस टू के गौर से देखो ये दोनों वेक्टर पैरल हैं गौर से देखो ये दोनों वेक्टर पैरल हैं कैसे थ्री अपॉन माइनस सिक्स बराबर माइनस वन अपॉन टू बराबर वन अपॉन माइनस टू लाइन्स कैसी हो गई पैरल हो गई क्योंकि ये दोनों के पैरल वेक्टर्स हां हां ये क्लियर हुआ बिल्कुल तो यहां पर इस केस में तो यहां पर इस केस में तो यहां पर इस केस में अपने पास क्या हो गया ये तीनों बराबर तो हो गए ये रेशियो बराबर हो गए तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई पैरेलल हो गई कोइंसिडेंट नहीं होंगी कोइंसिडेंट क्यों नहीं होंगी ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट नहीं होंगी पैरेलल होंगी सिर्फ क्यों नहीं होंगी वो भी समझ लो इसके ऊपर पॉइंट क्या है जीरो 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 क्योंकि जीरो तो को मैं हाँ फिल करके देखता हूं क्या वो इसको करता है? जरा देखो जरा देखना जो मैं कह रहा हूं जरा देखना जो मैं कह रहा हूं पहली लाइन क्या है एस इन टू पहली लाइन क्या थी बेटा पहली लाइन थी टी इंटू थ्री आई माइनस जे प्लस के टी इंटू थ्री आई माइनस जे प्लस के इंटू थ्री आई माइनस जे प्लस के इसमें अगर आप जीरो 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 रखकर देखो जीरो 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 पुट आर को क्या रख दें? आर क्या डिनोट करता है कोई भी पॉइंट में इस लाइन पर कोई भी पॉइंट तो जीरो आई जीरो के बराबर थ्री आई बराबर टी टाइम्स थ्री आई माइनस जे प्लस के तो जरा देखो टी की वैल्यू पहले से जीरो ये था ना भाई जीरो 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 किस में रखें अरे दूसरी लाइन में रखेंगे यार जरा देखो जरा दोबारा देख लो यहां तक तो समझ में आ गया यहां तक गया। यहां तक समझ में आ गया यहां तक समझ में आया लास्ट तक समझ में आया बेटा लास्ट तक समझ में आया हाँ सर यहां तक तो समझ में आ गया कि ये दोनों लाइन्स कैसी है पैरल है क्योंकि कॉफिशेंट का रेशियो बराबर है अब पता कैसे लगाएंगे कि ये कॉन्सीडेंट है कॉन्सीडेंट में जरा ध्यान रखो अगर दो लाइन पैरल है और उनके बीच में एक भी पॉइंट कॉमन हो दो पैरल लाइन्स के बीच में एक भी पॉइंट कॉमन हो ये दो पैरल लाइन्स हैं इनके बीच में एक भी पॉइंट कॉमन हो तो क्या होगा सब चिपक जाएंगी ये चिपक जाएंगी दोनों लाइन्स दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगी चिपक जाएंगी बोथ द लाइन्स विल स्टिक टुगेदर तो यानी वो एक ही लाइन बन जाएगी तो कहने का मतलब है अगर ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो इसका हर पॉइंट इस पर और इसका हर पॉइंट इस पर लाई करना चाहिए अगर ये दोनों लाइंस लाइन है इस पर कौन सा पॉइंट लाइन कर रहा है जीरो 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 तो हम देखना चाहते हैं कि जीरो 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 इस पर भी लाई करता है अगर जीरो जीरो इस पर लाई नहीं करता जीरो जीरो नहीं करता तो हम कहेंगे ये लाइंस पैरेलल हैं लेकिन कॉइंसिडेंट नहीं है लाइन्स कैसी होंगी पैरल होंगी लेकिन कोइंसिडेंट नहीं होंगी तो हम क्या कर रहे हैं पहली लाइन पर पहली लाइन पर पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन वो क्या है सर जीरो 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 पुट इट इन सेकेंड पुट इन सेकेंड सेकेंड में पुट कर देते हैं सेकेंड लाइन क्या थी आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टू आई प्लस एस आर इज इक्वल टू टू आई प्लस एस आर इज इक्वल टू टू आई प्लस एस इन टू प्लस एस इंटू कितना है प्लस एस इन टू माइनस सिक्स प्लस टू माइनस टू माइनस सिक्स प्लस टू माइनस टू के इसमें जीरो जीरो रख दो जीरो 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 यानी जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के वो हो गया टू माइनस सिक्स एस इन टू आई फिर टू एस जे माइनस टू एस के अब जरा देखो इसको इसको इक्वेट करोगे हाँ सर तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री इसको इसको इक्वेट करोगे यहां से ऐसा आया जीरो और इसको इसको इक्वेट करोगे यहां से भी ऐसा आया जीरो सारी वैल्यू सेम नहीं आई नॉट ऑल सेम नॉट ऑल सेम इसका मतलब है जीरो 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 डज नॉट लाई ऑन सेकेंड लाइन डज नॉट लाई ऑन सेकेंड लाइन डज नॉट लाई ऑन एल टू ये एल टू पर लाई नहीं करता और जब ये एल टू पर लाई नहीं करता यानी दोनों लाइन्स चिपकेंगे नहीं क्योंकि अगर ये पॉइंट इस पर भी लाई कर जाता तुम कहते भैया ये पॉइंट फर्स्ट पर भी है और ये पॉइंट सेकंड पर भी है और दोनों लाइंस पैरल हैं तो अगर दोनों लाइंस पैरल हैं और एक पॉइंट फर्स्ट पर भी है सेकंड पर भी है तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी स्टिक टुगेदर दे विल स्टिक टुगेदर ये दोनों पॉइंट्स एक साथ स्टिक कर जाएंगी को हो जाएंगे तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि लाइन्स पैरल यानी मैंने आपको बता दिया हाउ टू फाइंड टू फाइंड इफ पैरल लाइन्स टू फाइंड इफ पैरल लाइन्स आर को इंसिडेंट पैरल लाइन्स आर को इंसिडेंट तो क्या करना चाहिए पहली लाइन पर जो भी पॉइंट है उसको उठाकर सेकेंड में रख के देखना चाहिए और सेकंड में रखकर देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन्स को इंसिडेंट हो जाएंगी अगर नहीं तो फिर लाइन्स को इंसिडेंट नहीं होंगी तो बेटा ये बात अच्छे समझ लेना अब जैसे थर्ड वाला है इसमें लाइन्स को इंसिडेंट है तो आप खुद करके देखना ये एलाइंस को इंसिडेंट कैसे आएंगे देख लो थ्री अपॉन सिक्स हां सर थ्री अपॉन सिक्स जी सर यह बराबर है इस केस में टू अपॉइन फोर जी सर और यह बराबर है वन अपॉइन टू के जी सर यानी कि लाइंस पैरेलल तो हैं इस लाइन पर कोई पॉइंट बोलो जीरो जीरो टू अब जीरो जीरो टू को इसमें रख के देखना आप पाएंगे तीनों से म्यू की वैल्यू सेम आएगी यानी ये लाइंस कैसी हो गई चिपक जाएंगी क्योंकि पैरल थी एक पॉइंट कॉमन हुआ तो ये क्या हो जाएंगी चिपक जाएंगी चिपक जाएंगी मतलब ओवरलैपिंग हो जाएंगी ओके सर क्लियर हो गया है सर स्क्यू लाइंस में क्या होगा ये स्क्यू लाइंस दे रखी हैं आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना कैसे जैसे इसको सॉल्व किया था इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं अगर आप देखें ये पैरेलल भी नहीं है और इनको सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा क्लियर है भाई हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा मतलब समझ गए से इंटरसेक्शन आया होगा जो लैमड म्यू आएगा, तो आएगा।, के आएगा जब तीसरे में रखेंगे ना वो सेटिसफाई नहीं होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती चलिए आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट वन 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 एंड दिस इसके थ्रू पास होने वाली लाइन विद डी आर दिस बोलो लाइन कैसे लिखूं सिंपल है सर ये लाइन यहां से पास हो रही है ऐसे लिख दिया और नीचे लिख दिया वन माइनस वन और टू दूसरा तरीका सर ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में इसी लाइन को आर इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के और ये लाइन किसके पैरल होगी पैरल होगी सर लाइन इज पैरल टू किसके पैरल होगी बोलो वाली सर ये पैरल होगी i माइनस जे प्लस टू के तो प्लस टाइम्स i माइनस जे प्लस टू के ये हो गई लाइन की क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में और ये नीचे स्केलर फॉर्म में थैंक यू थैंक यू अच्छा लगता है यार जब बच्चे अप्रिशिएट करें आपके एफर्ट को बहुत बढ़िया लगता है अच्छा है हमारे हमको लगता है हमारी मेहनत भी सफल हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कन्वर्ट दिस लाइन इंटू वेक्टर फॉर्म इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो जरा देखो सर इसे लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस वन को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री जी सर इसको लिख सकते हैं वाई माइनस टू बाई सिक्स वाई माइनस टू बाई सिक्स अपॉन वन बाई सिक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन तो ये कहां से पास कर रही है सर ये पासिस माइनस वन बाई थ्री टू बाई सिक्स और वन और इसके डी क्या हैं? तो इसके डी हैं वन बाई थ्री वन बाई सिक्स और माइनस वन ये इसके डी हो गए ये इसके डी हो गए तो वेक्टर फॉर्म में लिखो जरा सर आर इज इक्वल टू इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री आई टू बाई सिक्स जे टू बाय नहीं कहाँ से पास हो रही है यहां से पास हो रही है माइनस वन बाई थ्री आई प्लस टू बाई सिक्स जे प्लस के प्लस लैमडा टाइम्स वन बाय थ्री आई वन बाय सिक्स जे माइनस के ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म यस आई होप ये क्लियर हो गया स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों हो गए जी सर चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जे मेन 25 जून 2022 को है अभी 25 जून 2022 को ये क्या कह रहा है ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो पहली लाइन क्या है x माइनस टू अपॉन थ्री वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू और दूसरा देखो देखो क्या लिख रखा है जेड इक्वल टू टू ऐसे लिखा है जेड इक्वल टू टू लो अब मुझे बताओ इस लाइन को कैसे लिखू मैं सर इस लाइन को ऐसे लिख दो आप x minus टू upon थ्री y plus वन upon minus 2 is equal to z minus टू upon जीरो z minus टू upon जीरो दूसरी लाइन क्या दे है बेटा जेई ने सर वो दे है x minus 1 upon वन y plus थ्री by टू upon alpha by टू लिख दो हाँ सर ऐसे लिख दो और z plus फाइव upon टू ये हो गई लाइंस. ये दोनों लाइंस हो गई ये दोनों लाइंस हो गई यस बेटा आपने डार्क हॉर्नेड आपने सीधा बी बता दिया इसका मतलब इसका मतलब तो तुम तो चार सौ चौधरी से भी ज्यादा तेज है तुम्हारा दिमाग इतनी जल्दी आप आंसर बता रहे हो इसका मतलब आपने कहीं गूगल किया या फिर आपने कहीं किताब खोल रखी उसके सामने सीधा बी लगा दिया इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आंसर ये दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू तो पहली लाइन के अलॉन्ग वेक्टर क्या है वेक्टर अलॉन्ग फर्स्ट लाइन वेक्टर अलोंग फर्स्ट लाइन तो वेक्टर अलोंग फर्स्ट लाइन होगा वो होगा थ्री आई माइनस टू जे प्लस जीरो के और वेक्टर अलोंग सेकेंड लाइन वेक्टर अलोंग सेकेंड लाइन वो क्या होगा सर वो हो जाएगा आई प्लस अल्फा बाई टू जे प्लस टू के ये वी वन कह देते हैं ये वी वन वेक्टर है प्लस टू के ये वेक्टर को वी वन ये वेक्टर और ये वी टू वेक्टर तो वी वन डॉट वी टू कितना होगा सर जीरो. V1. V2, जीरो होगा क्योंकि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं या फिर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो हाँ कल ही किया था वेरी गुड बहुत अच्छी बात इसमें मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा वेरी गुड ये हो गया थ्री माइनस अल्फा और प्लस जीरो बराबर जीरो तो अल्फा की वैल्यू थ्री आ गई अल्फा की वैल्यू थ्री आ गई अब वो क्या कह रहा है आपको इन दोनों लाइन्स L2 और L3 के बीच का एंगल बताना है L2 और L3 के बीच का एंगल तो देखो बेटा अब एल क्या बन गया सर L2 बन गया है L2 क्या बन गया सर L2 बन गया है x माइनस वन बाय वन एक्स माइनस वन बाय वन वाई प्लस थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू अल्फा की वैल्यू थ्री आई है सर अल्फा की वैल्यू थ्री तो थ्री बाई टू जेड प्लस फाइव अपॉन टू z प्लस फाइव अपॉन टू और एल वन एल थ्री क्या बन गया सर एल थ्री बन गया है एल थ्री है हमारे पास x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन माइनस थ्री और दूसरा क्या है y माइनस हाफ अपॉन माइनस टू और तीसरा है तीसरा है z अपॉन फोर z अपॉन फोर इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो कॉस थीटा सर वो होगा एल वन एल टू ए वन ए टू बी वन बी टू थ्री माइनस टू इंटू थ्री बाई टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ऑफ ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर और ये सी टू स्क्वायर ऊपर कितना आ गया सर ऊपर आ गया मेरे ख्याल से थ्री नाइन वन आ रहा है शायद ऊपर जरा देखना एक बार भाई एक बार ज़रा देखना एक बार ज़रा देखना ऊपर क्या आ रहा है भाई ऊपर क्या आ रहा है माइनस थ्री माइनस थ्री बाई टू इंटू टू फोर टू जट और माइनस सिक्स टू आ रहा है सर ऊपर टू ऊपर आ गया टू नीचे ये बन गया रूट ट्वेंटी नाइन बाय रूट टू टू इंटू रूट ट्वेंटी नाइन ये बन गया फोर अपॉन ट्वेंटी नाइन तो सेक थीटा क्या बन गया 29 नाइन बाय फोर तो थीटा आ गया सेक इनवर्स 29 नाइन बाय फोर आप समझ गए एंगल कैसे निकाला दोनों के बीच में लाइंस के बीच में हाँ सर समझ में आ गया डी आपने बताया था बिल्कुल तो कितना हो गया बेटा आंसर आ गया है बॉम्बे जो ऐसा कई लोगों ने पहले बता दिया क्योंकि कई लोगों ने पहले कर रखा था चलिए आगे बढ़ते हैं दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं बात करता हूं दो लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा बेटा दो लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मान लो एक लाइन ये एक सीधा सीधा स्टेप बता रहा हूं कैसे निकालेंगे स्टेप बता रहा हूं स्टेप्स स्टेप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक ऐसा डिस्टेंस जो दोनों के परपेंडिकुलर हो यानी कि ये ये 90, ये 90, ये पहली लाइन है ये दूसरी लाइन है ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो कहां होता है बेटा इग्नोर नहीं कर रहे गौरव कुमार आपको कैसे इग्नोर करेंगे यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अल्फा की वैल्यू कैसे आई बेटा अल्फा की वैल्यू ऐसे आई आए, अल्फा की वैल्यू ऐसे आई ये दोनों वेक्टर्स की ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर थी तो थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू अल्फा बाई टू जीरो इंटू टू बराबर जीरो या यूं कह लो कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो एक तरीका दूसरा तरीका क्या मैंने इसके पैरल वैक्टर लिखा थ्री आई माइनस टू जे और इसके पैरल वैक्टर लिखा आई प्लस अल्फा बाई टू जे प्लस टू के दोनों का डॉट जीरो कैसे भी बोल लो आई होप समझ में आ गया बेटा अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो क्लियर है हाँ सर क्लियर है जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर कर भेजें बेटा अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो बेटा मेरी बात समझ में आई तो जल्दी से लिख कर भेजें हाँ सर क्लियर हो गया अब स्टेप नंबर वन सबसे पहला स्टेप <coughs> ये a, ये ए बी ये लाइन कहां से पास होती है ए वेक्टर से दिस लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट विद बी वेक्टर तो क्या करो स्टेप वन पॉइंट ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए फिर दूसरा सेकेंड फाइंड पी क्रॉस क्यू पी क्रॉस क्यू यानी पहले आप बी माइनस ए बी वैक्टर निकालो और ये लाइन पैरल है क्यू वेक्टर के और ये वाली लाइन पैरल है पी वेक्टर के ये लाइन पैरल है पी वेक्टर के तो आप देखो जब पी क्रॉस क्यू करोगे तो ये वेक्टर पी के भी परपेंडिकुलर होगा और क्यू के भी परपेंडिकुलर होगा तो P के भी परपेंडिकुलर होगा और Q के भी परपेंडिकुलर होगा तो यानी ये वेक्टर होगा अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लाइन वन के परपेंडिकुलर है लाइन टू के भी अलोंग परपेंडिकुलर है अब क्या करो थर्ड पॉइंट बस एस डी सीधा सीधा ध्यान रखो एसडी बराबर होता है प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्रॉस क्यू बस लेंथ प्रोजेक्शन के बराबर होता है प्रोजेक्शन कैसे मिलता है सर ए बी वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू यही होता है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन अगर आपको याद हो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी सर आपका कोऑर्डिनेट का लेक्चर देखा मजा आ गया सब क्वेश्चन बन रहा है कोऑर्डिनेट के बेटा ये भी देखोगे तो इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा जो बता रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी यानी कोई भारी फॉर्मूला याद नहीं करना बस इन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर निकालो पी क्रॉस क्यू करो और फिर उसका प्रोजेक्शन ले लो काम खत्म बस काम खत्म कर लो काम खत्म कर लो क्लियर है भाई हाँ सर ऐसे मिल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर एस डी जीरो हो इफ एस डी इक्वल टू जीरो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी अगर एस डी कितना हो जाए जीरो हो जाए ध्यान रखेंगे शॉर्ट डिस्टेंस जीरो हो जाए तो लाइंस कैसी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी चलो आगे देखते हैं ये क्लियर हो गया जी सर ये क्लियर हो गया पहले पर पॉइंट लिया दूसरे पर पॉइंट लिया दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर लिखा और फिर पी क्रॉस क्यू के साथ उसका डॉट कर दिया डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू खत्म काम ऐसे याद रखेंगे ठीक है अच्छा एक चीज और बता दूं अगर दो लाइंस पैरेलल हैं दो लाइंस पैरेलल हैं या फिर दो लाइंस दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या फिर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये दोनों को प्लानर होंगी हाँ सर दोनों के दोनों क्या होंगी को प्लानर मान लो ये लाइन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा टाइम्स बी c lambda times c या p कह देता हूं lambda times p और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू बी प्लस न्यू टाइम्स पी दोनों लाइन्स पैरल हैं हां सर दोनों लाइन्स पैरल हैं ये लाइन कहाँ से पास होती है ये लाइन ए ए से पास होती है ये लाइन बी बी से पास होती है मान लो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ये पास होती है ए पॉइंट से और ये बी बी पॉइंट से और ये लाइन अगर देखा जाए ये लाइन की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा पी और एल टू की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू बी प्लस म्यू क्यू हां सर बिल्कुल सर ये एल टू की लाइन है ये एल टू है ये एल टू ये एल वन ये दोनों की दोनों लाइंस, सर प्लीज एंथ्यूज बेटा एनफ्यूज में अब, अब कैसे आ जाए सर लक्ष्य में नहीं आए आप मैं नहीं आया गया नहीं बेटा मुझे भेजा नहीं गया लक्ष्य में बस ये कह सकता हूं मैं आया नहीं आया कुछ नहीं है तो ये आया बेटा अभी हम्म तो आप इस केस में देखो ए प्लस लैमडा पी ये जरा देखो ये दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हैं एक काम की बात बता रहा हूं ये किसके पैरल है सर ये लाइन पैरल है पी के ये लाइन पैरल है क्यू के ये लाइन पैरल है पी के और ये लाइन पैरल है क्यू वेक्टर के ये लाइन स्कोप लैनर है हाँ सर ये भी कोप लैनर है ये भी कोप लैनर है तो जरा देखो ए बी वैक्टर ए बी वैक्टर इसमें और इसमें दोनों में ए बी वैक्टर दोनों में अगर आप ए बी वैक्टर देखोगे दोनों में अगर आप ए बी वैक्टर देखोगे दोनों में अगर आप ए बी वैक्टर देखोगे तो ए बी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वैक्टर कैसे हैं को प्लानर सही बात है हाँ सर और को प्लानर है तो इसलिए इसका बॉक्स जीरो होगा तो ए बी पी और क्यू इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो यानी कि ए बी पी और क्यू का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो इंप्लाइज लाइंस आर को प्लानर लाइन्स आर को प्लानर कैसी होंगी को प्लानर होंगी अच्छा क्या इसमें यह वाला केस भी आ गया हां सर क्योंकि इस वाली लाइन के लिए क्यू और पी तो बराबर है इस लाइन वाली लाइन्स के लिए क्यू और पी बराबर है तो यहां क्यू की जगह क्या आ जाएगा सर पी आ जाएगा तब भी तो बॉक्स जीरो ही रहेगा तब भी तो बॉक्स जीरो ही रहेगा आई होप ये क्लियर हुआ आई होप ये क्लियर हुआ।, हुआ तो अगर दो लाइंस को प्लानर है कंडीशन फॉर लाइंस टू बी को प्लानर कंडीशन फॉर को प्लानरिटी फॉर को प्लानरिटी ऑफ लाइंस, ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस की कोप्लानरिटी के लिए कंडीशन क्या हो गई सर दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर ए और बी दोनों पर जो ए और बी है उसका वो कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ये हो गई भाई कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी। इस वाले केस में पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा पी में भी इक्वल टू क्यू में बी इक्वल टू क्यू आई होपे क्लियर हो गया आई होप यह क्लियर हो गया यस आई होप इज क्लियर टू एवरी वन ये बात समझ में आ गई कि अगर दो लाइन्स को प्लैनर हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरल होगी दोनों ही परिस्थितियों में ए बी पी और क्यू क्यू यहां किसके बराबर है यहां पर कह सकता हूं पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर हियर इसमें पी और क्यू बराबर है तो भी कह सकता हूं ए बी पी एंड पी आर को प्लानर यानी बॉक्स जीरो होगा हमेशा चाहे ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति हो यानी कल को आईआईटी में एक प्रॉब्लम आई ये दोनों लाइंस हैं तो क्या करोगे सर पहले पर पॉइंट दूसरे पर पॉइंट दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर फिर पहली जिसके पैरल है और दूसरी जिसके पैरल है उसका बॉक्स बराबर जीरो उसका बॉक्स बराबर जीरो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेई मेन्स में दो या तीन सवाल इसके ऊपर आए हैं दो या तीन सवाल इसके ऊपर आए हैं उसके ऊपर आए हैं क्लियर है भाई हाँ सर क्लियर है क्योंकि ये सबके सब क्या है को प्लानर है एक ही प्लेन में लाई करते हैं क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो को प्लानर होगी तो दिस और इनका बॉक्स कितना हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए क्लियर है भाई हम्म एस जीरो बस इतना याद रखेंगे ये राइट क्वेश्चन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ठीक है सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना जेई में सत्ताईस जून दो को आया पहली पर पहली पर पॉइंट बोलो पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन पॉइंट ऑन लाइन वन कितना होगा सर होगा थ्री टू वन थ्री टू वन पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन पॉइंट लाइन एल टू ऑन लाइन एल टू कितना है सर माइनस थ्री सिक्स फाइव ये हो गया ए ये हो गया बी तो अब बताओ ए बी वैक्टर क्या होगा सर ए बी वैक्टर होगा एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस सिक्स आई और माइनस का फोर प्लस का फोर जे और प्लस का फोर के अच्छा पहली लाइन पी वेक्टर क्या है पहली लाइन किसके पैरल है सर टू आई प्लस थ्री जे माइनस के इसके पैरल है हाँ सर क्यू किसके पैरल है सर क्यू मतलब ये सेकेंड लाइन के पैरल क्या है टू आई प्लस जे प्लस थ्री के टू आई प्लस जे प्लस थ्री के आई होप ये बात समझ में आ गई हाँ सर ये हुआ जी सर तो अब मुझे क्या करना है ए बी वेक्टर फाइन कर लिया स्टेप वन पहला स्टेप पहला स्टेप हो गया हाँ सर अब स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू क्या करें स्टेप टू पी क्रॉस Q निकालते हैं पी क्रॉस Q पी क्रॉस Q कैसे निकलेगा I J K टू थ्री माइनस वन टू वन थ्री कितना आया फिर ये गया ये गया नाइन प्लस वन टेन आई फिर जे के साथ सिक्स प्लस टू सिक्स प्लस टू माइनस एट जे एक बार देख लो ये गया ये गया सिक्स प्लस टू हां सर और के, के साथ आएगा ये गया ये गया टू माइनस सिक्स टू माइनस सिक्स माइनस फोर के ये आ गया ठीक अब एस डी स्टेप थ्री स्टेप थ्री प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इसका इस पर तो प्रोजेक्शन कैसे लेंगे माइनस सिक्स आई प्लस फोर जे प्लस फोर के डॉट टेन आई माइनस एट जे प्लस फोर के और अपॉन इसका मॉड इसका मॉड बोले तो रूट ऑफ टेन का स्क्वायर एट का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर इस पूरे का मॉड ये आगे शॉर्ट डिस्टेंस ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाँ भाई देख लो देख लो देख लो भाई ठीक है अभी और भी काम होगा वेबसाइट पर भी काम होगा यहाँ पर भी काम होगा जेई वाला पर तो चिंता मत करो यहाँ पर भी लेक्चर्स आएंगे आईआईटी आईआईटी टी आई हाँ ठीक है तो बस ठीक कह रहे हो गया अब जरा इसको प्रोडक्ट कर लो कितना आ गया भाई ये सर ये आ गया माइनस सिक्सटी प्लस थर्टी टू माइनस थर्टी टू माइनस सिक्सटी माइनस थर्टी टू और प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय नीचे कितना आया एक बार देखना जरा कैलकुलेशन देख लो भाई ऊपर वन एट्टी आ रहा है क्या वन एट्टी आ रहा है क्या भाई एक बार ज़रा देखना मैंने सही भी किया कैलकुलेशन देख लो भाई एक बार प्लीज़ चेक द कैलकुलेशंस। एक बार कैलकुलेशन देख लो भाई एक मिनट ज़रा पानी पी ले भाई कैलकुलेशन देखो तुम तब तक कैलकुलेशन देखो भाई फटाफट सी द कैलकुलेशंस प्लीज़ कैलकुलेशन देखो कैलकुलेशन कैलकुलेशन देख लो यार एक बार <coughs> एक बार आप लोग कैलकुलेशन देख लें चलो ठीक है हाँ सर ठीक है तो सिक्स आई फोर जे माइनस यहाँ पर क्या होगा माइनस फोर के होगा माइनस फोर के है ना बेटा हाँ सर माइनस फोर के तो ये भी माइनस में ही आएगा कितना हो गया भाई ये ज़रा बता दो सर ये हो गया है माइनस सिक्सटी माइनस थर्टी टू माइनस सिक्सटीन वन हंड्रेड एट सही कह रहा था बच्चा अपॉन रूट ऑफ हंड्रेड सिक्सटी फोर और 16 180 तो ये होता है 108 हंड्रेड एट अपॉन सिक्स रूट फाइव एटीन अपॉन रूट फाइव हाँ एटीन अपॉन रूट फाइव सही कह रहा है भाई एटीन अपॉन रूट फाइव आंसर आ गया आगरा तो चलो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं ये रहा अगला प्रॉब्लम लाइन एक्स इज इक्वल टू तो ए वाई माइनस वन जेड माइनस टू ये तीनों लाइन्स को प्लानर हैं ये दोनों लाइन्स को प्लानर हैं तो आपको ये बताना है एबीसी में क्या रिलेशन होगा तो अगर ये तीनों लाइन्स को प्लानर हैं दोनों लाइन्स तो देखो जरा एक काम करता हूँ इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हाँ सर कर सकते हैं क्या लिखें सर यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन ए अपॉन वन अपॉन ए हाँ सर इज ईक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन वन और यहाँ भी वन ये हो गई पहली लाइन ठीक है जी सर दूसरी लाइन दूसरी लाइन होगी दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई थ्री अपॉन अपॉन वन बाय थ्री और तीसरी लाइन है y माइनस टू बाई बी अपॉन वन बाय बी ये लाइन्स हो गई ये दोनों लाइन्स कैसी हैं को प्लानर हैं ये दोनों लाइन्स कैसी हैं बेटा को प्लानर तो अगर ये दोनों लाइन्स को प्लानर हैं इफ दीज टू लाइन्स आर को प्लानर तो आपको बताया था क्या करना है को प्लानरिटी के लिए ए बी पी और क्यू का बॉक्स जीरो तो ए बी इस लाइन के ऊपर पॉइंट बोलो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है इस लाइन के ऊपर पॉइंट है सर जीरो वन बाय ए और टू और इसके ऊपर पॉइंट है जीरो टू बाय थ्री और फिर से टू बाय बी ये है तो अब हम क्या करेंगे बॉक्स ऑफ ए बी और पी और क्यू ये जीरो होना चाहिए पी वेक्टर कितना है सर पी वेक्टर है आई वन बाई ए जे प्लस के और क्यू वेक्टर क्या है आई वन बाई थ्री जे प्लस वन बाय बी के इन तीनों का बॉक्स जीरो होना चाहिए तो पहले ए बी का आपको पता बॉक्स प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से मिलता है हाँ सर ए बी वेक्टर क्या होगा ए में से बी जीरो टू बाई थ्री माइनस ए फिर टू बाई बी माइनस टू टू बाई बी माइनस टू पी वेक्टर लिख लो पी वेक्टर है वन वन बाई ए और वन फिर लास्ट में वन वन बाई थ्री वन बाई बी वन बाय बी ये जीरो होना चाहिए तो बस एक्सपैंड कर लो अब एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ये गया ये गया टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री माइनस ये और ये जा रहा है भैया से ये गया ये गया टू बाई थ्री माइनस ए बाई बी फिर वन बाई थ्री दैट इज माइनस सिक्स माइनस टू बाई थ्री बी और प्लस टू बाई थ्री ये माइनस के साथ आएगा माइनस वन इंटू जरा देख लो एक बार ये गया ये गया टू बाई थ्री बी माइनस ए बाई बी टू बाई थ्री बी माइनस ए बाई बी वन बाई ए होगा टू बाई थ्री माइनस वन बाई ए होगा टू बाई थ्री माइनस वन बाई ए हाँ सही कह रहा है भाई टू बाई थ्री माइनस वन बाई थैंक यू टू बाई थ्री माइनस वन बाई बी और यहाँ क्या है टू बाय ठीक है तो दोबारा कर लो दिस इंटू दिस टू बाई थ्री ये गया ये गया तो दिस इंटू दिस दोबारा कर लेते हैं तो ये गया और यह गया तो कितना आएगा बेटा टू बाई थ्री बी टू बाई थ्री बी माइनस वन अपॉन ए बी ये दिस इंटू दिस माइनस माइनस वन इन दिस तो ये आएगा टू बाई थ्री बी और प्लस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री फिर प्लस वन इन प्लस वन इंटू में क्या क्या होगा प्लस वन इन टू में सर होगा प्लस वन इन टू में ये गया और ये गया ये होगा टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री माइनस वन बाई ए और फिर माइनस टू अपॉन ए बी और फिर प्लस टू बाय ए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई जरा ठीक है अब जरा देखो यहाँ क्या कैंसल आउट हुआ सर ये कैंसल आउट हो गया है टू बाई थ्री टू बाई थ्री बी टू बाय थ्री बी ये कैंसल आउट हो गया और कुछ कैंसल आउट हो रहा है ज़रा देखो टू बाई थ्री टू बाई थ्री भी कैंसल आउट हो गया सर और अपने पास बच गया है वन बाय ए बी टू बाई ए बी वन बाई ए बी टू बाई ए बी और माइनस वन बाय तो प्लस वन बाय ए बी ये क्या बच गया आप जरा देख लो ये बच गया सर प्लस वन अपॉन ए बी और फिर बच गया है फिर बच गया है माइनस वन बाय ए माइनस वन बाय ए प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय ए माइनस टू बाय ए बी प्लस वन बाय ए माइनस टू बाय ए बी पूरे को बी ए से उड़ा दो यार पूरे को आप ए से उड़ा दो तो पूरे को अगर आप ए से उड़ाओगे तो ए गया माइनस वन बाई बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो बी की वैल्यू आ गई वन बी की वैल्यू आ गई वन बी की वैल्यू वन आ गई और ए इसके अंदर आया ही नहीं ए इसके अंदर आया ही नहीं यानी ए कुछ भी हो सकता है ए कुछ भी हो सकता है क्योंकि ए तो कट गया ए कुछ भी हो सकता है सिवाय जीरो के सिवाय जीरो के क्यों क्योंकि यहां लिख भी रखा है ए बी जीरो नहीं है ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आंसर आ गया बी वन ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो हाँ ए टू माइनस ए वन अपॉन क्या कर दू बेटा अपन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू बेटा तुम करोगे ना तो उसके आपको बता दू रवि मिश्रा जी नीचे बी वन क्रॉस बी टू करोगे और बाय चांस बी वन और बी टू पैरल हुए तो बेटा जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा नॉट डिफाइंड एक बार ऐसा हो चुका है बच्चों के साथ आईआईटी आई एडवांस में लोग फिर लिमिट लगा के आए थे उस सवाल के अंदर समझ में आया तो टीचर जो बता रहा है कुछ सोच समझ के बता रहा है कई लोग कह रहे हैं सर नीचे दीजिए अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू यानी बेसिकली तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जीरो रखने को कह रहे हो तो बेटा जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा फिर उस केस में अगर तुम ये जीरो अपॉन मॉड ऑफ बी वन बी टू रखते हो तो क्लियर हुआ जीरो बाय ज़ीरो आ जाता उस केस में कई बार जब लाइन्स पैराल हो जाए हाँ सर ये तो हम सोचे नहीं सोचना तो पड़ेगा बेटा अब जरा देखो पॉइंट और लाइन अब जरा देख लो पॉइंट और लाइन बस लाइन खत्म हो जाएगी फिर इसके बाद प्लेन पर भिड़ेंगे ये लाइन और ये पॉइंट कई बार हमें कहा जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला उसका आप फुट बता दो और उसका आप इमेज बता दो उसका इमेज भी बता दो फुट भी बता दो और इमेज भी बता दो तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे सवाल मान लो ये पॉइंट है पी और ये है मान लो पोजिशन वेक्टर ए हमें इसका फुट चाहिए और ये लाइन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी और हमें क्या चाहिए इसका फुट चाहिए और इसका इमेज चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड द इमेज ऑफ पी इन लाइन इमेज ऑफ पी इन लाइन टू बा कहा गया बेटा टू बाय ए कहा गया बेटा ये टू बाय ए था ये माइनस वन बाय ए था दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया वन बाय ए आ गया ना दोनों को जोड़ा तो कितना आया वन बाय ए आ गया ना भाई दोनों को जब आप जोड़ोगे तो वन बाय ए आ जाएगा ना जरा देख लो हाँ सर वन बाय ए आ जाएगा ठीक है वन बाय ए आ जाएगा तो कई बार क्या होता है हाँ बिल्कुल तो यहां पर हमें इसका फुट और लेंथ और क्या चाहिए इमेज चाहिए तो क्या करेंगे एफ को कुछ भी मान सकते हैं एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी एज्यूम्ड एस ए प्लस लैमडा बी इसको ए प्लस लैमडा बी मान लेंगे हाँ सर फिर क्या करेंगे पी एफ वैक्टर निकालेंगे पी एफ वैक्टर पी एफ वैक्टर डॉट क्या कर दें बी डॉट बी क्योंकि ये लाइन किसके पैरल है सर ये लाइन बी वैक्टर के पैरल है ये लाइन बी वैक्टर के पैरल है तो पी एफ वैक्टर डॉट बी कितना होगा सर जीरो क्योंकि एंगल 90 डिग्री है यहां से क्या मिलेगा सो गेट लैमडा लैमडा मिल गया लैमडा मिलते ही देरफोर एफ क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा ए प्लस बी लैमडा ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें क्या चाहिए इमेज चाहिए ये इमेज है ये इमेज है इमेज अगर चाहिए तो इमेज के लिए क्या करेंगे इमेज के लिए सर ये मिड पॉइंट होगा हाँ सर तो बस क्या करेंगे पी डैश एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश ये यूज करेंगे ये यूज करेंगे यूज दिस यूज दिस यहां से क्या मिल जाएगा गेट पी डैश पी डैश मिल जाएगा यानी कि कभी भी लाइन का परपेंडिकुलर पुट चाहिए तो ऐसे मिल सकता है और इमेज चाहिए तो ऐसे मिल जाएगा जरा देखो एक क्वेश्चन इमेज ऑफ पॉइंट पी vector पोजिशन वेक्टर दिस इन द लाइन equation दिस तो यहां पर ये लाइन दे रखी है और हमें इस line में इसका इमेज फाइंड करना है इसका image. ये line, ये पॉइंट और हमें इसका इमेज फाइंड करना है इसमें इट्स इमेज तो करते हैं खटाखट देखो ये वाला वेक्टर ये वाला पॉइंट क्या है सर सेवन आई माइनस टू जे माइनस जे प्लस टू के यूं कह दू सेवन माइनस टू सेवन माइनस वन टू और ये लाइन के ऊपर पॉइंट क्या ले सकता हूँ इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ अगर चाहूँ तो नाइन प्लस लैमडा नाइन प्लस लैमडा फाइव प्लस थ्री लैमडा फाइव प्लस थ्री लैमडा क्योंकि पॉइंट क्या लिया था जरा देखो ए प्लस बी लैमडा लिया था पॉइंट क्या लिया था ए प्लस बी लैमडा ए प्लस बी लामडा ए प्लस बी लामडा ये दोनों को जोड़ दो बस तो पॉइंट क्या आ जाएगा नाइन प्लस लैमडा फाइव प्लस थ्री लैमडा फाइव प्लस फाइव लैमडा ये एफ हो गया ये पी हो गया और ये लाइन पैरेलल किस वेक्टर के है ये लाइन पैरेलल है सर आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के तो क्या करेंगे पी एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो तो यह आ गया टू प्लस लैमडा आई दोनों को माइनस किया फिर सिक्स प्लस थ्री लैमडा जे जे सिक्स प्लस थ्री लैमडा जे फिर प्लस फिर प्लस थ्री प्लस फाइव लैमडा के इन दोनों का इसका डॉट किसके साथ बी के साथ बी के साथ बोले तो आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के बराबर जीरो ये दोनों का डॉट जीरो ये दोनों का डॉट जीरो ये दोनों का डॉट जीरो ठीक है तो जल्दी से बताओ इस केस में क्या होगा ये आ गया टू प्लस लैमडा प्लस एटीन प्लस नाइन लैमडा प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव लैमडा बराबर शून्य कितना हो गया सर ये सर ये हो गया टेन थर्टी फाइव लैमडा प्लस ट्वेंटी थर्टी फाइव बराबर जीरो तो लैमडा की वैल्यू आ गई माइनस वन लैमडा माइनस वन आ गया तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए एफ के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एट टू एट टू और जीरो एट टू जीरो एट टू जीरो आ गए एफ के कोऑर्डिनेट्स एट टू जीरो एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए एट टू जीरो एट टू जीरो आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ एक बार देख लो एट टू जीरो आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ अब आप इमेज की बात कर रहे हो इमेज कैसे मिलेगी इसको मान लेते हैं पी डैश इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा तो ये इसका क्या है मिड पॉइंट तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस सेवन बाय टू ये बराबर होना चाहिए एट के बीटा माइनस वन बाय टू ये बराबर टू के और लास्ट में गामा माइनस गामा प्लस टू बाय टू बराबर जीरो तो यहाँ से अल्फा आ गया नाइन आ गया मेरे ख्याल से तो सिक्सटीन हाँ और बीटा आ गया फोर टू फोर फाइव और गामा आ गया माइनस टू नाइन फाइव माइनस टू बॉम्बे इज द आंसर नाइन फाइव माइनस टू बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बच्चों बहुत सारे बच्चे धनंजय सोमवाने वेरी गुड बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम ये देखो भाई इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो जेई इमेज मार्च 2021 में आया क्या है इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया यहां उल्टा काम किया देख रहे हो इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोर थ्री एट यह पॉइंट क्या है फोर थ्री एट और यह है थ्री फाइव सेवन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किस लाइन पर लाई कर रहा है इस लाइन पर x माइनस ए अपॉन एल x माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस टू अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस बी अपॉन फोर इस लाइन पर लाई कर रहा है इस लाइन पर तो आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस l1 और l2 के बीच में इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो पहले तो हमें लाइन फनिट करनी पड़ेगी तो क्या करें सर ये p है ये f है तो पी एफ वेक्टर क्या होगा सर पी एफ होगा आई प्लस टू जे प्लस के आई माइनस आई माइनस आई दिस माइनस दिस तो प्लस टू जे माइनस के माइनस के ये आ गया हाँ सर अब इसके पैरल वेक्टर होगा इसके पैरल वेक्टर बी वेक्टर वो क्या होगा एल आई प्लस बी जे प्लस फोर के तो पी एफ डॉट बी बराबर जीरो हाँ सर ये जीरो हुआ बिल्कुल तो क्या आ जाएगा थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस एल माइनस एल माइनस एल इंटू टू इंटू बी प्लस टू बी प्लस टू बी और साथ में प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो यानी कि माइनस एल प्लस टू बी बराबर फोर ये हो गया हाँ सर ये तो हो गई पहली इक्वेशन फिर थ्री फाइव सेवन इसी पर लाई करता है थ्री फाइव सेवन जेड माइनस टू जेड माइनस टू है भाई ये जेड माइनस टू वाई माइनस टू बाय थ्री है वाई माइनस टू बाय थ्री है क्या थ्री है हाँ थ्री है वही मैं सोच रहा हूँ यार दो वेरिएबल आ गए थ्री है भाई थ्री सही तो टू एल आई प्लस थ्री जे आएगा बेटा थ्री जे प्लस फोर के थैंक यू ये आ गया हाँ सर तो एल आई प्लस सिक्स आ जाएगा ये यहां कर लेते हैं दोबारा से माइनस का एल प्लस का सिक्स माइनस का फोर बराबर टू तो एल बराबर टू आ गया एल बराबर क्या आ गया टू आ गया अब थ्री फाइव सेवन इस पर लाई करता है ऑल्सो थ्री फाइव सेवन लाइज ऑन लाइन लाइज ऑन लाइन तो थ्री फाइव सेवन इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन को तो एक्स की जगह थ्री रख दो थ्री माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव माइनस टू अपॉन थ्री और सेड सेवन माइनस बी अपॉन फोर तो ये हो गया वन हो गया भाई ये तो तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई ए मेरे ख्याल से माइनस वन आ रहेगा जरा देखना और बी कितना है बी जरा देखो भाई सर बी आ जाएगा थ्री देखना भाई ए माइनस वन बी थ्री ए माइनस वन बी थ्री ए माइनस वन बी थ्री जरा देखना ए माइनस वन बी थ्री ए माइनस वन और बी आ रहा है थ्री ए माइनस वन या वन ए माइनस वन या वन ए वन आ रहा है प्लस का वन आएगा ए प्लस का वन आएगा ए आ गया वन और बी थ्री तो पहली लाइन क्या बन गई सर पहली लाइन बन गई एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री

z minus z minus five upon five z minus five upon five अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस आप निकाल ही लोगे इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल ही लोगे हास और नो येस और नो यस और नो यस यस yes यस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लोगे ना हाँ सर निकाल लेंगे पहली लाइन फाइंड एस डी तो इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता रहा हूं ये आप खुद करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वन बाय रूट सिक्स वन बाय रूट सिक्स आ जाएगा ठीक है हाँ तो चलेंगे वन बाय रूट सिक्स कर लेंगे ना भाई शॉर्ट तो डिस्टेंस पे निकाल लेंगे वन बाय रूट सिक्स येस सर हाँ कर लेंगे भाई खुद ट्राई करो फाइंड एस डी और सेल्फ फाइंड एस डी योर सेल्फ अभी मैंने एक पिछले वाले सवाल में किया था अब तुम खुद फाइंड करना चलो आगे बढ़ते हैं अब प्लेन की बात आती है तो लाइन के बाद अब प्लेन आता है प्लेन में क्या है प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर जैसे ये बोर्ड है ये प्लेन है कि नहीं है इसके ऊपर दो पॉइंट लो इनको एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दो तो ये पूरी की पूरी लाइन इसी प्लेन में आएगी हाँ सर ये पूरी की पूरी लाइन इसी प्लेन में आएगी इसलिए इसलिए हम इस सरफेस को क्या बोलते हैं प्लेन बोलते हैं तो प्लेन की खासियत क्या उसके ऊपर दो पॉइंट लो दोनों को एक लाइन से जोड़ो स्ट्रेट लाइन से वो पूरी की पूरी लाइन उसी सरफेस में आ सिलेंडर 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 है है कुछ गोल गोल होगा हाथ ऐसा जैसे है. यहां एक पॉइंट लिया यहां एक पॉइंट लिया दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो तो ये सर्फेस के अंदर से जाएगी फिर सर्फेस के ऊपर लाए नहीं करेगी क्लियर है हाँ ये क्लियर है भाई बिल्कुल ये क्लियर हो गया जी सर ये क्लियर हुआ तो यहां पर प्लेन की खासियत क्या होगी अगर मैं इसके नॉर्मल बनाता हूं नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल तो इसमें लाई करने वाले हर लाइन के परपेंडिकुलर हो हर लाइन के परपेंडिकुलर हर वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि अगर मेरे पास एक प्लेन है इफ आई हैव अ प्लेन प्लेन को ज्यादातर हम ऐसे दिखाते हैं लेकिन प्लेन होता क्या एक पतली सी शीट है जो कहां तक फैली है इनफाइनाइट तक एक चादर ले लो पतली सी चादर ले लो और वो चादर का इन्फाइनइट लेंथ और इन्फाइनइट विथ हो और वो चादर बिल्कुल समतल बिछी हुई हो तो वो क्या बन गई प्लेन बन गई तो प्लेन को हम सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं ये ये प्लेन है और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर को हम एन वेक्टर से डिनोट करते हैं तो ये जो वेक्टर होगा इसमें लाए करने वाले हर वेक्टर के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा हर वेक्टर के इसके भी परपेंडिकुलर होगा जो भी इस प्लेन में लाई करेगा एनी थिंग विच लाइज इन दिस प्लेन एनी वेक्टर और लाइन विच लाइज इन दिस प्लेन एनी परपेंडिकुलर टू इट जैसे मान लो ये इसके अंदर मान लो p वेक्टर है ये q वेक्टर है तो एन डॉट पी एन डॉट क्यू सब जीरो होगा ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा तो यानी प्लेन की खासियत क्या है कि प्लेन के ऊपर नॉर्मल बना सकते हैं और वो नॉर्मल उसके प्लेन में लाई करने वाले हर किसी के परपेंडिकुलर होगा क्लियर है भाई हाँ ये क्लियर है ठीक अब आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन सबसे पहला फॉर्म है वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में मान लो ये प्लेन है जो कहां से पास हो रहा है आर नॉट से और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है एन वेक्टर यानी इसमें क्या दे रखा है हमें नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल दे रखा है और पॉइंट दे रखा है तो नॉर्मल वेक्टर क्या है एन वेक्टर और ये कहां से पास हो रहा है आर नॉट से और मुझे इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो ध्यान रखना इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी आर माइनस आर नॉट डॉट एन बराबर जीरो क्यों मैंने आपको बताया इस प्लेन में कोई भी किसी भी सरफेस का किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो उसके ऊपर एक पॉइंट लेंगे p उसका पोजिशन वेक्टर है R दोनों को जोड़ा तो ये आ गया r माइनस आर नॉट तो ये हो गया PQ वेक्टर PQ वेक्टर डॉट n कितना होगा सर PQ वेक्टर डॉट n होगा सर जीरो जब जीरो होगा तो PQ लिख दिया येरा डॉट एन इक्वल टू जीरो फॉर्म में ऐसे इसको लिख सकते हैं आर डॉट एन इज इक्वल टू आर नॉट डॉट एन ये क्या होगा दो नंबर को डॉट करके एक नंबर आता है सर इसे ऐसे लिख देते हैं आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म ये भी कह देते हैं और ये भी कह देते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये जो एन है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल टू प्लेन नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन यहां आर नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है पॉइंट पॉइंट थ्रू 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 प्लेन 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 जहां से प्लेन पास करता है ये वो पॉइंट है और एन क्या है नॉर्मल वेक्टर है ध्यान रखेंगे एन क्या है नॉर्मल वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर है ठीक है ना कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा कार्टीजियन फॉर्म में कुछ खास नहीं कार्टीजियन फॉर्म में मैंने आपको बताया जब भी किसी को कार्टीजियन फॉर्म में बदलना हो मान लो आर नॉट वेक्टर है एक्स नॉट आई वाई नॉट जे और जेड नॉट के और एन वेक्टर क्या है ए आई प्लस j प्लस सी के तो जो इसकी कार्टीजियन फॉर्म होगी वो होगी एक्स देखो आर माइनस आर नॉट आर माइनस आर नॉट और आर को क्या लिख लें सर आर कोई भी पॉइंट है तो उसको लिख सकते हैं एक्स आई

एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है ए आई बीजे सी के बराबर जीरो तो जरा देखो क्या बन गई प्लेन की इक्वेशन सर प्लेन की इक्वेशन बन गई ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन बी टाइम्स वाई माइनस एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट लिए थे भाई मैंने एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट तो ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट बी टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट सी टाइम्स जेड माइनसॉट बराबर जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेजियन फॉर्म ये कार्टेजियन फॉर्म में भाई ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट बी टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट सी टाइम्स जेड माइनस जेड नॉट हाँ आज प्रयास की क्लास नहीं हुई हाँ आज क्लास कैंसिल है यहां कर रहे हैं अभी क्लास तो एक जगह मैं दो जगह जैसे एक साथ पढ़ा सकता हूँ ठीक है बेटा ये आ गया हाँ सर अच्छा एक चीज बताना सोचकर तुम मेरी बात का जवाब देना ए बी सी क्या है ए बी सी एन वेक्टर में जो आई जे के कॉफिशेंट्स लगे हैं वो एन से पूछे हम आपके हैं कौन तो एन क्या जवाब देगा यानी अगर ए बी सी एन से पूछे हम आपके हैं कौन तो एन क्या जवाब देगा एन क्या कहेगा वट विल एन से वॉट विल एन से इन दैट केस हम्म मोहित सही कह रहे हैं बिल्कुल डीआर हैं एन वेक्टर के कई बच्चे कहते हैं सर ये डी आरस हैं प्लेन के बेटा प्लेन के डी नहीं होते प्लेन के डी नहीं होते बेटा प्लेन की नॉर्मल के डी होते हैं क्योंकि डी हमेशा लाइन के होते हैं तो ये प्लेन के नॉर्मल के डी हैं तो ध्यान रखें तो ध्यान क्या रखना है ध्यान यह रखना है कि यहां पर ए बी पी जो हैं वो क्या हैं दीज आर दीज आर डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन ये क्या है डी आर है नॉर्मल टू प्लेन ये फिर ये और ये ये क्या है दीज आर डी आरज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन यानी कि नॉर्मल वेक्टर का कभी लिखना हो एक्स का कॉफिशेंट वाई का कॉफिशेंट और जेड का कॉफिशेंट ये नॉर्मल वेक्टर हो गया यह नॉर्मल वेक्टर हो गया हां सर ये क्लियर हुआ अब जनरल फॉर्म अब जरा देखो जनरल फॉर्म कैसे ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट यह आया था प्लेन का इक्वेशन y माइनस वाई नॉट पी इंटू जेड माइनस जेड नॉट बराबर जीरो इसे लिख सकता हूं ax एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट इक्वल टू जीरो हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं अब जरा देखो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट तो एक फिक्स्ड पॉइंट है हां सर ये एक फिक्स्ड पॉइंट है क्यू फिक्स जहां से लाइन प्लेन पास होता है और उसका नॉर्मल वेक्टर भी क्या है फिक्स्ड वेक्टर एक ए बी सी भी गिवन होंगे क्वेश्चन में तो उसका मतलब यह हुआ उसका मतलब यह हुआ कि एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट फिक्सड ए बी सी भी गिवन प्लेन के लिए जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से फिक्स्ड हैं तो यानी ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि ए बी फिक्स एक्स नॉट बी 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 और वाई नॉट बी सी और जेड नॉट बी फिक्स होगा तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्टेंट होगा ये पूरा का पूरा एक होगा और जब ये पूरा का पूरा एक होगा तो हम इसे लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो तो एवरी लीनियर रिलेशनशिप इन एक्स वाई एंड जेड विल रिप्रेजेंट अ प्लेन और एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होगा X, Y, Z का एक चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत यूज होगा। कोइफि�शिएंट ऑफ X, Y, Z, कोइफि�शिएंट ऑफ X, Y, Z, आर, डीआर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, डीआर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। Therefore ध्यान रखना कि अभी नॉर्मल वेक्टर लिखना तो कैसे लिखेंगे? AI plus BJ plus CK, AI plus BJ plus CK. जी सर आई प्लस बीजे प्लस सी के लिखेंगे ये क्लियर हो गया हां सर तो जब भी कभी प्लेन की जर्नल इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे ए आई प्लस बीजे प्लस सी के ए आई प्लस बीजे प्लस सी के लिखेंगे ठीक है बेटा मान लो अब मुझे मान लो अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरल टू गिवन प्लेन चाहिए मान लो मेरे पास ये प्लेन है आई हैव प्लेन आई हैव दिस अ प्लेन प्लेन के लिए मान लो एक प्लेन ये है ठीक है थोड़ा यार खुद ही बना लेते हैं मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन यह है दिस इज वन प्लेन और ये दूसरा प्लेन है ये दोनों प्लेन्स क्या हैं पैरेलल हैं ये दोनों प्लेन्स क्या हैं पैरेलल हैं ये प्लेन पी वन है और इसकी क्वेश्चन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैमडा प्लस डी बराबर जीरो ये है प्लस डी बराबर जीरो ये प्लेन की क्वेश्चन है ठीक है. है? है? है. है और ये प्लेन पी टू है ये प्लेन क्या है पी टू दिस प्लेन इज पी टू ये प्लेन क्या है पी टू प्लेन है दिस प्लेन इज पी टू ये प्लेन पी टू है और पी टू किसके पैरल है पी टू इज पैरल टू पी वन पैरल टू पी वन और पी वन क्या है हमें है. P1 क्या है? गिवन है पी वन क्या है गिवेन है ये गिवन प्लेन है हमें इसके पैरल प्लेन लिखना है तो देखो एक चीज ध्यान से सुनना अब क्या यहां ध्यान से ये सुनना कि जो इसका नॉर्मल वेक्टर है जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो इसका भी नॉर्मल होगा हां सर क्योंकि दोनों प्लेन्स कैसे हैं पैरेलल हैं दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर बनाता हूं तो जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसका भी नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इसे तो यह एक्सटेंड कर दूं तो ये इसका भी नॉर्मल हो जाएगा ना भाई हाँ सर ये इसका भी नॉर्मल हो जाएगा तो उसका मतलब इसका भी नॉर्मल वेक्टर यही लिया जा सकता है हाँ इसका नॉर्मल वेक्टर भी यही लिया जा सकता है दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा बिल्कुल सर तो कह सकते हैं दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा यहां लिख रहा हूं दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होगा नॉर्मल वेक्टर सेम होगा और जब सेम होगा तो उस केस में पी टू की इक्वेशन हम जानते हैं जब नॉर्मल वेक्टर सेम है तो ए बी सी जो नॉर्मल के डी आर थे जो इसके हैं वो इसके भी होंगे क्योंकि नॉर्मल वेक्टर ही सेम है तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी जेड प्लस लैमडा इक्वल टू जीरो यानी बिल्कुल लाइन वाला हिसाब है जब लाइन के पैरल लाइन लिखते थे तो एक्स और वाई का कॉफिशेंट तो वही चिपका देते थे और सिर्फ कॉन्स्टेंट को चेंज करते थे सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करते थे और जैसे ही कांस्टेंट को चेंज किया बेटा आज यही देख लो प्रयास में चले यही देख लो आज आ जाओ यहीं आ जाओ सबको बुला लो इधर ही इधर ही आ जाओ ये देख लो थ्री हो जाएगी इसी बहने रिवाइज तो दो सबका क्या हो जाएगा सिर्फ लैमडा चेंज हो जाएगा लैमडा चेंज हो जाएगा लैमडा चेंज हो जाएगा यानी कांस्टेंट नंबर को चेंज कर दो बस तो पैरेलल इक्वेशन लिख सकते हैं प्लेन की ठीक है अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको याद दिलाऊं किसी लाइन से किसी पॉइंट का किसी लाइन से किसी पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था मान लो ये लाइन है और यहाँ एक पॉइंट है और ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था पी तो पी की वैल्यू थी सर ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी का मॉड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वा प्लस बी था हाँ सर ये 2D में था, बस 3D में क्या है? ये x1, y1, z1 है, ये पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट है x1, y1, z1 और ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है? ये प्लेन है ax plus by plus cz बराबर plus d plus d equal to zero। तो यहां से अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P लिखना है, तो बिल्कुल जैसा 2D में लिखा था, पॉइंट उठा के डाल दो ax1, by1 सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ऑफ कितना रखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां सी स्क्वायर भी आ जाएगा जेड के कॉफिशेंट का स्क्वायर भी आ जाएगा सेम टू सेम सेम टू सेम सर आप यहां हो हां बेटा हम यहां हैं <laughs> क्या करें <laughs> क्या करें <laughs> चलो आप फटाफट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ये तो आपने पढ़ा था टू डी में यह कहां पढ़ा था हमारे बच्चे ने सर यह पढ़ा था टू डी में अब टू डी में एक चीज और पड़ी थी दो पैरल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस यहां पर भी दो पैरल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो अगर दो पैरल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस ये दो पैरल प्लेन्स हैं इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी डिस्टेंस मान लो पहला प्लेन है पहला प्लेन है ए एक्स बीवाई जेड प्लस डी वन बराबर जीरो और दूसरा प्लेन है क्योंकि प्लेन पैरल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बराबर जीरो ठीक है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन देम डी वो होगा मॉड ऑफ डी वन माइनस डी टू सर लाइन की याद आ गई सर लाइन की याद आ गई सर दो पैरल लाइन के बीच में भी ऐसे लिखते थे सी वन माइनस सी टू कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस और यहां भी क्या है कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सर लाइन का याद आ गई सर लाइन की याद आ गई सर हाँ लाइन की याद आ गई बच्चा कह रहा है सर मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ फोर्टी चाहिए सर फोर्टी चाहिए सर फोर्टी बेटा ऊंचा सोचो फोर्टी चाहिए तो वेक्टर थ्री अच्छे से कर ले यार और डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अच्छे से कर ले बस हो जाएगा काम अब जरा पॉइंट एंड प्लेन भाई इस प्रोफाइल के बहुत सवाल आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन्स फॉर जेई मेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इस बार मतलब मैं कह सकता हूं पांच छह बार ये सवाल पूछा गया है इसका इमेज और इसका फुट निकालना है तो एक्स वन वाई वन जेड वन ये पॉइंट है और मान लो फुट है अल्फा बीटा गामा ठीक है पहले फुट की बात करते हैं फुट की बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑफ पी ऑन ऑफ पी वो पॉइंट क्या है X1, Y1, Z1 ऑन प्लेन ऑन प्लेन दैट इज F। तो F कैसे मिलेगा जरा देखना फिर से लाइन की याद आएगी बेटा तुमको इसको लिखेंगे अल्फा माइनस एक्स वन बीटा माइनस वाई वन गामा माइनस जेड वन ये लिख लिया हाँ सर अल्फा माइनस एक्स वन बीटा माइनस वाई वन गामा माइनस जेड वन और प्लेन क्या बेटा सर प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर ये प्लेन है सर तो बस अब क्या करना है अल्फा माइनस दिस तो अल्फा माइनस दिस अपॉन ए बी और यहाँ सी ए बी और फिर यहां सी <laughs> अब पाँव में तकलीफ होनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी हाँ चलो ये सी ये आ गया भाई हाँ सर ये आया अल्फा माइनस एक्स वन अपॉन ए बीटा माइनस वाई वन अपॉन बी जे माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू यहाँ लगाते हैं माइनस माइनस लगाना है और फिर जो ये पॉइंट है पी पॉइंट इन प्लेन प्लेन में रख दो ये पॉइंट ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी और नीचे कर दो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये करने के बाद आप क्या किया हमने ध्यान रखना ऊपर क्या किया है ध्यान रखना ये क्या किया है ये क्या किया यह क्या किया पुट पॉइंट इन प्लेन पुट पॉइंट इन प्लेन पॉइंट पी यानी जिसकी इमेज हमें चाहिए जिसका फुट चाहिए पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन को प्लेन की इक्वेशन में रख दो इन प्लेन और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो हां सर तो यहां से जब से आप डिवाइड करोगे अल्फा आ जाएगा बीटा आ जाएगा गामा आ जाएगा इसी तरीके से तो पहला तो ये हो गया बेटा अब दूसरी बात अगर हम करें दूसरी बात दूसरी बात है इमेज इमेज ऑफ पी एक्स वन वाई वन जेड वन इन प्लेन अगर इमेज चाहिए तो देखो बेटा इमेज के लिए क्या करेंगे मान लेते इमेज है अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश तो इमेज के लिए क्या करना है अल्फा डैश माइनस एक्स वन अपॉन ए बीटा डैश माइनस वाई वन अपॉन बी गामा डैश माइनस जेड वन अपॉन सी यानी करना यहाँ वही है बस फर्क सिर्फ इतना सा है फर्क सिर्फ इतना सा है यहां आएगा माइनस टू और फिर वही काम पॉइंट इन द प्लेन प्लस सी जेड वन प्लस डी और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे ना अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश वो इमेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इमेज आ जाएगा हाँ ये आ जाएगा बेटा बिल्कुल सर ये क्लियर हो गया चलो इमेज ऐसे निकालते हैं निकुल मिलाकर इमेज आपको समझ में आ गया हाँ सर इमेज समझ में आ गया कैसे निकालना है और फुट भी नहीं समझ में आ गया इमेज में यहां बस माइनस टू आएगा बाकी कोई अंतर नहीं है फुट में ही आ जाएगा ठीक है सर बैठ जाइए हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं तेरे लिए तो कर ही रहे हैं यार तेरे लिए तो कर ही रहे हैं तू भी ये याद रखेगा कि लोग किसी के लिए मुफ्त में इतना कुछ भी कर सकते हैं आहो देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इं टू वेक्टर फॉर्म इसको वैक्टर फॉर्म में लिखना है सर तो वैक्टर फॉर्म में कैसे लिखें सर वैक्टर फॉर्म में याद है वो थी आर डॉट एन बराबर क्यू ये थी वेक्टर फॉर्म तो इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको कैसे लिख सकते हैं सर थ्री आई प्लस फोर जे प्लस के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू नाइन ये क्या बन गया सर ये तो हो गया एन वेक्टर वो आर उसको आर लिख देते हैं और ये थ्री आई प्लस फोर जे प्लस के इक्वल टू नाइन ये हो गया प्लेन इन वेक्टर फॉर्म ये हो गया प्लेन इन वेक्टर फॉर्म अब ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है इसे कार्टिजन में बदलना है तो क्या करें सर तो आपने बताया जब भी कार्टिजन में बदलना हो बस आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के रख दो आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के रख दो तो कितना हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के एक्स आई वाई जे जेड के ठीक है और डॉट डॉट कितना I plus J plus K equal to 3. कितना आ आ गया गया सर खत्म ये तो Cartesian से vector, vector से Cartesian दोनों काम कर सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन टू थ्रू टू माइनस थ्री वन एंड पैरल टू दिस प्लेन जल्दी से तुम फाइंड करो मैं नहीं कर रहा मैं एक मिनट बैठता हूं थोड़ा करो फटाफट जल्दी से फाइंड फाइंड करो भाई जल्दी से इसके पैरेलल प्लेन लिखना है हमको इसके पैरेलल प्लेन लिखेंगे ये हाँ सर प्लस टू जेड ए बी सी सेम चिपकाओ कांस्टेंट बदल दो ए बी सी सेम चिपकाओ कांस्टेंट बदल दो और फिर क्या करोगे पासिस टू थ्री माइनस वन टू माइनस थ्री वन तो सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस वन प्लस लैमडा यही आ रहा है एक बार देख लेना भाई हाँ यही आ रहा है ना तो लैमडा की वैल्यू आ गई माइनस नाइनटीन तो इक्वेशन हो गया थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल टू नाइनटीन आई थिंक दैट शुड बी द आंसर एक बार टैली करो भाई यही आ रहा है क्या टैली करो जल्दी से टैली करो भाई जल्दी से टैली करो भाई टैली करो टैली टैली द आंसर यही आ रहा है हाँ बताओ जल्दी से हाँ हाँ ये बच्चा प्रयास में था जब मैं प्रयास में पढ़ाता था ना तो वहाँ तो मैं बैठे बैठे ही सारा लेक्चर ले लेता था पूरा पूरा लेक्चर ही बैठ के होता था वहाँ तो प्रयास वालों को याद भी है हाँ चलो ये आ गया हाँ सर ये क्लियर हो गया थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी आ रहा क्या भाई ट्वेंटी आ रहा क्या थ्री टू जेड सिक्स और ट्वेल्व एटीन और प्लस टू आएगा यार ये प्लस टू आएगा मैंने गलती कर दिया प्लस टू आएगा तो प्लस टू तो माइनस ट्वेंटी और यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी बिल्कुल सही चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन जेई मेस फरवरी में आया इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस और यहाँ से पास होता हो अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है ज़रा समझना एक प्लेन ये एक प्लेन ये और यह प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन मान लो एक प्लेन ये है और यह वाला जो प्लेन है ये किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है ये किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है सो दिस इज इट और ये अगर ये इसके परपेंडिकुलर देख रहे ये और यहां पर यह यह एंगल कितना है ये एंगल है नाइन्टी डिग्री ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो देखो इसका नॉर्मल वैक्टर ऐसा आएगा इसका नॉर्मल वैक्टर कैसा आएगा इसका नॉर्मल वैक्टर कैसा आएगा ऐसा आएगा यानी इनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच के नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर वो दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो नॉर्मल वैक्टर्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जी सर ये बात समझ में आई हाँ सर ये आ गई समझ में ये दोनों एक दूसरे के तो इसका जो नॉर्मल होगा पहले वाले का इस प्लेन का ये वाला प्लेन क्या है मतलब एक प्लेन क्या है पी वन ये प्लेन क्या है थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू फाइव इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है सर इसका नॉर्मल वेक्टर है थ्री आई प्लस जे माइनस टू के ये एन वन हो गया ये एन टू पी टू प्लेन क्या है सर पी टू प्लेन है पी टू प्लेन क्या है सर पी टू प्लेन है टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस जेड इक्वल टू सेवन तो इसका नॉर्मल वैक्टर क्या होगा इसका नॉर्मल वैक्टर होगा टू आई माइनस फाइव जे माइनस के और जो हमारा प्लेन है वो क्या है वो दोनों के परपेंडिकुलर है वो प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है अगर वो प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है प्लेन इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी वन एंड पी टू बोथ पी वन एंड पी टू इसका मतलब देर फोर इट्स नॉर्मल इट्स नॉर्मल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा इस परपेंडिकुलर टू एन वन वेक्टर एंड एन टू वेक्टर, एन वन वेक्टर और एन टू वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा इसलिए उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कैसे मिलेगा सर एन वन क्रॉस एन टू एन वन क्रॉस एन टू यानी कि आई जे के I, J, K, और फिर थ्री वन माइनस टू और टू माइनस फाइव टू माइनस फाइव और माइनस वन इसका आप क्रॉस कर लेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे कितना आया भाई क्रॉस प्रोडक्ट करके कोई बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट करके कितना आया क्रॉस प्रोडक्ट करके कितना आया जल्दी से बताओ एन वन क्रॉस एन टू एन वन क्रॉस एन टू क्रॉस प्रोडक्ट करके कितना आ रहा है सर ये आया वन और ये माइनस इलेवन माइनस इलेवन आई फिर जे के साथ माइनस फोर माइनस माइनस फोर और माइनस का थ्री माइनस का सेवन माइनस का फोर प्लस का थ्री माइनस का जे और ये गया फिफ्टीन और टू सेवेंटीन माइनस सेवेंटीन के ये आ रहा है भाई नॉर्मल वेक्टर, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखोगे सर प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे माइनस इलेवन इंटू एक्स माइनस कहाँ से पास करता है भाई वो प्लेन कहाँ से पास करता है वन टू माइनस थ्री से वन माइनस वन इंटू वाई वन टू माइनस थ्री और ये कितना था सेवन था माइनस सेवन था सेवन था? 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 था भाई सेवेंटीन सेवनटीन है भाई सेवेंटीन सेवनटीन इंटू जेड प्लस थ्री यानी कौन सी फॉर्म लगाई नॉर्मल पॉइंट फॉर्म पॉइंट लगा दिया ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन बी इंटू वाई माइनस वन वेरी गुड वेरी गुड हाँ सही आ रहा है माइनस सेवन नहीं सेवेंटीन आ रहा है यार तो ये कितना हो गया माइनस ग्यारह माइनस वाई माइनस सत्रह जेड और प्लस इलेवन प्लस इलेवन प्लस टू और माइनस फिफ्टी वन इक्वल टू जीरो तो माइनस का इलेवन एक्स माइनस का वाई माइनस का सेवनटीन जेड माइनस का थर्टी एट बराबर जीरो तो इलेवन एक्स प्लस इलेवन वाई प्लस वाई प्लस सेवनटीन जेड माइनस नहीं प्लस थर्टी एट इक्वल टू जीरो ये आ रहा है भाई आंसर हाँ सर यही आ रहा है सेवनटीन जेड है भाई 17 जेड तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया है कैलकटा कैलकटा इज द करेक्ट आंसर कितने लोगों का सही हुआ हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोगों का सही हुआ कितने लोगों का सही हुआ खुद से हाँ चलो अगला प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम बच्चा बोला बोर्ड लेवल बेटा लेवल की तो बात ही मत कर तू है ना बेटा श्रीवास्तव जी आ, कोई बात नहीं चलो <laughs> चलो आओ भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चा है बेचारा छोड़ो चलो अगला डीप द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस एंड दिस ऑन टू दिस प्लेन यानी कि ये क्या कह रहा है कि हमने परपेंडिकुलर डाला हमने परपेंडिकुलर डाला कहाँ से पी से डाला और क्यू से डाला तो आपको चाहिए उन दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी एंड क्यू उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए उनके बीच का दूरी चाहिए उनके बीच की दूरी चाहिए भाई तो जैसे मान लो एक प्लेन तो ये हो गया हाँ सर ये प्लेन है भाई हाँ हमने एक परपेंडिकुलर डाला कहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हमने P से एक परपेंडिकुलर डाला Q से ये पी पॉइंट है और वो क्यू पॉइंट है सर दिस पॉइंट इज़ पी दिस पॉइंट इज क्यू ये एफ वन ये एफ टू और हमें ये दूरी चाहिए ये दूरी है डी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कर लोगे भाई आराम से हाँ सर कर लेंगे आपने बताया ना अभी ये पॉइंट क्या है वन टू माइनस वन इसको मान लेता हूँ अल्फा अल्फा बीटा गामा अल्फा वन बीटा वन गामा वन मान लेता हूँ तो क्या लिखू अल्फा वन माइनस वन बीटा वन माइनस टू गामा वन प्लस वन है ना डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट्स माइनस वन वन माइनस वन 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 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये पॉइंट उठा के प्लेन में डाल दो फिर so, डाल दिया माइनस वन प्लस टू माइनस वन माइनस वन प्लस टू माइनस वन माइनस वन अपॉन इनका स्क्वायर का सम थ्री इसी तरह से इसके लिए लिख लो इसके लिए क्या लिखें इसके लिए लिखते हैं अल्फा टू बीटा टू गामा टू तो यहाँ लिखो अल्फा टू माइनस टू बीटा टू माइनस वन प्लस वन गामा टू माइनस थ्री अप ऑन अपॉन फिर से माइनस वन 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 और ये पॉइंट उठा के प्लेन में डाल दो तो प्लेन में डालेंगे तो माइनस ऑफ माइनस ऑफ प्लेन में डालो भाई माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री और माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री यही आ रहा है हाँ सर यही आ रहा है तो अब इस केस में अब इस केस में कितना आया अल्फा माइनस वन अपॉन माइनस वन बीटा माइनस टू अपॉन वन गामा वन प्लस वन अपॉन वन तुमने मुझे प्यार नहीं किया ना प्रयास वालों देख रहे हो तो मैं तुमसे नाराज हो गया अब मैंने कोई बात नहीं अल्फा <laughs> वन की वाली हो गई टू बाई थ्री बीटा वन की वैल्यू हो गई टू प्लस टू बाई थ्री थ्री टू सिक्स सेवन बाई थ्री और गामा वन की वैल्यू हो गई माइनस टू बाई थ्री इसका मतलब एफ वन के कोऑर्डिनेट्स आ गए टू बाई थ्री सेवन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ठीक है प्यार से बुलाओगे तो जरूर आएंगे प्यार से बुलाओगे तो जरूर आएंगे अल्फा टू माइनस टू अपॉन माइनस वन बीटा टू प्लस वन अपॉन वन गामा टू माइनस थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू वन बाई थ्री फिर से वन बाई थ्री आ रहा है ना टू वन थ्री हाँ वन बाई थ्री तो अल्फ़ा टू की वैल्यू जरा देखो कितनी हो गई सर अल्फ़ा टू हो गया माइनस वन बाई थ्री प्लस टू थ्री टू सिक्स फाइव बाई थ्री बीटा टू कितना हो गया वन बाय थ्री माइनस टू बाई थ्री और गामा टू कितना हो गया थ्री प्लस वन बाई थ्री टेन बाई थ्री ये आ गया तो यानी कि एफ टू के कॉर्डिनेट्स आ गए फाइव बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री और टेन बाई थ्री ये आ गए एफ टू के कॉर्डिनेट्स क्वेश्चन भी कर लो हां वेरी गुड वेरी गुड सर थ्री से डिवाइड कैसे आया बेटा नीचे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखो बेटा अभी बताया था थोड़ी देर पहले यहां देखो अच्छे से यहाँ देखो कहां था भाई ये बताया बेटा नीचे आता है ए स्क्यर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसलिए बेटा थ्री आया वहां पर आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा हाँ सर क्लियर हो गया के थ्री कैसे आया समझ में आ गया अब हमारे पास एफ वन एफ टू आ गया अब एफ वन एफ टू इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो यार इन दोनों के बीच की दूरी तो डी स्क्वायर बराबर होगा एफ वन एफ टू का स्क्वायर यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करना है भाई बस दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करना है फाइव बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री फाइव बाय थ्री माइनस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस नीचे और क्या है सेवन बाई थ्री माइनस माइनस टू बाई थ्री माइनस सेवन बाई थ्री का होल स्क्वायर और लास्ट आ रहा है और लास्ट आ रहा है टेन 3 थ्री माइनस टू बाई थ्री टेन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर अब अच्छे डाली करेंगे सर ये हुआ नाइन ये हुआ थ्री नाइन और यह हुआ आ, ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व ये कितना हुआ भाई टेन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन कुछ गड़बड़ कर दिए क्या जरा देखना भाई थ्री बाई थ्री ये वन आएगा यार ये तो वन आ रहा है सर हाँ सर ट्वेंटी सिक्स आ गया भाई आंसर जरा देखना डी स्क्वायर की वैल्यू ट्वेंटी सिक्स टैली करो भाई ट्वेंटी सिक्स आ रही है भाई ट्वेंटी सिक्स आ रही है हाँ सर ट्वेंटी सिक्स आ रही है ट्वेंटी सिक्स जे मेन्स ट्वेंटी नाइन उन्तीस जून को आया भाई उनतीस जून चलिए ट्वेंटी सिक्स आ गया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं हाँ अब एक क्वेश्चन ये देखो ये लाइन इस प्लेन में लाई करती दिस लाइन लाइज इन दिस प्लेन ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है फॉर सम पी एंड क्यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन यह लाइन इस प्लेन में लाई करती है जरा देखना अगर कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करे तो क्या होगा सर अगर लाइन प्लेन पे लाई करती है ये लाइन इस प्लेन में है हाँ सर तो इसके ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट इस प्लेन में होगा इस लाइन पर पॉइंट क्या है सर इस लाइन पर पॉइंट है टू माइनस वन और माइनस थ्री जी सर यह है और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन का इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा हां सर बताया था आपने और इस लाइन के पैरल वेक्टर क्या है इस लाइन के पैरल वेक्टर है थ्री आई थ्री आई माइनस टू जे माइनस के और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है भाई सर इसका नॉर्मल वेक्टर है पी आई माइनस क्यू जे प्लस के माइनस क्यू जे प्लस के यही है <coughs> बेटा मैंने भी कुछ नहीं खाया तूने भी कुछ नहीं खाया दोनों पढ़ रहे हैं मैं आई आई हूं और तू अभी आई नहीं है तुझे आई बनना है ठीक है ना तो ब्रेक का क्या करेंगे हाँ ठीक है क्या करेगा ब्रेक का तो इस केस में टू माइनस वन माइनस थ्री है और ये तो टू माइनस वन माइनस थ्री प्लेन पर लाई करेगा टू माइनस वन माइनस थ्री लाइज ऑन प्लेन प्लेन पर लाई करेगा और यह प्लेन पर लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को करेगा तो टू पी प्लस क्यू टू पी प्लस क्यू और माइनस थ्री टू फाइव यानी टू एट ये हो गई पहली इक्वेशन संभाल के रखेंगे अब आते हैं अगली इक्वेशन पर अगली इक्वेशन पर सेकेंड इक्वेशन एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर शून्य तो थ्री पी माइनस प्लस टू क्यू और माइनस वन बराबर ज़ीरो यानी थ्री पी प्लस टू क्यू इक्वल टू वन ये हो गई सेकंड इक्वेशन अब वन और टू को सॉल्व करते हैं वन और टू को सॉल्व करें तो वन इंटू टू वन को टू से मल्टीप्लाई करके सेकंड माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा सर आई हैव नेवर सीन अ टीचर लाइक यू फुल ऑफ नॉलेज विद नो एटीट्यूड कई बार लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं लेकिन आम जिंदगी में भी और वैसे भी हाँ वो एटीट्यूड लगता है तो लोग लगता है, अरे ये तो ऐसे ही है यार तो एटीट्यूड होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कई बार चार में से तीन गया बच गया पी और सोलह में से एक गया पंद्रह पी आ गया पंद्रह और क्यू कितना आया क्यूँ आया थर्टी ट्वेंटी टू क्यू आ रहा है माइनस ट्वेंटी टू जरा देखना भाई जरा मैं भूला नहीं हूं बेटा आज मेरी क्लास नहीं है प्रयास में आज मेरी क्लास प्रयास में नहीं है आज मेरी क्लास प्रयास में नहीं है बेटा आई डोंट हैव अ क्लास इन प्रयास टुडे मेरी क्लास नहीं है आज प्रयास में हाँ ठीक है ना पी फिफ्टीन और क्यू कितना आ रहा है माइनस ट्वेंटी टू ठीक है हाँ सर यानी प्लेन क्या बन गया यानी प्लेन बन गया सर फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेंटी टू वाई प्लस ट्वेंटी टू वाई और प्लस जेड इक्वल टू फाइव अब इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है ओरिजिन से तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या करते हैं वो पॉइंट उठाकर डाल देते हैं फ्रॉम जीरो 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 ओरिजिन बोले तो जीरो 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 तो सर वो आ जाएगा माइनस फाइव का मॉड क्यों जीरो 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 और ये पांच इधर आएगा माइनस फाइव का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से फाइव अपॉन फाइव अपॉन रूट फोर एट्टी फोर और टू ट्वेंटी फाइव फोर एट्टी फोर टू ट्वेंटी फाइव और वन फोर एट्टी फोर टू ट्वेंटी फाइव प्लस वन सात सौ दस आता है नीचे सात सौ दस सात सौ दस आया नीचे तो फाइव अपॉन रूट सेवन वन जीरो तो डिस्टेंस हो गया रूट सेवन वन जीरो चाहो तो इसको एक में लिख लो पच्चीस अपॉन रूट सेवन वन जीरो फाइव से काट दो फाइव वन जो फाइव ट्वेंटी फाइव फोर ट्वेंटी फाइव टूर टेन फाइव फाइव रूट वन फोर्टी टू ये आगे आ गया आंसर फाइव बाय रूट वन फोर्टी टू इज द आंसर हाँ ये आंसर आया वेरी गुड वेरी गुड चलो एक और देखते हैं लेट लेट अस अस सी सी वन मोर वन मोर ये वाला क्वेश्चन देखो आप इसके बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है वो तुम्हारे लिए छोड़ा है उसको मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा ठीक है कभी सर आपने तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया सर अभी छोड़ा नहीं है वो तेरे लिए रखा है मैंने जरा ये देखो ये क्या क्या रखा है ये लाइन और ये लाइन को प्लानर है देन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स फ्रॉम अल्फा जीरो जीरो ये दोनों लाइन्स को प्लानर हैं जी मेन छब्बीस जून दो हजार बाईस को मैंने बताया दो लाइन्स अगर को प्लानर तो पहले पर पॉइंट क्या है सर पहले पर पॉइंट है वन माइनस वन वन दूसरे पर पॉइंट है सर दूसरे पर पॉइंट है सर अल्फा वन माइनस वन जीरो अल्फा माइनस वन जीरो हाँ सर यही है और फिर P वेक्टर क्या है सर P वेक्टर है जो पहले पैरेलल ले जिसके थ्री जे माइनस के और Q वेक्टर क्या है सर Q वेक्टर है टू आई माइनस थ्री जे थ्री के टू आई माइनस थ्री के ये है तो हम क्या कह सकते हैं सर ए बी वेक्टर और P वेक्टर और Q वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट ज़ीरो हाँ सर तो अल्फ़ा माइनस वन अल्फा माइनस वन फिर दूसरा सर ज़ीरो और बी माइनस ए ए बी वैक्टर बी माइनस जीरो माइनस वन माइनस वन ये पहला कॉलम पहला रो फिर जीरो थ्री माइनस वन फिर टू माइनस थ्री ज़ीरो टू ज़ीरो माइनस थ्री टू ज़ीरो माइनस थ्री ये ज़ीरो होना चाहिए अभी बताया था अभी बताया था हाँ सर ठीक है कोटा में तो बेटा जब हम पढ़ाते हैं ना बंसल वगैरह में पढ़ाते थे, थे तो अभी भी पढ़ाते हैं खैर मतलब तो क्या सब पूरी थ्री वेक्टर से दिखाते पूरी थ्री पूरी थ्री वेक्टर में ये चली जाती है यानी हमारे लिए थ्री वेक्टर अलग अलग नहीं होते एक ही टॉपिक होता है तो चलो फिलहाल अल्फा माइनस वन इंटू अल्फ़ा माइनस वन माइनस नाइन और फिर टू प्लस टू इंटू ये गया ये गया टू इंटू थ्री टू इंटू जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो सर ये वो माइनस नाइन अल्फा प्लस का नाइन प्लस का सिक्स बराबर जीरो अल्फा बराबर फाइव बाई थ्री अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई फाइव अपॉन थ्री ये आ गई हमें इन दोनों लाइंस ये दोनों लाइंस को पैने थी अल्फा फाइव बाई थ्री आ गया बहुत प्यारा सवाल है बेटा अल्फा फाइव बाई थ्री आ गया अल्फा फाइव बाई थ्री आया जरा देख लो एक बार एक बार देख लो हट जाता हूं मैं बोर्ड पर से अल्फा फाइव बाई थ्री आ गया होगा जरा देखो हाँ सर अल्फा फ़ाइव बाई थ्री आ गया अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस ये दोनों लाइंस पैरल तो नहीं है हाँ सर पैरल तो नहीं है और को प्लानर हैं लगा दिया हमने तो ज़रा देखो अब अब जरा देखना इन दोनों कंटेन करने वाला प्लेन कैसे निकालेंगे ये और फिर ये जी सर इसके ऊपर पॉइंट है इस लाइन के ऊपर पॉइंट है क्या पॉइंट है इस लाइन के ऊपर वन माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन वन ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी अल्फा के आगे फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री कॉमा फाइव बाई थ्री कॉमा ज़ीरो कॉमा जीरो फाइव बाई थ्री कॉमा जीरो कौन जीरो आ रहा है ना भाई

अब मुझे प्लेन चाहिए जो इन दोनों कंटेन करता हो अब मुझे प्लेन चाहिए जो इन दोनों को कंटेन करता हो तो देखो बेटा इन दोनों कंटेन करने वाला प्लेन कैसे मिलेगा मैंने बताया जब भी आपको प्लेन की क्वेश्चन चाहिए उसके ऊपर एक आर्बिटरी पॉइंट मान लो मान लिया सर इसको क्या मान लें आर तो अगर मैं ए आर ए आर और पी और क्यू कैसे हैं को प्लानर ए आर पी क्यू का बॉक्स जीरो होगा हाँ सर तो वैल्यू क्या आ जाएगी सर यह आ जाएगा एक्स माइनस वन क्योंकि इसको क्या मान लेंगे आर को सर तो ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ठीक है तो एक्स माइनस वन वाई माइन वाई प्लस वन जेड माइनस वन और नीचे पी ज़ीरो थ्री माइनस वन और यहाँ टू ज़ीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो यही आ रहा है जरा देखो यही आ रहा है जरा देखो यही आ रहा है कुछ और आ रहा है भाई यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है टू जीरो माइनस थ्री जीरो थ्री माइनस वन और ये ठीक है प्लेन क्या आ गया भाई जरा बताना प्लेन क्या गया? <प्हाँगा> आ गया हाँ प्लेन क्या आ गया प्लेन आ जाएगा प्लेन सर प्लेन आ गया इसके अला खोल लेते हैं एक्स माइनस वन इंटू नाइन माइनस नाइन फिर माइनस नाइन इंटू एक्स माइनस वन बेसिकली माइनस नाइन इंटू एक्स माइनस वन फिर टू इंटू प्लस टू इंटू माइनस वाई माइनस वन और माइनस थ्री जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो प्लेन आ गया माइनस का नाइन एक्स माइनस का टू वाई और माइनस का सिक्स जेड और साथ में आया प्लस का नाइन और ये थ्री और वन टू थ्री और वन टू प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो नाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स जेड माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो ये प्लेन आ गया भाई सो दैट इज द रिक्वायर्ड प्लेन तो आपने देखा हमने कैसे वो प्लेन फाइंड आउट किया बहुत आराम से किसका यूज करके बॉक्स प्रोडक्ट का सर तो आपने हमें सिर्फ एक एक्स, सिलेक्शन एक्सप्रेस में इतना अच्छा पढ़ाया है कि उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो वैसे ये शब्द ऑनलाइन में कमी सुनने को मिलता है लोगों से लोगों के मुंह से लोगों के मुंह से सिर्फ डिमांड्स दिखती हैं थैंक यू सुनने को बहुत कम मिलता है लोग थैंक अनथैंकफुल होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अनथैंकफुल अब इस केस में हमें क्या चाहिए अल्फा जीरो जीरो से इसका डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम अल्फा जीरो जीरो अल्फा कितना था फाइव बाई थ्री तो डिस्टेंस फ्रॉम फाइव बाई थ्री कॉमा जीरो जीरो डिस्टेंस फ्रॉम फाइव बाई थ्री कॉमा जीरो जीरो तो क्या मिलेगा डिस्टेंस देखो भाई डिस्टेंस कैसे मिलेगा इसमें फाइव बाई थ्री कॉमा जीरो जीरो रखो तो फोर्टी फाइव बाई थ्री फोर्टी फाइव बाई थ्री और जीरो 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 रखा तो ये जीरो माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन अपॉन रूट ऑफ नाइन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर ये हो गया डिस्टेंस तो ये हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व फिफ्टीन माइनस टू अपॉन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और एट्टी वन और फोर एट्टी वन और फोर्टी वन ट्वेंटी वन इलेवन आ गया टू अपॉन इलेवन मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है अपन इलेवन जे मेन्स दो हजार बाईस छब्बीस जून दो बटे ग्यारह नाइन बाई इलेवन टू गया जी सर अब ये क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे के टीके? ये आप खुद ट्राई करेंगे ये आज का के टीके वन है बेटा और आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी मुझे बताएंगे ठीक है आई लुक एट योर आंसर्स मेरे ख्याल से इसका आंसर तुम बताना मैं अभी नहीं बता रहा ठीक है बहुत अच्छा सवाल है क्यूँ मिरर इमेज है इस प्लेन में और टी एक प्लेन है जो इस लाइन को कंटेन करता है देन विच आर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन टी इनमें से कौन सा पॉइंट टी पर लाई करेगा हाँ कहीं बच्चे तो आंसर ही दे अच्छा रहे हैं एकदम ही कर कर आके बैठे बहुत अच्छी बात है करके भी रहना चाहिए बैठाना चाहिए अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट तीन पॉइंट से गुजरते हुए प्लेन की इक्वेशन तीन पॉइंट से गुजरते हुए प्लेन की इक्वेशन अगर चाहिए तीन पॉइंट से के का मतलब है खुद ट्राई करो कहीं बच्चे पूछे के का मतलब क्या है खुद ट्राई करो तो खुद ट्राई करने के लिए वो प्रॉब्लम दिया है मैंने आपको ठीक है चलिए हा सर मैं हिंदी मीडियम से 12 साल हिंदी पढ़ने के बाद इंग्लिश समझ नहीं आती आप जैसे फैकल्टी पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ हिंदी पढ़ाते नहीं हैं। तो क्यों कि आप सिर्फ हिंदी हिंदी को लैंग्वेज मानते हैं नहीं बेटा हिंदी को लैंग्वेज है। हिंदी हमारी मातृभाषा है बेटा पूरी की पूरी हाँ चलो हम आगे बढ़ते हैं हिंदी मातृभाषा है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन तीन तीन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन की क्वेश्चन चाहिए तीन पॉइंट से तो जरा देखना क्या करेंगे सर तीन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की क्वेश्चन चाहिए एक पॉइंट है ए यह पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी ये ए ये बी और ये सी और मैं बता रहा हूं ये इक्वेशन कैसे लिखी है नीचे जो लिखी है बस क्या करना है सर आपने बताया था इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो आर ए आर वेक्टर हाँ सर ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर ए आर ए बी और ए सी सबके सब को प्लानर होंगे ए आर ए बी ए सी ये तीनों वैक्टर कैसे हैं को प्लानर ये को प्लानर तो इनका बॉक्स जीरो हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो ए आर ए बी ए सी का बॉक्स जीरो कर दो बस ए आर वैक्टर क्या होगा आर को क्या मानोगे सर तो आर को मानेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो क्या हो गया एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन सेन ए बी क्या हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस बिल्कुल सही बिल्कुल सही एस टी पी को जीरो रखो आ गया प्लेन का इक्वेशन फिर एक अगला प्लेन है इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या है मान लो ये है प्लेन है अब ये प्लेन में देखो ये प्लेन ट्राइंगुलर नहीं है ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं है, है। है। नहीं नहीं है, एक बहुत बड़ी शीट शीट थी और वो शीट फैली हुई है, लेकिन उस शीट में चादर में चादर फिर वाई एक्स निकल रही है कहां कट करती ये एक्स एक्सिस एक्स वाई जेड वैसे तो कायदे में तो ये होना चाहिए ए जीरो जीरो ए ज़ीरो ज़ीरो और वो जीरो बी ज़ीरो ठीक है यार ये डागराम छोड़ा डायग्राम ये डायग्राम ही छोड़ देते हैं ये डायग्राम ही बर्बाद बना दिए हैं इन्होंने छोड़ा ये डायग्राम दूसरा डायग्राम बनाते हैं वरना प्यारा सा हाँ चलो लेट अस ड्रॉ अवर ओन डायग्राम क्या है कि ये हमारी जेड एक्सिस ये वाई एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस ठीक है हाँ सर और यहां पर हमारे पास एक प्लेन है जो इस पे येरा प्लेन ये ये और ये वी हैव दिस प्लेन दिस प्लेन हैज एन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए जीरो 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 बी जीरो और जीरो जीरो सी ये जेड एक्सिस ये एक्स और ये वाई और हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो ध्यान रखें इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट जैसे इंटरसेप्ट लाइन में पढ़ा था ना एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन इसी तरह से यहां पर क्या है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू वन और ये ए बी सी क्या है एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट अच्छा क्या मुझे नॉर्मल वेक्टर दिख सकते हो उसका एक्स वाई जेड इंटरसेप्टल वैक्टर क्या होगा सर वन बाय ए आई वन बाय बी जे प्लस वन बाय सी के क्योंकि नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो हमेशा एक्स वाई और जेड का कोफिशेंट से बना होता है ये ध्यान रखें यह ध्यान रखें सब लोग आई होप ये क्लियर हुआ ये बात क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई यस सर चलिए तो अब इस केस में ये इंटरसेप्ट्स आ गए ये नॉर्मल वेक्टर आ गया हाँ सर ठीक है तो so, ये ध्यान रखेंगे आइए वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल का वेक्टर एरिया इस ट्राइंगल का एरिया देखें ए बी सी का मान लो ये है ए ये बी और ये सी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सर ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी का मॉड हमने पढ़ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी वैक्टर क्या होगा सर ए बी वैक्टर होगा आई जे के ए बी वैक्टर होगा सर माइनस ए बी जीरो और ए सी वैक्टर क्या होगा सर ए सी वैक्टर होगा माइनस ए ज़ीरो सी ओपन कर लो भाई इसको आई के साथ क्या आ जाएगा सर हाफ और इसका मॉड इसका मॉड भी लेना है हाफ इंटू मॉड ऑफ ये गया ये गया बी सी आई बी सी आई और जे के साथ आएगा प्लस ए सी जे और प्लस ये गया ये गया प्लस ए बी के ए बी के कैप ए बी के कैप तो अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया क्या आ गया एरिया ऑफ ए बी सी सर एरिया ऑफ ए बी सी आ गया हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सो दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी का हाफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक है ना? हाँ चलो हो गया भाई अर्चित हो गया तुमने सबको बता दिया हो गया बेटा बस अब इसके बाद लाइव क्लास है भाई अगली ठीक है ना हाँ मैराथन क्लास होगी मैराथन तो मैं भी आता तुम्हारे पास लेकिन यार मेरे में अब खड़े होने की भी शक्ति बची नहीं है बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ खत्म समझ में आ रहा ना भाई ये सब हाँ हेलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं ये क्लियर हुआ हाँ सर ये क्लियर हो गया डेल्टा ए बी सी ये होता है यहाँ एक चीज़ और बता दूँ यहाँ एक चीज़ और बता दूँ हाफ जो डेल्टा ए बी सी है अगर मैं इस हाफ़ को अंदर भेज दूँ तो ये हाफ अंदर जाकर बनेगा वन बाई फोर तो वन बाई टू ए बी का स्क्वायर वन बाई टू बी सी का स्क्वायर और वन बाई टू सी ए का स्क्वायर आ जाएगा हाँ सर अब जरा ध्यान से देखना ये डायग्राम इस डायग्राम को देखोगे तो ये ओ है बेटा ये एंगल है नाइन्टी डिग्री दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री दिस इज नाइन्टी डिग्री दिस इज ऑल्सो नाइन्टी डिग्री हाफ ए बी जो होगा हाफ इंटू बेस ये डिस्टेंस है ए इंटू हाइट ये बी और ये सी हाफ ए बी होगा इस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया हाफ ए बी इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ ए बी दिस ट्राइंगल विल बी हाफ ए बी यानी कि और इस ट्राइंगल होगा हाफ बी सी और ये होगा हाफ ए सी यानी हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ ट्राइंगल का एरिया ए ओ बी का स्क्वायर डेल्टा बी ओ सी का स्क्वायर डेल्टा एओ सी का स्क्वायर यानी कहने का मतलब है अगर आपको ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए ये ट्राइंगल का तो जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर दोनों तीनों ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये है, एक ये और एक ये, कौन कौन सा एओबी एसी और बी इन तीनों के एरियाज़ को निकाल कर इन तीनों के एरियाज़ को निकाल के स्क्वायर करके रूट लगा दो स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा दो तो तुम्हें किसका एरिया मिल जाएगा तुम्हें एरिया मिल जाएगा इसका तुम्हें इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा ए बी सी का एरिया आई होप ये क्लियर हुआ जी सर ये भी क्लियर हो गया ठीक है हाँ सर तो अब इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं हाँ सर ये तो आपने बता ही दिया है तो इसको हटा देते हैं लेट मी रिमूव दिस चलो भाई हाँ अब आगे आते हैं अब आगे आते हैं इफ़ फ्रॉम पॉइंट पी एफ जी एच परपेंडिकुलर पी एल पी एम आर ड्रॉन ऑन वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन ऑन वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन वो कह रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाले कोई पॉइंट है पी तो पी से क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉप किए किस पर वाई जेड और जेड एक्स प्लेन पर वाई एक्स और जेड एक्स प्लेन पर ये पॉइंट है पी इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस प्लेन पर और इस प्लेन पर ये क्या है ये एक्स ये वाई और ये जेड ये पॉइंट है एफ जी एच इसे परपेंडिकुलर डाले पी एल वाई जेड प्लेन पर और पी एम यहां पर वो कह रहा है ओ एल एम जो प्लेन होगा जो ओ से जाएगा एल से जाएगा एम से जाएगा उस प्लेन का इक्वेशन बताओ उस प्लेन का इक्वेशन बताओ क्या छूट गया भाई क्या छूट गया बताओ हम्म सर डिवाइड वन बाय रूट टू दीपा गैरी डिवाइड बाय वन बाय रूट टू छूट गया कहां छूट गया भाई दीपा जी नहीं छूटा डिवाइड बाय वन बाय रूट टू तो सही तो है वन बाय टू ये रहा कहीं नहीं छूटा वन बाय रूट टू से डिवाइड करना बेटा आप यहाँ सोच रहे होंगे वन बाई टू अंदर गया तो वन बाय फोर बन गया ठीक है ना? हाँ चलो ये बच्ची बोल रही है कि सर यहाँ छूट गया है बेटा छूटा कुछ नहीं है छूटा कुछ नहीं है छूटा कुछ नहीं है, है। चलिए आइए तो हमें कौन सा ट्राइंगल का एर, हमें क्या करना है हमें प्लेन बताना है प्लेन यानी कि कौन सा प्लेन जो ओ से जाए एल से जाए और यहाँ ये वाला प्लेन बताना है हमें यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए भाई ये वाला जो ओ से जाएगा एम से जाएगा और यहाँ से जाएगा ये वाला प्लेन चाहिए हमें ओ एल एम तो ठीक है कोई मुझे एल के कॉर्डिनेट्स बताएगा एल के कॉर्डिनेट्स एल के कॉर्डिनेट्स बोलो और एम के कॉर्डिनेट्स बोलो सर एम के कॉर्डिनेट्स आएंगे वह एक्स जेड प्लेन पर आपने बताया था जो अक्षर मिसिंग हो वो जीरो आता है जो अक्षर मिसिंग हो वो जीरो आता है तो कितना आ जाएगा F एक्स जेड प्लेन एफ जीरो और जेड वाई प्लेन पर जीरो जी एच तो अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो तीन पॉइंट हो गए जहां से प्लेन पास होता है हाँ सर तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन फिर एक्स माइनस एक्स टू एफ माइनस जीरो जीरो एच माइनस ज़ीरो और फिर इधर ज़ीरो जी माइनस ज़ीरो और एच माइनस ज़ीरो बराबर ज़ीरो यानी इक्वेशन आ गई आ, इसके along एक्सपेंड कर देते हैं एक्स के साथ में क्या आ गया एक्स के साथ आ गया एच एक्स के साथ क्या आया एच आया भाई ज़रा देखना एक बार एक्स के साथ आया जी एच माइनस जी एच ये गया ये गया दिस दिस हाँ सर और एफ के साथ क्या आया एफ के साथ एफ के साथ आया माइनस एफ माइनस एफ इंटू कितना ये गया ये गया एच वाई एच वाई और एच वाई ये गया और ये गया एच वाई माइनस जी जरा देखना भाई यही आ रहा है क्या हाँ सर यही आ रहा है तो कितना आया भाई सर ये आ गया x माइनस एक्स अपॉन एक्स जी एफ माइनस एक्स जी एच प्लस लगा दूँ हाँ सर प्लस एफ एच वाई माइनस एफ जी जेड इक्वल टू ज़ीरो एफ जी एस से डिवाइड कर दो तो एक्स बाय एफ वाई बाय जी माइनस जेड बाय एच इक्वल टू ज़ीरो ये आ रहा है क्या भाई ज़रा देखना एक बार, एक, बार एक बार चेक कर लो 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 भाई हाँ जल्दी से बताओ यही आ रहा है आंसर हाँ सर देख लो एक बार एक बार देख लो यस आकर ही आ रहा है सबका बॉम्बे भी आ रहा क्या भाई कहीं होगा एक्स जीरो ज़ीरो एक्स वाई जेड एफ ज़ीरो ज़ीरो माइनस एफ इन टू प्लस माइनस माइनस एफ इंटू वाई एच जी जेड माइनस जी जेड ये गया और ये गया तो एफ एच माइनस जी जेड यही आ रहा है भाई यही आंसर आ रहा है हाँ यही ही आ रहा है माइनस वाई होगा माइनस वाई कैसे हो जाएगा दिस गोज दिस एफ एच हाँ ये भी तो माइनस में ये प्लस हो जाएगा ना यार मैंने माइनस हटा दिया यही आ रहा है भाई एक बार देख लो एक बार देख लीजिए एक बार देख लीजिए यही आंसर आ रहा है या नहीं जल्दी देख लो भाई यही आंसर है कुछ और है एक बार देख लो सब लोग माइनस वाई होगा कहा होगा भाई माइनस वाई प्लस प्लस ये प्लस में आया ये माइनस माइनस और ये प्लस बेटा माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया तो ये प्लस आ गया ये माइनस एफ जी एच आ रहा है यही आ रहा है यहाँ तक तो यही आ रहा है एन वेक्टर कैसे लिखा है एन वेक्टर कहाँ लिखा हाँ ठीक है यही आ रहा है एक बार चेक कर लो भाई एक मिनट रुको भाई थोड़ा पानी पी लें हम हम चलो एक प्रॉब्लम और देख लीजिए यह एक और प्रॉब्लम एक्स वाई जेड भी बहुत बढ़िया सवाल है जेई मेंस मार्च में आया 2021 में जेई मेंस मार्च में आया 2021 में तो इस केस में थ्री प्लस एक्स माइनस वन इलेवन देखो एक प्लेन है जो कहाँ से पास हो रहा है एक प्लेन है जो एक्स फोर्टी टू जीरो जीरो से और जीरो फोर्टी टू जीरो से वाई अपॉन फोर्टी टू ये उसके एक्स इंटरसेप्ट हो गया ए जीरो जीरो बी जीरो और जेड अपॉन फोर्टी टू इक्वल टू वन ये प्लेन बन गया, बन गया X plus y plus Z बराबर 42. अब वो कह रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ बेसिक मैथ विद वेक्टर थ्री डी का मस्त कॉम्बिनेशन है ये बेसिक मैथ विद वेक्टर थ्री डी का मस्त कॉम्बिनेशन है हाथ ठीक है तो क्या करेंगे तो यहां पर इस केस में क्या होगा इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस इलेवन वाई माइनस हर जगह दिख रहा है नाइनटीन और जेड माइनस थर्टी टू और यही काम दूसरी तरफ कर दो फोर्टी टू माइनस इलेवन माइनस नाइनटीन माइनस थर्टी टू मैंने क्या किया दोनों तरफ ये कर दिया हाँ सर इलेवन नाइनटीन थर्टी टू और ये कितना हुआ 11 नाइनटीन 12 ट्वेल्व है जेड माइनस ट्वेल्व है यार जेड माइनस ट्वेल्व तो यहाँ माइनस ट्वेल्व तो जरा देखो ये कितना हुआ 30 और 12, 42, जीरो आ गया हाँ सर अब मैं इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को ए मान लेता हूँ इसको बी और इसको सी तो जो एक्सप्रेशन गिवन है जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है थ्री प्लस जरा देखो ऊपर क्या लिखा है सर तो ऊपर लिखा है ए ए कैपिटल ए नीचे लिखा है बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर जेड माइनस नाइनटीन होना चाहिए था वाई माइनस नाइनटीन भाई वाई वहाँ मिसिंग है यहाँ होगा वाई माइनस नाइनटीन वाई माइनस नाइनटीन बी अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो तो है फोर्टी टू अपॉन फोर्टीन ए बी सी फोर्टीन ए बी सी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए हमें एक चीज याद रखो यहाँ से हमें समझ में आता है ए प्लस बी प्लस सी जीरो है इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा थ्री ए बी सी ये बराबर होगा कितना थ्री ए बी सी के दिस विल इक्वल टू थ्री ए बी सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बीवल टू थ्री ए बी सी यस वेरी गुड तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लें इन तीनों का तो यहां नीचे एल आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ऊपर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री अपॉन ए बी सी ये है इधर तो फोर्टीन थ्री ता फोर्टी टू अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हुआ सर थ्री ए बी सी तो थ्री प्लस थ्री ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए बी सी ये और ये फिर गया तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई सर तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई थ्री एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई थ्री आ गई सो द वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी थ्री तीन आ गया भाई आंसर तो देखो क्या मस्त कॉम्बिनेशन किया है जेई जयंस ने अब जरा देखो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है कई बार हमें यह कह दिया जाता है कि एक प्लेन ए पॉइंट से पास होता है एंड उस पी और क्यू दो को प्लानर वैक्टर्स हैं उसी प्लेन में दो वैक्टर्स हैं और हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो ये प्लेन बिल्कुल अलग तरीके का दिखाई देता है ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है कैसे इस प्लेन की इक्वेशन तो जरा देखो हमने एक पॉइंट ले लिया इसके ऊपर आर्बिटरी आर आर पॉइंट ले लिया हाँ सर आपने बताया था जब भी किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो किसी भी कर्व की उसके ऊपर एक आर्बिटरी पॉइंट ले लो आर और उस आर के लिए एक रिलेशन लिखो तो जरा देखो हम कह सकते हैं आर माइनस ए आर वेक्टर हाँ सर कॉमा पी वेक्टर कॉमा क्यू वेक्टर आर को ये कैसे वेक्टर है नॉन कोलिनियर ये कैसे वेक्टर्स हैं ये दोनों वेक्टर्स नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इन प्लेन या पैरेलल टू प्लेन पैरेलल टू प्लेन या तो इन प्लेन या पैरेलल टू प्लेन क्यों अगर पैरेलल टू प्लेन हुए तो उठा के प्लेन में रख दो अगर प्लेन के कोई चीज पैरेलल है वेक्टर पैरेलल है तो वो उस प्लेन में आ सकती है ठीक है ना तो या तो इन प्लेन कह दो या पैरेलल टू प्लेन कह दो तो ये दोनर है और हम जानते हैं हमने यह पढ़ा है कि अगर तीन वेक्टर्स को प्लैनर हो तो किसी एक को बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो ए आर को लिख सकते हैं टाइम्स प्लस म्यू टाइम्स क्यू यानी आर माइनस ए ज इक्वल टू लैमडा पी प्लस म्यू क्यू तो प्लेन ऐसा भी दिखाई दे सकता कई बार आई आई टी ऐसा भी लिख के दे सकता है प्लेन को तो वहां ये मत सोचना ये क्या लिखा है बाबू जी हाँ टू ए प्लस लैमडा पी प्लस म्यू क्यू यह भी प्लेन की इक्वेशन है और जब प्लेन इस फॉर्म में दिया हो तो हम बोलते हैं किस फॉर्म में दिया है पैरा फॉर्म में दिया है किस फॉर्म में दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है और जब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्टेजियन फॉर्म में वो देख लो पैरामेट्रिक टू कार्टेजियन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक टू स्केलर डॉट स्केलर डॉट फॉर्म कह दो या फिर कार्टेजियन फॉर्म कह दो टू कार्टेजियन फॉर्म कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट तो ध्यान रखना कैसे कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन ये कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ पैरामेट्रिक टू कन्वर्जन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म टू कार्टेजियन फॉर्म कैसे करेंगे देखो आर इज इक्वल टू कितना है ए प्लस लैमडा टाइम्स पी प्लस म्यू टाइम्स क्यू तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसके साथ पी क्रॉस क्यू के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद पी क्रॉस क्यू ऑन बोथ साइड्स पी क्रॉस क्यू ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर P क्रॉस Q से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ये डॉट कर दो डॉट डॉट मल्टीप्लाई डॉट डॉट विद बेटर रहेगा क्यों फिर ये गायब हो जाएंगे ना डॉट विद p क्रॉस ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा आर डॉट P क्रॉस Q? हाँ सर इज इक्वल टू ए डॉट P क्रॉस Q, जी सर ए डॉट P क्रॉस Q प्लस जीरो प्लस जीरो क्योंकि P क्रॉस Q इज परपेंडिकुलर टू p क्रॉस क्यू इस परपेंडिगुलर टू क्यू एज वेल तो ये जीरो हो जाएगा तो ये हो गया आर डॉट पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू ए डॉट पी क्रॉस क्यू ये हो गया अब आर की जगह क्या रख दोगे एक्स आई वाई जे जेड के काटी देने बदल जाएगा अब क्या करो नाव अब क्या करेंगे नाव रिप्लेस नाउ रिप्लेस आर बाय क्स आई वाई जे जेड के काम खत्म इससे रिप्लेस कर दो आठे दिन बदल जाएगा तुरंत हाँ तो अब जरा देखो यह प्रॉब्लम ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी है प्लेन की इसके स्केलर डॉट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करें सर यह है है पी यह है है क्यू तो पी डॉट क्यू से पी क्रॉस क्यू निकाल लो पहले तो पी क्रॉस क्यू क्या होगा सर i जे वन 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 माइनस टू थ्री कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा आई के साथ थ्री प्लस टू फाइव और माइनस जे ये गया थ्री माइनस वन टू और प्लस के 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 साथ आया माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री तो ये हो गया फाइव आई माइनस टू जे माइनस थ्री के तो जब इसे क्रॉस कर डॉट कर दो दोनों साइड तो आर डॉट फाइव आई माइनस टू जे माइनस थ्री के डॉट क्या किया डॉट विद पी क्रॉस क्यू ऑन बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर पी क्रॉस क्यू से डॉट कर दिया ठीक है ना तो आर डॉट दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यार कितना आ जाएगा जरा देखो ये आ जाएगा उधर कितना i माइनस जे माइनस के डॉट फाइव आई माइनस टू जे माइनस थ्री के तो r डॉट फाइव आई माइनस टू जे माइनस थ्री के इज इक्वल टू फाइव प्लस टू प्लस थ्री फाइव प्लस टू प्लस थ्री यही आ रहा है यार फाइव माइनस टू माइनस थ्री टेन आ रहा है मेरे हिसाब से तो अबे सेम सेवन आ रहा है ना उधर कुछ गड़बड़ कर दिया पी क्रॉस की चेक करोगे ज़रा पी क्रॉस क्यू वन वन टू वन माइनस टू थ्री ये गया ये गया थ्री प्लस टू फाइव जे के साथ आया थ्री माइनस वन टू के के साथ आया माइनस टू माइनस वन थ्री सही है और यहाँ है अरे आई माइनस जे के साथ है भैया उधर आई माइनस जे है भाई सॉरी ऑन बोथ साइड्स आई माइनस जे क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा ना ये भी जीरो ये भी जीरो आई माइनस जे जो डॉट फाइव आई माइनस टू जे माइनस थ्री के कितना हुआ बेटा ये करिएगा फाइव प्लस टू सेवन तो फाइव माइनस टू माइनस थ्री सेवन ये आ गया कैलकटा आंसर कैलकटा आंसर आ रहा है भाई हाँ माइनस के होगा कैलकटा आंसर आ रहा है कैलकटा हाँ कैलकटा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन अब जरा आ जाओ फैमिली ऑफ प्लेन्स पर फैमिली ऑफ प्लेन्स पर अब फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या बला है ज़रा वो भी देख लो फैमिली ऑफ प्लेन्स जब बात करते हैं फैमिली की तो फैमिली का मतलब क्या होगा बहुत सारे प्लेन होंगे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो यहां भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे और इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक चीज़ याद रखो जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं वो एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं जैसे कि अगर आप अपने कमरे का कोना देखो कमरे के कोने में आप देखो वहां दो दीवारें मिल रही हैं एक पूरी लकीर बनी है साइड में और वहां दो दीवारें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी तो यानी टू प्लेन्स प्लेन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट इन दो हमेशा इंटरसेक्ट लाइन। दो हमेशा सकते हैं खूबसूरत एग्जाम्पल होगा तुम्हारी नोटबुक जिसमें शायद तुम लिख रहे होंगे अगर नोटबुक देखो या कॉपी देखो जिसमें तुम लिख रहे हो ऊपर हार्ड गत्ता जिसे कहते हैं वो है या ऊपर कुछ गत्ता होगा लेटेडेड कुछ पेज होगा नीचे भी होगा ये तो हो गया पी वन पी टू और बीच में जितने भी पेज घुसे पड़े हैं बीच में जितने भी पेज हैं वो सबके सब के क्या हैं उस फैमिली के मेंबर्स हैं दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली वो उस फैमिली के मेंबर्स हैं तो उन पन, वो जितने भी पन्ने बीच में हैं दोनों सबके दोनों कॉपी के हार्ड बाउंड्स के बीच में वो सबके सब क्या हैं वो सबके सब, सब फैमिली के मेंबर्स हैं तो पी लामडा तो P लैमडा कैसे मिलता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ऑप्टेड एज P1 वन प्लस लैमडा पी टू बराबर जीरो यानी पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस दूसरे प्लेन की इक्वेशन बराबर जीरो ऐसा अगर आपने देखा हो लाइंस में भी होता है L1 वन प्लस लैमडा एल टू बराबर जीरो एल वन प्लस लैमडा एल टू बराबर जीरोस एल वन प्लस एल टू एल वन प्लस एल टू बराबर जीरो इसी तरह से पी वन प्लस पी टू बराबर जीरो थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस और ये जो लाइन है यह वाली जो लाइन है कौन से वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं ये वाली जो लाइन है जिस पर ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कहलाती है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या कहलाती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो पी लैमडा क्या है प्लेन कंटेनिंग प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन कंटेनिंग कंटेनिंग या फिर कई बार कहते हैं पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी वन लाइन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एंड पी टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एंड पी टू ऑफ पी वन एंड पी टू इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला या इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला प्लेन कैसे मिलता है पी वन प्लस लैमडा पी टू हाँ लिख रहे ना कॉपी में ठीक है वेरी गुड तो यहां पर हाँ तो यहां ये यह क्लियर हो गया बिल्कुल सर अगर मान लो पी वन का नॉर्मल वैक्टर है इफ एन वन इज नॉर्मल वैक्टर

टू में भी है हाँ सर कमरे कोना देखो कमरे कोने में जो लाइन है वो इस दीवार में भी होगी और साथ वाली दीवार में भी होगी दोनों दीवारों में होगी बिल्कुल सर तो अगर कोई लाइन किसी प्लेन में होती है अगर कोई लाइन किसी प्लेन में होती है तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उस प्लेन का नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होगा हाँ सर ये 90 डिग्री होगा हाँ सर ये 90 डिग्री होगा हाँ और ये लाइन दूसरे प्लेन में भी है तो उसका प्लेन का नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर होगा तो एन वन इज द नॉर्मल टू दिस एन टू इज नॉर्मल ऑफ पी टू इंप्लाइज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर टू एन वन एंड एन टू दोनों के परपेंडिकुलर होगा एन वन और एन टू दोनों के परपेंडिकुलर होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ एन वन और एन टू एन वन और एन टू दोनों के परपेंडिकुलर होगा देय फोर आई कैन से वेक्टर पैरल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वेक्टर पैरल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटर सेक्शन कैसे मिलेगा सर इट विल बी इक्वल टू एन वन क्रॉस एन टू एन वन और एन टू का क्रॉस कर लो बस आप एन वन और एन टू का क्रॉस तो जब आप एन वन क्रॉस एन टू करोगे क्यों क्योंकि एन वन क्रॉस एन टू से भी हमें ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है और लाइन भी दोनों के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो ध्यान रखें क्या होगा सर वो होगा एन वन क्रॉस एन टू तो दो बातें बताई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कंटेन करने वाला प्लेन कैसे मिलेगा पी वन प्लस पी टू करके मिलेगा और दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला प्लेन पी वन क्रॉस पी टू पी वन प्लस लैमडा पी टू और दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर कैसे मिलेगा एन वन क्रॉस एन टू से कैसे मिलेगा एन वन क्रॉस एन टू से एन वन क्रॉस एन टू से ठीक है ना हाँ सर क्लियर है तो अब ये आता है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन अब जरा समझना अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है कई बार लाइन की वैसे नहीं दे रखी होती जैसी अभी हमने पढ़ी आर इज इक्वल टू ए प्लस टू ए प्लस बी वन या फिर अपॉन c तो उस केस में कई बार लाइन उस तरह से ना देकर दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन के फॉर्म में दे रखी होती है यानी कई बार क्या कहता है कंसिडर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स p1 एंड p2 तो वो एक यूनिक लाइन होगी जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी हाँ तो जब भी लाइन दो प्लेन के इंटरसेक्शन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के फॉर्म में दे रखी हो जब भी कोई लाइन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की फॉर्म में दे रखी हो तो हम कहते हैं लाइन किस फॉर्म में दी है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में किस फॉर्म में अनसिमेट्रिकल फॉर्म में यानी यह प्लेन और यह प्लेन ये दोनों मिलकर क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म तो कई बार ऐसे लिखते हैं जरा ध्यान रखना लाइन कई बार ऐसे लिखते हैं ए वन एक्स प्लस डी वनवल टू जीरो प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बराबर जीरो लाइन ऐसे लिखते हैं कई बार कई बार लाइन ऐसे लिखते हैं ठीक है ना कई बार तो ऐसे लिखते हैं और कई बार यानी कभी भी ऐसा लिखा तो वहां ये मैं सोचा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है सर ये भी एक प्लेन लिखा ये भी प्लेन लिखा वहां तो लाइन लिखा था अबे वहां जब बीच में एंड लिखा है तो उसका मतलब है ऐसे एक्स वाई और जेड चाहिए जो इसको भी सैटिस्फाई करें और इसको भी सैटिस्फाई करें दोनों को सेटिस्फाई करने वाले जो भी एक्स वाई जेड होंगे वो दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर ही लाई करेंगे यानी जब भी जब भी ऐसे लिखा हो तो समझ जाए एक लाइन दे रखी है कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है लाइन जरा देखना प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन बराबर सी टू जेड प्लस डी टू ऐसे भी लिखा हो सकता है यह भी लाइन की ही इक्वेशन है यह लाइन किस फॉर्म में दे रखी है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में किस फॉर्म में दे रखी है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में अनसिमेट्रिकल अन फॉर्म में ले रखी है ठीक है ना बेटा ये दोनों अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन है ऐसे भी लिखी हो सकती है ऐसे भी लिखी हो सकती है और हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं हम किस लाइन की बात कर रहे हैं इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम प्लेन की नहीं अब की बार किसकी बात कर रहे हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जरा देखो ये प्लेन मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन है पी वन और एक प्लेन है पी टू ये प्लेन पी वन ये प्लेन पी टू और हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों हम चर्चा किसकी कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं इस लाइन की वी आर टॉकिंग ऑफ दिस लाइन हम इस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं ये लाइन एल है ये लाइन है एल ये प्लेन है पी वन और ये प्लेन है पी टू तो ये लाइन कैसे मिलेगी इस लाइन के पैरल देखो लाइन की क्वेश्चन फाइंड करने के लिए दो चीज चाहिए एक तो पॉइंट एक तो पॉइंट एक तो पॉइंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए दूसरा वो वेक्टर चाहिए जो इस लाइन के पैरल हो एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जो इस लाइन के पैरल हो पैरल वेक्टर वेक्टर पैरल टू एल वेक्टर पैरल टू एल वो तो हो जाएगा एन वन क्रॉस एन टू एन वन क्रॉस एन टू एन वन क्या होगा एन वन क्या होगा एन वन होगा एन N1 वन क्या होगा एन टू होगा. क्या होगा ए टू आई बी टू जे और सी टू के तो वेक्टर पैरेलल टू एल तो एन वन क्रॉस एन टू वेक्टर मिल गया पैरेलल और दूसरा क्या दूसरा हमें चाहिए दूसरा हमें चाहिए एक पॉइंट जो इस लाइन पर सिचुएटेड हो जो इस लाइन पर सिचुएटेड हो एक ऐसा पॉइंट चाहिए तो क्या करो फॉर पॉइंट फॉर पॉइंट के लिए क्या करें यानी अनसिमेट्रिकल टू सिमेट्रिकल फॉर्म कन्वर्ट करना बता रहा हूं अनसिमेट्रिकल टू सिमेट्रिकल फॉर्म मानो दोनों क्रॉस किया और तुम्हारे पास आ गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर पॉइंट पुट जेड इक्वल टू जीरो किसी एक वेरिएबल को जीरो रख लो इन बोथ इन बोथ प्लेन्स दोनों प्लेन्स में z को जीरो रख लो z इक्वल टू जीरो या फिर एक्स को जीरो रख लो या फिर वाई को जीरो रख लो दोनों प्लेन्स में z को जीरो रखकर सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई मतलब क्या किया हमने पहले प्लेन को पहले प्लेन में क्या किया Z को जीरो रख दिया तो पहली इक्वेशन क्या बन गई ए वन एक्स बी वन वाई प्लस डी वन बराबर जीरो दूसरी क्या बन गई ए टू एक्स बी टू वाई प्लस डी टू बराबर जीरो इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करके मान लो मेरे पास आ गया X तो आ गया X1 और Y आ गया Y1 और Z क्या ले रखा था हमने जीरो तो लाइन अब देखो कैसे मिलेगी लाइन मिलेगी X माइनस एक्स वन y माइनस वाई वन सर z को हमने जीरो लिया था z माइनस जीरो क्योंकि दोनों में z को जीरो रखकर हमने सॉल्व किया तो दोनों पर लाई करने वाला पॉइंट होगा एक्स बराबर वाई वन और z बराबर क्या है जीरो तो क्या करना है दोनों प्लेन्स में z को जीरो रखा और सॉल्व फॉर x एंड y जरूरी नहीं z को ही जीरो रखो आप चाहो तो आप चाहो तो x को भी जीरो रख सकते हो आप चाहो तो y को भी जीरो रख सकते हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको जीरो रखते हैं ठीक है तो यह हो गया डिवाइडेड बाय नीचे क्या आते हैं डी किसके लाइन के या फिर यू कहूं उसके पैरल वैक्टर के तो उसके पैरल वैक्टर क्या हुआ उसके पैरल वैक्टर तो हुआ सर एन वन क्रॉस एन टू एन वन क्रॉस एन टू और एन वन क्रॉस एन टू भी आया ए आई के आया तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन तो इस तरह से हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन को तो एक बार निचोड़ बता दू कैसे करना है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दो प्लेन्स दे रखे होते हैं और लाइन कौन सी लाइन होती है उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उस लाइन की चर्चा होती है वो लाइन कैसे मिलती है दोनों के नॉर्मल्स का डॉट दोनों के नॉर्मल्स का क्रॉस करो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया एन वन क्रॉस एन टू वो वेक्टर मिल गया जो लाइन के पैरेलल है और वो आया ए आई सी के यानी ये लाइन के डी आर हो गए ए बी सी और दूसरा प्लेन के ये तो हो गया प्लेन के ये हो गए लाइन के डी आर ए बी सी और फिर दोनों प्लेन में Z को जीरो रखकर और वाई सॉल्व किया तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर मिल गया हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें पॉइंट मिल गया ठीक है बेटा हाँ सर ठीक है तो बेटा आज एक क्वेश्चन ये लेट पी आर डॉट a equal to d d contain the 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 line of intersection of of intersection this this this, and plane. plane If the plane passes through this, find the value of 13A vector square square square. mod ka square upon d square. So, plane plane, P1. P1 एक्स वाई जेड में से रिप्लेस कर लो एक्स प्लस जेड इक्वल टू सिक्स और दूसरा प्लेन है P2. और वो प्लेन क्या है वो प्लेन हो जाएगा सर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई माइनस जेड इक्वल टू सेवन और जो प्लेन हमें चाहिए वो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता है तो P जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 वन प्लस लैमडा पी टू. और ये कहां से पास करता है ये प्लेन पासिस टू थ्री माइनस हाफ और ये कब आया 2022 28 जून को आया यानी सेकेंड लास्ट डे में आया किसी के एग्जाम में आया होगा ठीक है तो इस केस में P1 वन प्लस लैमडा पी टू पी वन प्लस लैमडा पी टू करेंगे एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड माइनस सिक्स प्लस लैमडा टाइम्स माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई और माइनस जेड इक्वल टू इक्वल टू दोनों को ऐड कर लिया ना हमने और प्लस सेवन माइनस सेवन आएगा यहाँ पर इक्वल टू जीरो जी सर ये आ गया प्लेन पी हाँ सर क्या बन गया सर ये बन गया वन माइनस सिक्स लैमडा एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव लैमडा वाई प्लस नहीं माइनस माइनस वन प्लस लैमडा जेड और सेवन लैमडा माइनस सिक्स लैमडा माइनस सिक्स प्लस सेवन लैमडा माइनस सिक्स प्लस सेवन लैमडा बराबर जीरो ये बन गया भाई हाँ अब ये पास कहाँ से करता है टू थ्री माइनस टू थ्री हाफ से पासिस टू थ्री हाफ एक मिनट भाई पासिस टू थ्री हाफ टू थ्री हाफ करो भाई पासिस टू थ्री हाफ अगर ये टू थ्री हाफ से पास करता है तो टू थ्री हाफ इसको सेटिस्फाई करेगा तो टू माइनस ट्वेल्व लैमडा और थ्री के साथ नाइन प्लस फिफ्टीन लैमडा और हाफ माइनस वन बाई टू माइनस लैमडा बाई टू और माइनस सिक्स माइनस सेवन लैमडा बराबर जीरो ये आ गया जी सर लैमडा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है जल्दी से लैमडा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है कैलकुलेट करके लैमडा कितनी आ रही है लैमडा की वैल्यू लैमडा वन आ रहा है बच्चे बता रहा है लैमडा वन आ रहा है सर लिख दो लैमडा देखो वन आ रहा है क्या लैमडा वन आ रहा है तीन चार हाँ लैमडा वन ही आ रहा है लैमडा नाइन बाई टू लैमडा इक्वल टू नाइन बाई टू आ रहा है ऐसा आ रहा है ना हाँ लैमडा वन आ गया लैमडा वन आ गया तो प्लेन क्या बन गया प्लेन बन गया अपने पास प्लेन बन गया अपने पास माइनस फाइव एक्स प्लस एट वाई माइनस फाइव एक्स प्लस एट वाई माइनस फाइव एक्स प्लस एट वाई और फिर माइनस का टू जेड माइनस का टू जेड प्लस थर्टीन माइनस थर्टीन बराबर जीरो यानी कि फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस टू जेड माइनस प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो अब वो कह रहा है कि इक्वेशन जो प्लेन जो है वो है आर माइनस ए आर डॉट ए इक्वल टू डी ये प्लेन इस फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फाइव वाई माइनस एट जे प्लस टू के और डॉट कितना कर दें डॉट करेंगे एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल टू माइनस थर्टीन ऐसे लिख देंगे ऐसे लिखेंगे भाई चलो ये हो गया आर डॉट फाइव वाई माइनस एट जे प्लस टू के इक्वल टू माइनस थर्टीन ये तो हो गया ए वेक्टर और ये बोल दिया उसने डी अब हमें क्या चाहिए थर्टीन ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर तो थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन इंटू ए के मॉड का स्क्वायर 64 और 468 प्लस 25 68 प्लस 25 91 आता है मेरे ख्याल से और डिवाइडेड बाय d स्क्वायर d स्क्वायर है 169 91 आ रहा है कितना आ रहा है 25 uh, 64 और 25 68 और 25 68 60 25 और 64 एक बार देखना भाई कितना आ रहा है जरा देखो वट इज कमिंग आउट टू बी नाइन्टी थ्री आ रहा है क्या नाइन्टी थ्री बता रहे हैं बच्चे देख लो भाई चेक करो नाइन्टी थ्री आ रहा है या कुछ और आ रहा है नाइन्टी थ्री आ रहा है या कुछ और आ रहा है चेक करो बेटा हाँ सर नाइन्टी थ्री ही आ रहा है नाइन्टी थ्री आ रहा है बच्चे नाइन्टी थ्री बोल रहे हैं तो नाइन्टी थ्री लिख देते हैं बच्चों पर इतना विश्वास है हमको 93 थ्री तो आंतर गया उत्तर नाइन्टी थ्री आ गया 93 थ्री इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस चलो ये हो गया अब आ, एक क्वेश्चन ये देखो एक क्वेश्चन ये देखो इफ टू डिस्टिंग पॉइंट्स क्यू एंड आर जे मे ट्वेंटी एट जून बाईस को आया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देखो जरा ये दो प्लेन्स दे रखे हैं भाई इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर हमारे पास एक काम ही कर लेते हैं। ये प्लेन है भाई जी सर और एक प्लेन ये है ये दो प्लेन्स। Q एंड R लाई ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दिस PQ बराबर PR आर जहां पी ए है पी क्यू इक्वल टू पी तो यहां से P, यहां से हमने दो पॉइंट ले रखे क्यू और एक आर इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर ये पॉइंट है पी ये क्यू और ये आर और ये कह रहा है ये रूट एटीन है और ये भी रूट एटीन है तो हमें ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया बताना है हमें ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया बताना है तो ये तो हो गई अपनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यह हो गई अपनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सो दिस इज आवर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और हमें पी क्यू और पी आर ये जो ट्राइंगल बना ना पी क्यू आर हमें ये वाला एरिया बताना है भाई हैव टू फाइंड दिस एरिया ये ट्राइंगल का एरिया बताना है ठीक है हाँ चलो आओ देखते हैं तो प्लीज सर प्लीज़ इन लक्ष्य 2.0, पॉइंट अरे सर पढ़ा तो रहे हैं, मस्त हाँ, हाँ 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 तो चलो आओ हमें ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है ट्राइंगल पी क्यू आर का अगर एरिया निकालना है तो क्या करें सर सबसे पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सर माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड ये लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी है सर क्योंकि इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात की गई है सर तो पहले क्या करें एन वन क्रॉस एन टू दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस आई जे के माइनस वन टू माइनस वन एक्स का कॉफिशेंट वाई का कॉपिशंट जेड का कॉफिशेंट थ्री माइनस फाइव टू इनका डॉट क्रॉस करेंगे तो आई के साथ क्या आएगा ये गया फोर प्लस फाइव नाइन फोर प्लस फाइव नाइन आ रहा है हाँ सर फोर प्लस फाइव नाइन नहीं फोर माइनस फाइव माइनस आई आ रहा है माइनस आई और फिर जे के साथ आ रहा है माइनस का टू प्लस का थ्री माइनस का जे के के साथ आ रहा है फाइव माइनस सिक्स माइनस का के यानि के हमें इस लाइन के पैरल वैक्टर मिल गया भाई मुबारक हो क्या क्या मुबारक हो इस लाइन के पैरल वेक्टर मिल गया हमको ठीक है सर लाइन के पैरल वेक्टर मिल गया खुशी की बात है लाइन के पैरल के पैरल एन वन क्रॉस एन टू लाइन के पैरल वेक्टर मिल गया हमें और क्या करें अब पुट जेड इक्वल टू जीरो इन प्लेन वन एंड प्लेन टू ये प्लेन वन है और ये प्लेन टू है जो पढ़ने वाला बच्चा उसे मेरी एक एक बात समझ में आ रही होगी Z को जीरो रखा Z को जीरो रखा Z को जीरो रखा बेटा तो कितना आया सर आ गया माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो और दूसरा आ गया थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू जीरो दोनों को सॉल्व किया सर जीरो जीरो आ रहा है एक्स भी एक्स भी जीरो वाई भी जीरो तो अब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं सर तो लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी लाइन की क्वेश्चन मिलेगी लाइन के ऊपर पॉइंट मिल गया हाँ सर x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो और z माइनस जीरो और नीचे क्या आ रहा है सर माइनस वन माइनस वन माइनस वन वैक्टर पैरल टू लाइन वेक्टर पैरल टू लाइन एन वन क्रॉस एन टू ये क्या हो गया वैक्टर पैरल टू लाइन वेक्टर पैरल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अब असली मैच शुरू होता है यहाँ से हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल गई हाँ सर अब पी से परपेंडिकुलर डाला पी से क्यू और आर को मिलाया और ये दोनों का लेंथ रूट एटीन है हमें ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया चाहिए तो आओ जरा देखें आओ जरा देखें ये हो गई लाइन की इक्वेशन इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड जी सर ये लाइन आ गई और यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट है यहां पर अपने पास ऊपर एक पॉइंट है उसको यहां मिलाया यहां मिलाया ये यह पॉइंट है पी ये क्यू और यह आर यह है रूट एटीन और ये भी रूट एटीन हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो क्या करें अपन इस ये हाइट ये देख लें फुट ऑफ परपेंडिकुलर हाँ सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा किसी लाइन पर कोई भी पॉइंट मिलता है इसको ड्लैमडा रख दो तो लामडा रखोगे तो एक्स भी लामडा वाई भी लामडा जेड भी लामडा और पी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे वन टू माइनस थ्री पी के कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वन माइनस टू थ्री हो गया भैया काम वन माइनस टू और थ्री वन माइनस टू और थ्री यस yes. करो भाई आगे hmm. वन माइनस टू और थ्री जरा देख लो हाँ सर वन माइनस टू और थ्री था ना पॉइंट तो दिस और इसके पैरल वेक्टर क्या है इसके वेक्टर हो जाएगा सर i या माइनस माइनस हट गया सब में से तो हम कह सकते हैं पी एफ वैक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो तो पी एफ वैक्टर कितना हुआ लैमडा माइनस वन और i प्लस लैमडा प्लस टू जे लेमडा माइनस थ्री के और इसका डॉट किसके साथ इसका डॉट i प्लस जे प्लस के के साथ जीरो होना चाहिए तो लैमडा माइनस वन लैमडा प्लस टू लैमडा माइनस थ्री बराबर जीरो तो थ्री लैमडा इक्वल टू ये कितना हुआ माइनस थ्री फोर तो की वैल्यू टू बाई थ्री आ गई तो उसका मतलब एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए टू बाई थ्री कॉमा टू बाई थ्री कॉमा टू बाई थ्री आप मुझे पी एफ का लेंथ बता सकते हैं पीएफ का लेंथ पी एफ का लेंथ क्या होगा पीएफ का लेंथ होगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस टू बाई थ्री वन बाई नाइन का स्क्वायर पी एफ का लेंथ वन, वन माइनस टू बाई थ्री टू बाई थ्री और माइनस वन वन बाई थ्री 1 by 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, minus 2 minus 2 by 3, minus 2 minus 2 by 3. एक बच्चा पूछा सर root 18 कहाँ से आया? बेटा चोमू, ये क्वेश्चन में दे रखा है PQ बराबर PR बराबर root 18 दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, यहाँ भी लिखा है बेटा देखो, अपनी तेज बुद्धि से जो आपकी खोपड़ी में से प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश का इस्तेमाल करते हुए इस्ते� ठीक है बेटा कहीं से आया नहीं है वन बाय रूट थ्री फिर टू बाई थ्री माइनस टू एट बाई थ्री माइनस एट बाई थ्री का स्क्वायर फिर प्लस थ्री माइनस टू बाई थ्री सेवन बाय थ्री का स्क्वायर कितना हुआ भाई जरा जोड़ो फिर ये हुआ सिक्सटी फोर और फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर और फोर्टी नाइन फोर और फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर और फोर्टी नाइन कितना हो गया भाई सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव और फोर्टी नाइन कर लो भाई जरा पी का वैल्यू बताओ यार सर पी की वैल्यू हो गई नाइन अपॉन सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव और फोर्टी नाइन सिक्सटी फाइव और फोर्टी नाइन दस यार एक सौ ज्यादा वन वन फोर तो ये हो गया थ्री से उड़ जाएगा ऊपर नीचे हाँ सर थ्री से तो उड़ जाएगा थ्री थ्री से नाइन थ्री एट जो ट्वेंटी फोर थर्टी एट बाय थ्री यानी ये लेंथ आ गया रूट थर्टी एट बाय थ्री ये लेंथ आ गया रूट थर्टी एट बाई थ्री तो ट्राइंगल आईसो सिले से तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें हाँ सर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं उसका दुगना कर देंगे तो एफ आर कितना आ जाएगा एफ़ आर पाइथक्रोस लगा के एफ आर आ जाएगा हाँ सर पाइथक्रोस लगा कर एफ आर आ जाएगा एफ तो आर हो गया 18 माइनस थर्टी एट बाई थ्री का रूट 54 54 54 माइनस थर्टी एट फिफ्टी फोर माइनस थर्टी एट थर्टी एट सिक्स सोलह आ गया तो चार बाय रूट थ्री तो एरिया हो गया एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू टू टाइम्स हाफ ऑफ पी एफ इंटू एफ आर जरा देखना भाई हाफ ऑफ पी एफ इंटू एफ आर देखना हाफ ऑफ पी एफ इंटू एफ आर इसका हाफ इसका डबल कर दोगे तो पूरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा जी सर तो ये हो गया पी एफ इंटू एफ आर पी एफ था रूट थर्टी एट बाय थ्री और फोर बाय रूट थ्री तो ये हो गया फोर बाय थ्री रूट थर्टी एट यह गया ट्राइंगल का एरिया अब ऑप्शन में है भी कि नहीं है फोर बाय थ्री रूट थर्टी एट ये आ गया वही आंसर फोर बाय थ्री रूट थर्टी एट दैट इज द करेक्ट आंसर हाँ चलो ठीक है ना थोड़ा लंबा सवाल है थोड़ा लंबा सवाल है ऐसे सवालों को कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए इफ द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट बहुत बढ़िया सवाल है जई मेन्स छब्बीस जून दो हजार बाईस को आया क्या कह रहा है एक प्लेन लिया पी वन इस प्लेन को हमने इसके साथ में जो दूसरा प्लेन है ये प्लेन है पी वन और ये प्लेन है पी टू दिस प्लेन इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस प्लेन बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू इस प्लेन को घुमा दिया हमने कितना डिग्री नाइन्टी डिग्री 90 डिग्री घुमा दिया यानी ये एंगल कितना है 90 डिग्री है ये हमारा पी रोटेटेड है पी रोटेटेड ये घुमाने के बाद आया इसको इसके अबाउट घुमा दिया जैसे दरवाज़ा होता है ना दरवाज़ा साइड में लगा होता है साइड में वो टंगा होता है तो उसको घुमा दो घूम वो नाइन्टी डिग्री घुमाने के बाद वो यहाँ पहुँच गया पी रोटेटेड बाई एन एंगल देन द प्लेन आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रोटेशन देन द प्लेन आफ्टर रोटेशन पासिस थ्रू द पॉइंट यह रोटेशन लिखा है भाई रोटेशन प्लेन आफ्टर रोटेशन पासिस थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से पास करेगा यह पूछ रहा है वो आफ्टर रोटेशन आफ्टर रोटेशन पासिस थ्रू द पॉइंट किससे पास करेगा तो पी रोटेटेड कैसे लिखूर क्योंकि यह दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता है इसको मैं पी आर कह देता हूं ऐसे लिखता हूं पी आर यह बराबर होगा पी वन प्लस लैमडा पी टू बराबर जीरो हाँ सर तो पी वन प्लस लैमडा पी टू करो भाई तो टू प्लस थ्री लैमडा टाइम्स एक्स फिर वाई प्लस बहुत ही प्यारा सवाल है वाई इंटू वाई इन टू यानी कि वन प्लस या वन माइनस लैमडा टाइम्स वाई और माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस फोर लैमडा जेड और फिर माइनस सेवन लैमडा माइनस सेवन लैमडा बराबर जीरो ये आ गया जरा देखना भाई सही लिखा गया पी वन प्लस लैमडा पी टू मेरी तबीयत अब थोड़ा बिगड़ रही है कोई बात नहीं एक मिनट रुको कुछ हाँ भाई बताओ जल्दी से ये आ रहा है हाँ सर यही आ रहा है चलो एक छोटा सा रूटी खा लेते हैं भाई हाँ हूँ देखो जरा ये आ रहा है कुछ आ रहा है देखो भाई हाँ सर ये आ रहा है बिल्कुल सही इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा टू प्लस थ्री लैमडाई स लैमडा जे और प्लस फोर लैमडा माइनस फाइव के यही है इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका डॉट एन वन से नॉर्मल टू फर्स्ट प्लेन जीरो कर देंगे क्योंकि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे ये बात अभी हमने यूज भी की थी थोड़ी देर पहले हाँ तो दोनों का डॉट करो दिस डॉट दिस फोर प्लस सिक्स लैमडा प्लस वन माइनस लैमडा और माइनस ट्वेंटी लैमडा प्लस ट्वेंटी फाइव बराबर जीरो कितना हुआ ये सर थर्टीन और ट्वेंटी नाइन जरा देखना भाई कैलकुलेशन देखो फिफ्टीन फिफ्टीन लैमडा फिफ्टीन लैमडा आ रहा क्या ट्वेंटी वन माइनस का फिफ्टीन लैमडा प्लस का थर्टी तो लैमडा की वैल्यू आ गई टू लैमडा की वैल्यू टू आ गई तो प्लेन क्या बन गया पी रोटेटेड पी आर क्या बन गया भाई सर थ्री टू जिक्स सिक्स और टू एट एक्स माइनस का वाई और फोर टू जा 8 माइनस फाइव थ्री थ्री जेड माइनस ट्वेंटी वन बराबर जीरो इनमें से देखो कौन सा पॉइंट लाई करता है कौन सा पॉइंट लाई करता है ट्वेंटी वन नहीं फोर्टीन माइनस फोर्टीन आएगा माइनस फोर्टीन बराबर जीरो तो टू माइनस टू जीरो माइनस टू टू जीरो आ रहा है भाई सी सी देखना भाई सही है क्या सी आ रहा है सी लाइज ऑन इट एक बार देखो जरा सी ही आ रहा है जी सर सी ही आ रहा है चलो अब यह क्वेश्चन आपके लिए फिर से के टी के टू ये दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एंड पी टू जेई मे उनतीस जून को आया बहुत आसान सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोग मुझे ठीक है हाँ चलो अब आते हैं मेरे ख्याल से वैसा थोड़ा सा ही बचा है हाँ बस खत्म ही है चैप्टर बस 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 खत्म हो गया थैंक यू आ गया बेटा जल्दी आने वाला थैंक यू बस अब ज़रा देख लो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ध्यान रखना इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स यानी हम दो प्लेन्स के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं दोनों की प्लेन नॉर्मल्स के बीच के एंगल को डिफ़ाइन करते हैं ठीक है मान लो एक प्लेन है P1 वो है ए वन एक्स बी वन वाई पी वन जेड प्लस डी वन और दूसरा प्लेन है P2 टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो n1 वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वन टू मॉड ऑफ एन टू दैट विल बी कॉस थीटा तो यानी टू बी वन बी टू प्लस इंटू रूट ऑफ एक्वाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन ध्यान रखें एंगल बिटवीन टू प्लेन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दर नॉर्मल ठीक है ना आ, ये हो गया प्लेन्स आर पैरल एंड डिस्टिंक्ट प्लेन्स पैरल और डिस्टिंक्ट कब होंगे प्लेन पैरल पैरल तब होंगे जब दोनों के देखो दो प्लेन्स अगर पैरल होते हैं तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी पैरल होते हैं या यूं कहूं सेम भी कह सकते हैं नॉर्मल वेक्टर दोनों के पैरल होंगे ये दो प्लेन्स पैरल है भाई हाँ सर तो इसका नॉर्मल एन वन इसका नॉर्मल एन टू तो ये दोनों भी क्या होंगे पैरल होंगे और जब ये दोनों पैरल होंगे तो इनके कॉफिशेंट्स का रेशियो एन वन वैक्टर आप समझते ही हैं मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि एन वन वैक्टर क्या है सर एन वन वैक्टर है ए वन आई बी वन जे वन के ये एन वन वैक्टर है और एन टू वैक्टर क्या है ए टू आई बी टू जे सी टू के और ये दोनों वैक्टर्स पैरल हैं प्लेन पैरल हैं तो वैक्टर्स पैरल होंगे तो क्या हो गया तो क्या होगा सर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन टू लेकिन वो डी वन अपॉन डी टू के इक्वल नहीं होगा क्योंकि अगर डी वन अपॉन डी टू के इक्वल भी हो गया तो दोनों प्लेन ओवरलैप कर जाएंगे यानी कि ये हो गई पैरेललिज्म की कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए एन वन डॉट एन टू बराबर जीरो आइडेंटिकल के लिए देख रहे हो इसमें इसमें फर्क क्या है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू हो तो डिस्टिंक्ट होंगे और इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू हो तो प्लेन आइडेंटिकल होंगे यानी कि दोनों प्लेन एक ही हैं इक्वेशन बस ऐसे लिखी हुई है ठीक है ना यस yes, सर ये क्लियर हुआ आइडेंटिकल के लिए अच्छा एक चीज और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन और बता देता हूं यहां पर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन लाइन और प्लेन और और के बीच का एंगल देखो जरा मान लो भैया हमारे पास ये तो रहा प्लेन ये प्लेन है भाई और यहाँ से गुजरती हुई एक लाइन ये कुछ और कलर से बना देते हैं मान लो ये लाइन है ये लाइन इसको सपोज दिस इज द लाइन विच पास पॉइंट इसको पी पर कट करती है और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैमडा बी और प्लेन है आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू तो आप समझ सकते हैं कि प्लेन का नॉर्मल क्या होगा सर प्लेन का नॉर्मल वैक्टर तो सर ये हो जाएगा प्लेन का नॉर्मल वैक्टर हाँ यह हो गया प्लेन का नॉर्मल वैक्टर और लाइन के अला जो वैक्टर चिपका होगा वो वेक्टर कौन सा होगा सर वो ये वेक्टर होगा लाइन के लॉन्ग बिल्कुल ये क्या होगा सर ये होगा बी वेक्टर और ये होगा एन वेक्टर अब लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बनाती है सर लाइन प्लेन के साथ एंगल बनाती है ये वाला ये लाइन के साथ प्लेन के साथ एंगल बनाएगी मान लो थीटा ये एंगल कितना मान लो पाई तो थीटा प्लस पाई कितना होगा सर 90 डिग्री होगा और cos पाई किसके बराबर होगा सर cos पाई होगा एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी जी सर तो साइन अब फाइव की जगह क्या रख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू मॉड एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी तो यानी के कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया यानी इस केस में साइन थीटा मिलेगा इस केस में क्या मिलेगा साइन थीटा इस केस में क्या मिलेगा साइन थीटा मिलेगा साइन थीटा यानी साइन थीटा हो गया एन डॉट बी बेटा सिर्फ एन डॉट बी अपॉन मॉडर्न मॉड बी ये हो जाएगा लाल बी साइन थीटा तो यानी कि एन डॉट बी अपॉन मॉडर्न इंटू मॉड बी करके हमें क्या मिलता है एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन उसका साइन मिलता कॉस नहीं क्या मिलता है साइन मिलता है साइन मिलता है ठीक है ना भाई ये बात क्लियर हुई ये बात क्लियर हुई हाँ ये बात क्लियर हुई जी सर चलिए अब आगे देखते हैं हम्म, देखें कंसीडर थ्री प्लेन्स इनमें बताओ कौन कौन से पैरल हैं जल्दी से बताओ कौन से प्लेन पैरल हैं पी वन और पी टू पी वन और पी टू के लिए देखो फॉर P1 P2 P1 एंड पी टू चेक करो क्या ये पैरल हैं थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन माइनस थ्री नहीं सर और ये तो बराबर नहीं है किसके ट्वेंटी वन अपॉन माइनस वन ये तो पैरल नहीं है भाई अब बात करते हैं पी वन और पी थ्री की पी वन और पी थ्री इसको इसके साथ देख लो थ्री अपॉन टू ये बराबर है, है क्या फिफ्टीन अपॉन टेन हाँ सर बराबर है थ्री फाइव थ्री किसके टेबल से आएगा फाइव के टेबल से हाँ और ये हो जाएगा ट्वेंटी वन अपॉन फोर्टीन ट्वेंटी वन अपॉन फोरटीन हाँ सर ये तीनों बराबर हैं तो पी वन एंड पी थ्री आर पैरेलल ये दोनों पैरेलल हैं भाई पी वन और पी थ्री पैरेलल हैं बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ये देखो अगला एंगल जे ई मेज दो हज़ार उन्नीस में आया लाइन है और ये प्लेन है इनके बीच का एंगल कॉस इनवर्स दे रखा है तो हम पहले से साइन इनवर्स में बदल हाँ दे रखा है टू टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन बाई थ्री समझ गए होंगे है ना हाँ अब यह बराबर हो गया यानी साइन थीटा बराबर हो गया वन बाय थ्री और वो होता है एन डॉट बी अपॉन मॉड एन इन टू मॉड बी यही था तो एन डॉट बी एन ये रहा और डॉट बी तो कितना लिखें सर वन इंटू टू फिर इसका डॉट इसके साथ माइनस टू और फिर माइनस टू के प्लस टू के प्लस टू के डिवाइडेड बाय नीचे कितना मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ एन आएगा रूट ऑफ वन प्लस फोर प्लस के स्क्वायर इंटू रूट ऑफ फोर फोर एट और वन नाइन ये हो गया तो वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू के अपॉन थ्री इंटू फाइव प्लस के स्क्वायर ये कैंसिल आउट हुआ के स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर तो के स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री तो के वैल्यू आ गई रूट फाइव बाई थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री तो पूछा देना वैल्यू ऑफ के इज सिंपल डी आंसर बिल्कुल सही बच्चों बिल्कुल सही बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं साथ साथ में मेरे एक क्वेश्चन और देखो दूड एंगल बिटवीन द प्लेन्स पी वन एंड पी टू आर बिटवीन द प्लेन्स पी वन एंड पी टू वेन पी वन एंड पी टू आर प्लेन्स पासिंग थ्रू इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं और इन पॉइंट से पास कर रहे हैं ये आप खुद करना के टी के थ्री बहुत आसान सवाल है इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल पूछा है p1 और p2 के बीच का एक्यूट एंगल जहां p1 p2 इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं और इस पॉइंट से पास करते हैं तो p1 की इक्वेशन कैसे लिखेगा p1 लैम्डा p2 और यहां से पास करा दे फिर अगले वाले की p1 प्लस म्यू p2 यहां से पास करा दे दोनों की इक्वेशंस आ गई एंगल चाहिए दोनों के बीच का सिंपल हां चलो ये हुआ अब आता है इक्वेशन ऑफ बाइसे प्लेन्स बिटवीन प्लेन्स दो प्लेन्स के एंगल वाई की इक्वेशन अब जरा सनना दो प्लेन्स के एंगल वाई की इक्वेशन अगर मैं ये पहला प्लेन P1 और ये है प्लेन P2 टू ये है प्लेन P1 वन यह प्लेन P2 टू यह क्या टॉप व्यू है टॉप व्यू टॉप व्यू का मतलब सारा समझो इमेजिन करो जरा सा एक समुद्र हाँ सर इमेजिन कर लिया समुद्र के बीच में दो दीवारें बनी है समुद्र के बीचों बीच कॉन्क्रीट की दो दीवारें बनी है एक दूसरे के ये क्रॉस करती हुई हाँ सर, समझ अब तुम सोचो तुम हेलीकॉप्टर में हो ऊपर, उन दीवार के ऊपर तो कैसा दिखाई देगा? तो देगा बिल्कुल उसके ऊपर एक काटा का निशान बना दिखाई देगा हाँ तो इस केस में इस केस में आपको ये टॉप व्यू है ये क्या है टॉप व्यू दिस इज द टॉप व्यू ऑफ बोथ द इंटरसेक्टिंग प्लेन्स ठीक हाँ, है तो अब इस केस में अगर ये हमारा बाई प्लेन है अगर ये हमारा बाई प्लेन है तो इस बाई प्लेन से अगर मैं दोनों पर परपेंडिकुलर डालू यहां पर और यहां पर दोनों पर लेंथ और तो परपेंडिकुलर बराबर आएगा तो वहां पर जैसे था प्लेन में किसमें जैसा कि उधर था किसमें लाइंस में तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द फर्स्ट प्लेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द सेकंड प्लेन तो यहाँ मॉड लगता है यहाँ मॉड लगता है मॉड हटाया तो प्लस माइनस आ जाता है तो a1x, b1y, c1z बी प्लस डी अपॉन दिस यानी बेसिकली आपने परपेंडिकुलर्स को इक्वल रख दिया दोनों के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स को इक्वल रख दिया हाँ सर ये आ गया ये बात समझ में आ गई हाँ तो अब इस केस में ये हो गया बाइसेक्टर प्लेन यानी पहला प्लेन लिखो दूसरा प्लेन लिखो उनके ऑफ ऑफ एक्स वाई और जेड से से सम डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ये दोनों आपको मिल जाएंगे ठीक है ना अब सवाल उठता है सर दो प्लेन्स होंगे दो प्लेन्स होंगे एक ये होगा और एक ये होगा एक इनके बीच का एक्यूट एंगल को बाइसेट करेगा एक इनके ऑप्टि एंगल को बाइसेट करेगा तो कैसे आइसोलेट करेंगे क्योंकि यहां से दो मिलेंगे प्लस लेकर और एक माइनस लेकर तो पता कैसे चलेगा कौन सा एक्यूट बाई है और कौन सा By है. तो चलो देखते हैं और कैसे करेंगे? अब एक देखना. कितना होता है? कहां से कहां तक होता है सर ऑप्टिज एंगल होता है नाइनटी से वन एट्टी के बीच में नाइनटी से वन एट्टी के बीच में ऑप्टीवस एंगल होता है तो ऑप्टि एंगल बाई टू कहां से कहां तक होगा सर ऑप्टि एंगल बाई टू होगा ऑप्टिवस एंगल बाय टू होगा सर 45 से 90 के बीच में तो इसका मतलब कॉस ऑफ ऑप्टिवस एंगल कहां से कहां तक होगा कॉस ऑफ ऑप्टिवस एंगल बाय टू कहां से कहां तक होगा सर वो होगा वन बाय रूट टू से जीरो के बीच में यानी के वन बाय रूट टू से बड़ा वन बाय रूट टू से बड़ा वन बाय रूट टू से बड़ा है ना हाँ सर कॉस ऑफ ऑप्टिव से एंगल बाई टू होगा वन बाय रूट टू से बड़ा वन बाय रूट टू से छोटा छोड़ा छोटा वन बाय रूट टू से जीरो के बीच में लेस देन वन बाय रूट टू और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूं एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है सर जीरो से नाइन्टी तो उसका आधा कहाँ से कहाँ तक होगा एक्यूट एंगल बाई टू वो कहाँ से कहाँ तक होगा सर वो होगा जीरो से फोर्टी फाइव जीरो से फोर्टी फाइव तो कॉस ऑफ एक्यूट एंगल बाई टू कहां से कहां तक होगा कॉस ऑफ एक्यूट एंगल बाई टू सर वो हो जाएगा वन बाय रूट टू से बड़ा वो वन बाय रूट टू से बड़ा तो क्या करते हैं मान लो एक प्लेन है पी वन लेट गिवन प्लेन्स मान लेते हैं गिवन प्लेन्स क्या है पी वन एंड पी टू गिव प्लेन्स बी पी वन और पी टू पी वन और पी टू गिव प्लेन्स हैं और बाइसेक्टर प्लेन्स क्या है? हैं बाइसेक्टर प्लेन्स हैं बाइसेक्टर प्लेन्स हैं बी वन और बी टू बी वन और बी टू तो क्या करो कॉस थीटा फाइंड करो कैसे एन वन डॉट एन बी वन एक ये प्लेन उठा लो और एक ये प्लेन उठा लो अपॉन एन बी वन का मॉड और एन बी टू का मॉड एन तो वन और एन टू के मॉड से डिवाइड बाय मॉड ऑफ एन वन मॉड एन बी वन ये फाइंड आउट कर लो अगर ये क्वांटिटी यानी तुमने क्या किया तुमने क्या किया तुमने क्या किया तुमने क्या किया जरा ध्यान से सुनना तुमने क्या किया ये है दो प्लेन्स जरा देखना एक प्लेन पी वन और ये दूसरा प्लेन पी टू फिर तुमने एक बाइसेक्टर प्लेन उठाया फिर दिस इज द बाई प्लेन बी वन प्लेन उठाया मान लो तुमने इसके बीच का एंगल निकाल लिया तो ये पूरे एंगल का आधा होगा हां सर ये पूरे एंगल का आधा होगा इस पूरे एंगल का आधा होगा कॉस् थीटा जो होगा इस पूरे एंगल का आधा क्योंकि यह भी थीटा होगा तो कॉस्ट थीटा इस पूरे एंगल का आधा और अगर ये वन बाय रूट टू से बड़ा आया अगर ये वन बाई रूट टू से बड़ा आया थीटा इज ग्रेटर देन वन बाय रूट टू इसका मतलब हुआ कि टू थीटा एक्यूट होगा टू थीटा इज एक्यूट इसका मतलब B1 वन एक्यूट बाई सेक्टर होगा बी वन इज एक्यूट बाई सेक्टर एक्यूट बाई सेक्टर और इसी तरीके से अगर आप यहां से कॉस थीटा की वैल्यू देखें और वो वन बाय रूट टू से छोटी आ जाए वो किससे छोटी आ जाए वन बाय रूट टू से इसका मतलब टू थीटा कैसा होगा ऑप्टूस क्योंकि ऑप्टिज बाय टू पर ही आधा हाँ आता है तो ये ऑप्टिवस होगा इसका मतलब बी वन इज ऑप्टि एंगल बाई सेक्टर वन इज ऑप्टि बाई सेक्टर ऑप्टि एंगल बाई सेक्टर ये ऑप्टि एंगल बाई सेक्टर होगा में, जी सर ये ऑप्टिव एंगल बाई सेक्टर तो अब इस केस में ये हमें समझ में आ गया अक्यूड और ऑप्टिवस हाँ सर तो अब देखो ये क्वेश्चन आया था जेई मेन्स अगस्त 2021 में क्या कह रखा है लेट द एक्यूड एंगल बाई सेक्टर ऑफ टू प्लेन्स बी ऑफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस बी पी तो इनमें से कौन सा पॉइंट पी पर लाए करता है तो क्या करें पहले बाई सेक्टर प्लेन लिखते हैं एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर फोर एट और वन नाइन का रूट थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स नाइन फोर्टी फाइव सेवन यह आ गया तो एक बाई प्लेन आया B1 और एक B2 तो लिख लेते हैं भाई क्या आया सर 7x एक्स माइनस सिक्स एक B2 ले लेते हैं पहले ले माइनस B1 ले लेते ले हैं माइनस वाला माइनस वाला ले लेते हैं हाँ माइनस ले लेते हैं सेवन प्लस टू नाइन एक्स सेवन प्लस सिक्स थर्टीन एक्स थर्टीन एक्स और फिर सेवन टू जो फोर्टीन माइनस थ्री सेवन टू जो फोर्टीन और प्लस का नाइन फोटीन और नाइन ट्वेंटी थ्री एक्स ट्वेंटी थ्री वाई, देखना भाई सही लिख रहा हूँ क्या माइनस लेके चल रहा हूँ तो प्लस हो गया तो प्लस का नाइन और फोर्टीन फोटीन हाँ ट्वेंटी थ्री फिर आया माइनस का फोटीन और माइनस का एटीन थर्टी टू जेड और फिर सेवन प्लस थ्री टेन एक बार देखना भाई ये भयंकर सा गंदा सा यही आ रहा है क्या एक बार देखना बस हो गया खत्म सेशन भी जरा देखना एक बार भाई यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है एक बार देखो क्या यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है थर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी टू और टेन यही आ रहा है हाँ ठीक है अब बी टू क्या आएगा B2 आ जाएगा सर प्लस ले लेते हैं B2 में यहां कौन सा लिया नेगेटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन टेकिंग नेगेटिव वाला साइन साइन लिया हमने नेगेटिव मुश्किल काम पहले कर लिया अब आसान काम कर लेते हैं सात माइनस दो छ सात माइनस छ एक फिर फ्योटी फोर्टीन प्लस नाइन माइनस का फाइव वायन प्लस फाइव माइनस का फाइव फिर सेवन टू ज फोटीन सेवन टू जोटीन फोर्टीन और एटीन फोरटीन प्लस एटीन प्लस का फोर जेड और सेवन माइनस थ्री प्लस फोर भाई बी टू देखो बी टू सही है क्या बी टू कैलकुलेशन सही है क्या बी टू की बी टू की कैलकुलेशन सही है क्या बी टू की कैलकुलेशन सही है क्या ये क्लियर है भाई बी टू की कैलकुलेशन देख लो जरा हां सर यही आ रहा है अब इनमें से एक्यूट बाई कौन सा वो चाहिए तो एक तो गिवेन प्लेन उठा लो उठा लेते हैं कौन सा प्लेन उठा ले पहले वाला उठा लेते हैं आई माइनस टू जे माइनस टू के और एक इन दोनों में से कोई सा एक उठा लो बी टू उठा लेते हैं एन बी टू बी वन की बजाय ये सिंपल दिख रहा है थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है i माइनस फाइव जे माइनस फोर प्लस फोर के आप निकालो मॉड ऑफ वन प्लस टेन माइनस एट फोर थ्री ट्वेंटी सिक्सटीन और ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन और ट्वेंटी फाइव और प्लस वन फोर्टी टू आ रहा है मेरे ख्याल से रूट फोर्टी टू ये वो थर्ट इलेवन थ्री वन बाय रूट फोर्टी टू और ये पक्की बात है ये छोटा है वन बाय रूट टू से और जब ये छोटा होगा वन बाय रूट टू से तो उसका मतलब ऑप्टिव बाई सेक्टर आएगा ज़रा देखना ऑप्टिज़ बाई सेक्टर तो इसका मतलब बी टू तो ऑप्टिव बाई सेक्टर है भाई दिस एम्प्लाइज बी टू इज ऑप्टिव बाई सेक्टर गजब सर ये ऑप्टूज बाई है तो एक्यूट कौन है बी वन इज एक्यूट है भाई एक्यूट एंगल और अब हमें देखना इनमें से कौन सा पॉइंट उस पर लाई करता है जरा देखो भाई कौन सा पॉइंट लाई करता है उस पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है भाई आ, टू जीरो माइनस हाफ टू जीरो माइनस ट्वेंटी सिक्स हाफ हाफ माइनस कौन सा लाई कर रहा है भाई जरा देखना बी वन पर बी वन पर देखो कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है भाई ऑप्शन कर क्या माइनस टू ट्वेंटी सिक्स और जीरो सिक्सटीन हाँ बी लाई कर रहा है भाई बी लाई कर रहा है बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे बच्चे तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे ठीक है तो सभी बच्चों को धन्यवाद आपने आप में से बहुत सारे बच्चों ने पेशेंटली सुना क्योंकि जेई की तैयारी करने के लिए भी हिम्मत चाहिए कहते हैं ना इट इज इट इज इवन गुड टू फेल इन बिग बैटल्स यानी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हार भी जाना तब भी इतिहास में पन्नों में आपका नाम दर्ज हो ही जाता है वही बात है आप एक छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं लड़ाई तो नहीं कहना चाहिए मुझे कहना चाहिए कि यह एक अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए या बिलो मिडिल क्लास आदमी के लिए क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है और हमारे लिए हमारे बाप दादाओं ने ऐसा नहीं कि कुछ बहुत कुछ छोड़ा कि हम अब आगे अपना जीवन व्यापन आराम से कर सकें हमें अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से निर्मित करनी है तो उस चीज़ के लिए एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ इट कैन चेंज योर लाइफ इट कैन चेंज योर फैमिली लाइफ इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ योर सिटी एंड इट कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ कंट्री ऑल्सो सो दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन तो एजुकेशन सच में एक ऐसी ताकतवर चीज है जो सब कुछ बदलने की शक्ति आप में रखती है अपने आप में रखती है अब सवाल उठता है कि आप उसके प्रति कितने समर्पित हैं आप उसके प्रति कितनी लगनशील हैं आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं यह है सब आपके ऊपर है क्योंकि असली में जिंदगी के निर्माता ना मैं हूं आपका जिंदगी का निर्माता ना आपके माँ बाप हैं आप ही अपने असली जिंदगी के निर्माता हैं अपने हाथों से अपने कर्मों से रोज मेहनत कर रोज पग पग चलकर अपनी जिंदगी को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी को बिगाड़ते हैं या बनाते हैं और यही कुछ चंद साल होते हैं जब जिंदगी बनती है या बिगड़ती है क्योंकि इस समय में जो जिंदगी बिगड़ जाती है उसका वापस बनना असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है यानी यह पहली ट्रेन है यह पहली ट्रेन है जो आपकी जिंदगी को मंजिल तक पहुंचा सकती है अगर आपने ये ट्रेन मिस कर दी तो पता नहीं यार अगली ट्रेन आएगी भी कि नहीं आएगी सो दिस इज द फर्स्ट एंड मे बी द लास्ट ट्रेन फॉर मेनी विच कैन चेंज योर लाइफ एंड टेक यू टू योर डेस्टिनेशन यही वो आखिरी ट्रेन है इस ट्रेन को मिस मत करिएगा इस पल को इन सालों को इन मेहनत को यानी जो ईयर्स आपने लगाए इनको कभी भी हल्के में लीजिएगा क्योंकि यह सवाल आपके करियर का है और आज नहीं आज से आज से पचास साल तक के आगे की बात कर रहे हैं माँ बाप हर बार बच्चों को कहते हैं बेटा अभी पढ़ लो बाद में आश कर लेना बेटा अभी आश कर लो फिर बाद में रो लेना तो वो आप ही के ऊपर है जब आप रात भर जग जग कर पढ़ते हैं दिन रात मेहनत करते हैं तो आप आने वाले वर्षों में रातों की नींद और दिन का चैन को सुरक्षित करते हैं और अगर आप अभी रात भर सोते हैं दिन भर मस्ती करते हैं तो आप आने वाले शब्द वर्षों में अपनी रात की नींद और दिन का सुख चैन गवा चुके हैं तो ये अब आपके हाथ में है कि आपको इन दो साल आपके लिए ज्यादा मस्ती के हैं या इंपॉर्टेंट हैं या वो आने वाले पचास साल तो कई लोग तो इतने मूर्ख होते हैं जो कहते हैं यार नहीं सर हमें तो ये दो साल मस्ती करने दो सर मजा आ रहा है जिंदगी में बहुत हम उसके पीछे चले जाते हैं हम इसके पीछे चले जाते हैं हम ये देख लेते हैं हम वो देख लेते हैं हम मोबाइल पर लगे रहते हैं सर दो साल हमें जिंदगी जी ले दो मस्त जी लो कोई बात नहीं जी लो दो, दो साल जी लो तीन साल जी लो लेकिन आने वाले फिर पचास साल तुम्हारे लिए कठिनाई भरे होंगे लेकिन अगर तुम इस दो साल में लगकर मेहनत कर रहे हो दिन रात पढ़ाई कर रहे हो दिन रात तो आपने अपने आने वाले पचास साल सुरक्षित कर लिए यार तो कई लोग समझदार होते हैं उन्हें दिखाई देता है कि घाटे का सौदा क्या है मुनाफे का सौदा क्या है वो सही डिसीजन लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप भी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे बल्कि अब तो जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट आ गया है हो सकता है बड़ी लड़ाई में पिछली लड़ाई में आप हार गए हूँ लेकिन अब समय है ना घबराने का ना हार मानने का बस उठना खड़े होने का बाउंस बैक करने का तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू हु परफॉर्म वेल इन इन जेई मीन्स वन आई गॉन्ट टू डू वंडर्स इन जेई मीन्स टू यू गॉन्ट टू बाउंस बैक आई नो दैट आई नो दैट यू आर अ ट्रू फाइटर यू विल बाउंस बैक यू विल बाउंस बैक वो कहते हैं ना क्या था uh, मैं डूबूंगा मैं तय कहता एक बहुत अच्छा सी कोई बात थी जो याद नहीं आ रही शायद मुझको अभी अभी याद नहीं आ रही बाद में सुनाऊंगा कभी जब समय मिलेगा आ, बस जाते जाते इतना ही कहूंगा कि बेटा पढ़ाई करते रहें बस पढ़ाई करते रहें पढ़ाई करते रहें पढ़ाई करते रहें मेहनत करते रहें दिल से ठीक है ना और कोई टीचर अच्छा कोई टीचर बुरा या कोई टीचर आपकी आपकी आपके करियर में सहयोग हमारा सिर्फ इतना सा होता है इतना सा इतना सा सहयोग होता है सारा का सारा काम आपका होता है क्योंकि टीचर तो सिर्फ रास्ता बता सकता है चलना ना चलना वो आपके ऊपर होता है सो टीचर इज जस्ट अ मीडियम नथिंग एल्स सो हम कुछ भी नहीं है सब कुछ आप ही हैं जो हैं सब कुछ आप ही हैं आप ही मेहनत करते हैं आप ही लगन से पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम तो हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं क्या लाखों के लाखों बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं नहीं कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं क्यों वो कुछ लोग मेहनत करते हैं तुम्हारी तरह तो बस इसी थॉट के साथ इसी थॉट के साथ मैं सभी को अपनी तरफ से जय श्री कृष्ण राधे राधे जल्दी मिलेंगे फिर से थैंक यू और मैं क्या कहूं मतलब आज मैंने अपनी तबीयत की परवाह भी नहीं की सच बोल रहा हूं डॉक्टर की सलाह भी नहीं मानी तुम्हारे खातिर चलिए थैंक यू थैंक यू एवरी वन थैंक यू थैंक यू, थांक यू, थांक यू, थांक यू, थांक यू.